गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू द टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म माई सेल्फ प्रतिबंध पार्टी एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस महा मैराथन सेशन फॉर इंटरनेशनल रिलेशन आप सभी का तहे दिल से इस सेशन में स्वागत है दोस्तों तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आज क्या है महा मैराथन सेशन फॉर द फाइव आवर्स पांच घंटे लंबा होने वाला यह सेशन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फटाफट आते जाइए और शांति से बिल्कुल शांत चित्त करके बैठ जाइए बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग मैराथन टूडे आज छोटी मोटी क्लास नहीं है एक पांच घंटे क्लास है तो उसमें सब्र के साथ इत्मीनान के साथ बैठना पड़ेगा समझना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा ओके okay? सो so, आज जो है इंटरनेशनल रिलेशन में जो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है वो सब इस ही क्लास में मिल जाएगा ओके वट एवर कैन बी आज इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इट मीन की यूनिट नंबर फाइव तो यूनिट नंबर पांच से जो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है वो सब इसी क्लास में सब कुछ कवर होगा इसके बाहर एक क्वेश्चन आएगा दैट इज गारंटी ओके चलिए तो आज जाइए सब लोग जुड़ते वेलकम सेशन कीप कैसे हैं आप सभी लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हाई हेलो कर दिया जाए चलिए चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरी वन पांच घंटे कौन कौन क्लास लेगा चलिए अच्छी बात है देखते हैं सब लोग लेंगे देखिए मैं एक चीज गारंटी दे रहा हूं यहां से किसी की इच्छा ही नहीं होगी क्लास छोड़ के जाने की ऐसा कंटेंट है ऐसी क्वालिटी के क्वेश्चन है कि आप लोग सोचेंगे कि तो कितना नुकसान होगा ठीक तो है आप पढ़ना तो बैठिए मैं बता रहा हूं किसी की हिम्मत नहीं होगी सर छोड़ के कह चले आए इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसी ऐसी बातें मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ओके आज तक के यूट्यूब के इतिहास में किसी ने पॉलिटिकल साइंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन को इस तरीके से नहीं होगा दैट इज माई गारंटी जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं चलिए तो आते जाइए जुड़ते जाइए थैंक यू एवरी वेलकम सेशन मैं बिल्कुल ठीक हूं थैंक यू गुड इवनिंग चलिए देखा जाए कितने लोग आ चुके हैं क्लास में कौन कौन जो है अपनी ओके <laughs> स्टूडेंट्स okay, क्या बात है भाई यहां तो दो मिनट के अंदर धमाल हो चुका है <laughs> और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि गाई सेशन स्टार्ट होने से पहले हंड्रेड लाइक्स आ जाने चाहिए सेशन पे ओके दैट वाज माय रिक्वेस्ट कि सेशन स्टार्ट होने से पहले कितने लाइक्स हंड्रेड लाइक्स की बात की गई थी कि सौ लाइक्स कम से कम आ जाने चाहिए बट आप लोगों ने उससे बढ़ के दिया आई कैन सी वन एट्टी सेवन लाइक्स एंड इवन क्लास स्टार्ट करने से आई सेइंग कि प्लस लाइक्स वर ऑलरेडी देयर ओके तो जब आप लोग इतना प्यार लुटा रहे हैं तो फिर मैं किस बात की कवि रखूंगा ठीक है सो टेंशन मत इस सेशन में से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा ओके दैट इज माय गारंटी कि आफ्टर दिस यू नीड टू वरी अबाउट द यूनिट नंबर फाइव ओके यूनिट नंबर फाइव के बारे में कोई चिंता नहीं सिर्फ यही क्लास देख लीजिएगा पूरी ठीक है जैसे देख पाए जितना मेरे साथ देख पाए उतना अच्छी बात है जो नहीं देख पाए थक जाए किसी कारण से घर में काम हो कुछ भी है तो बाद में देख लीजिएगा दिस विल बी रिकॉर्ड अवेलेबल रिकॉर्ड वर्जन ऑल्सो बट रिक्वेस्ट यू की प्लीज लाइव मेरे साथ रहिए बिकॉज आप हैं तो मैं हूं ठीक है सीधी बात है जब तक आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो मुझे भी यहां खड़े खड़े पढ़ाने में कोई दर्द नहीं होगा ओके okay? तो चाहता तो मैं ये सेशन अपने घर पे आराम से अपनी चेयर पे बैठ के लैपटॉप से आराम से धीरे धीरे ले लेता ले क्योंकि पांच घंटे की बात थी ये मेरे मन में विचार तो आया कि आराम से बैठ के बट मैंने कहा शायद तक वो मजा नहीं आ पाता वो कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पाता एंड देट माई थॉट की भले पांच घंटे पढ़ाना है बट खड़े होकर पढ़ाया जाएगा और एग्रेशन के साथ उस जोश के साथ पढ़ाया जाएगा जिससे आप लोग भी जोश में रहेंगे ठीक है आई कैन सी चलिए तो एक बार सभी के लिए एक दूसरे के लिए तालिया एंड आप सभी के लिए हम सभी के लिए तालिया बिकॉज वी आर टूगेदर प्रिपेयरिंग फॉर अ वंडरफुल एग्जामिनेशन यूरिसन एग्जामिनेशन ओके तो हम सभी के लिए एक बार बहुत बहुत तालिया चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आप सभी से अगेन ऑल ऑलरेडी हेयर ओके प्लीज क्विकली शेयर द लिंक ओके वैसे शेयर करने की बात की नहीं है आप लोगों ने बहुत दबा के शेयर कर दिया मैं देख रहा हूं दो हजार बाईस बच्चे ऑलरेडी क्लास में आ चुके हैं पच्चीस बच्चे हो चुके हैं चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बहुत शानदार बात से कुछ मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे तो आप सभी को आई गेस एवरी वन नोज की माई क्लासेज टाइमिंग सर यूजली फाइव पी एम मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब बट संडे को हम करते हैं महामैराथन और बड़े बड़े काम तो संडे छुट्टी नहीं होती संडे होता है धमाल जैसे कि आज हो रहा है तो ये नॉर्मल टाइमिंग से एट पी एम मंडे टूजेडे बेसिकलीज आर द क्लासेज कंडक्टेड ऑन टेक्स बुक ओके तो जो भी न्यूज सी अलॉट ऑफ न्यूज आ रहे हैं तो जो भी न्यू है याद रखिएगा स टाइमिंग्स ओके बाद में बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते कल मेरे पास मैसेज आ रहे कुछ सर आपकी आज क्लास नहीं है क्या मैंने कहा यार कैसे लोग हैं यार क्लास रोज आते हैं लिखा रहता है सैटरडे को छुट्टी है सैटरडे को भी चैन नहीं लेने देंगे चलिए बट कोई बात नहीं अच्छी बात है चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत शानदार कहना चाहिए मोटिवेशनल कोर्ट के साथ में और क्रिया कहा है कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है बहुत प्यारी बात कही है कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है जैसे हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं पढ़ाई का प्रयत्न कर रहे हैं कि सिलेक्शन में जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो सब हमसे बन जाए तो जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है ओके सो so नसीब का जो ठिकाना वास्ता देते थे कि नसीब ही खराब है तो नसीब झुक जाएगा आप प्रयास तो कीजिए आप दम लगा के प्रयास कीजिए जैसे कि हम लोग कर रहे हैं पांच घंटे लगातार पढ़ेंगे एक साथ मिलकर तो बस प्रयत्न अगर होंगे तो जो नसीब है उसको झुकना पड़ेगा ठीक है वो आपके कदमों के सामने आ जाएगा बोलेगा ठीक है भाई हम तुम्हारे लिए समर्पित है ठीक है चलिए वंडरफुल सो एक बार फ, फिर से आप सभी के लिए आई कैन सी 250 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन द क्लासरूम सो मैं बहुत खुश हूं आप लोगों ने मेरी बात का र, बात का ध्यान रखा चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी बात के साथ में एंड सबसे पहले ओके सो नाउ वट हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बिकॉज अगेन आप सभी का स्वागत हो गया अच्छी बात है नहीं कश्मीर में नहीं हूं मैं दिल्ली में ही कहीं नहीं हूं कश्मीर में नहीं यहीं पे हूं ठीक है चलिए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ओके सो एज यू ऑल नो कि टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशन ओके अंतरराष्ट्रीय संबंध ओके नाउ सो जैसा कि आपको लिखा इट इज रिटन कंप्लीट रिविजन कंप्लीट रिविजन कैसे होगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वाइज ओके इन यूनिट वाइज मैनर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ओके तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो सिलेबस में दिया है वो सब कवर क्वेश्चन भी रहेंगे सो आई विल गिव यू क्वेश्चन देन आई विल टीच यू थ्योरी फिर क्वेश्चन फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन थ्योरी इस तरीके से चलते चलते पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे क्वेश्चन भी पढ़ाते जाऊंगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बता जाऊंगा जो कि एग्जाम में आएगी ओके okay? सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी ओके तो अगर आप लोगों ने पेपर देखा है तो मैंने Uh, जान मुझ के वो पार्ट पहले रखा है जो कि सबको मुसीबत करता है ठीक है बिकॉज देखिए थ्योरी की बात है तो वो तो आप लोग क्लासेस से या फिर नोट्स वगैरह से पढ़ लेते हैं या फिर uh, कहां से पढ़ लेते हैं इंटरनेट से पढ़ लेते हैं या फिर बुक से पढ़ लेते हैं बट कुछ ऐसी बातें जो शायद तक एग्जाम में आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अबाउट द इमोर्ट क्राइसिसकेफ यू है प्रीवियस देर मल्टीपल टाइम इंपॉर्टेंट क्राइसिस एंड देस ओके अक्सर सवाल आते हैं कि जो आपको कहीं मिलते नहीं एक जगह नहीं मिलते और स्पेशली यू हैव सीन प्रीवियसली कुछ एक क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरीके के क्रोनोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स अंतरराष्ट्रीय जो इवेंट हुए बड़े बड़े ठीक है जैसे आ, आपका क्यूबा क्राइसिस ओके okay? या फिर मान लीजिए आपका आ, बर्लिन वॉल का फॉल होना या फिर बर्लिन क्राइसिस सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कंटिन्यूअसली बी ना ओके ये जो बातें हैं एग्जाम में पूछी जाती है और पूछते हैं कैसे हैं कि इनको कालक्रम में जमा दो अब ये कहीं सिलेबस में लिखा ही नहीं है ठीक है अगर आप सिलेबस को देखें तो देर इज नो स्पेसिफिक नेशन की वहां पे थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बट कोई कहीं ये लिखा नहीं है तो पढ़ भी नहीं पाते और कोई पढ़ाता भी नहीं है पहली बात तो सो देट्स वाई थॉट की वी विल स्टार्ट विद टफेस्ट पार्ट जहां पर आप स्ट्रगल करते हैं ठीक है थीके? जिस पार्ट में आप स्ट्रगल करते हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए सो so, अब बिना किसी वक्त को जाया किए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास का और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच ओके okay, चलिए सवाल का जवाब दीजिए इनमें से कौन सा सही सुमिलित है और आपका वक्त शुरू होता है अब जुलाई क्राइसिस ट्रीटी ऑफ लंदन ऐसी ऐसी बातें जो तो आपको नहीं पता होंगी मुझे पता है ठीक है दिमाग का बुलडोजर फट जाएगा ठीक है ट्रीटी ऑफ वर्साली तो जानते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जानते होंगे जुलाई क्राइसिस मुझे लगता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे कितने लोग जानते हैं जुलाई क्राइसिस क्या है चलिए वेरी गुड टू एट स्टूडेंट बहुत शानदार अरे तीन सौ नहीं आज पांच सौ भी होंगे अहमद टेंशन करने वाली बात क्या है बस आप लोग पढ़ते जाइए और शांति से कामली बैठिए बैठिएगाइ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग क्लास तो जल्दी से एनर्जी खत्म नहीं करनी ओके okay? मैं भी बहुत स्मूथली पढ़ाऊंगा बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्ग ओके ये दौड़ नहीं है ये क्या है एक मैराथन है तो आराम से आहिस्ता पढ़ेंगे घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी को किसी को थकावट नहीं होनी चाहिए और आपस में बातचीत करते हुए सुकून से पढ़ेंगे ठीक है तो बिल्कुल ऐसा एग्रेशन मत कीजिएगा आराम से कमेंट में भी उतना ही कमेंट का उपयोग किए जहां पर आप थके नहीं ठीक है चलिए वेरी गुड ओके सो so, इसमें से कौन सा करेक्टली मेस्ड है सो so, भाई यहां पर लिखा है जुलाई क्राइसिस सेकंड वर्ल्ड वॉर यह गलत है ठीक है ट्रीटी ऑफ लंडन एंड ऑफ कोल्ड वॉर यह भी गलत है पेरिस पीस ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यस

द जर्मनी और स्पेशली पीस स्पेशलीस हेल्प ऑफ ओके बरसाइलीके पेरिस में ही uh, बेसिकली आपका पीस ट्रीटी हुई थी पेरिस में बेसिकली में ये ट्रीटी होती है जहां पे uh, जर्मनी को बेसिकली जिम्मेदार ठहराया गया था युद्ध के लिए ओके सो सी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस सही है ठीक है क्वेश्चन में मजा आया चलिए वंडरफुल ओके नाउ आगे बढ़ते हैं चलिए समझते हैं कि व्हाट आर द इंपोर्टेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट जो कि किसी किताब में एक जगह नहीं मिलते

बहस चल गई ऑस्ट्रिया हंगरी ने अल्टीमेटम दे दिया कि ये कर दो सर्बिया को बोल दिया कि ये कर दो नहीं तो हम तुम, हम तुम्हारे ऊपर युद्ध छेड़ देंगे सर्बिया ने बोला कि ठीक है मानते हैं बट पे सर्बिया अपना हाथ पानी लगा रशिया के पास गया कि भाई प्लीज हेल्प कर दे ठीक है ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी ने बोला कि मैं हेल्प करूंगा टेंशन मत लेना ठीक है सो लाइक देर वॉज मल्टीपल यूरोपियन पावर सपोर्टिंग ईच अदर ओके सो सर्बिया के पीछे सपोर्ट में रशिया खड़ा था एंड ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे सपोर्ट में जर्मनी खड़ा था जर्मनी बोलता टेंशन मत लेनाट हुआ जुलाई क्राइसिस होते होते गया, गया। so okay, जो है इसी के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हुआ था ठीक है पीडीएफ मिलेगा अच्छा जी अरे बताओ क्लास के स्टार्टिंग में ये बात पूछ रहे हैं पीडीएफ मिलेगा पीडीएफ का डिसीजन कैसे होता हमारी क्लास में क्लास के अंत में साथ में रहेंगे तो पीडीएफ भी मिलेगा ठीक है आ, आप पढ़ते रहिए ठीक है आप दोस्तों में एक चीज याद रखूंगा ठीक है ठीक है एक एक चीज बात बात मेरी बात सुन लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं छोटी सी बात पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा सबको दू डिपेंड्स अपॉन द टिल एंड ऑफ द क्लास ओके क्लास के अंत तक कैसा माहौल रहता है तो अभी आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको बुलेट पॉइंट बना के बनाते जाइए ठीक है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको एक बुलेट पॉइंट बना के शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए बाकी मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ आपको दे दूंगा बट क्लास छोड़ के जाने वालों को नहीं मिलने वाला ठीक है सीधी बात है जो क्लास छोड़ के जाएगा उसको पीडीएफ नहीं मिलेगा ठीक है इस को, 150 150, 150, 150, कितना वक्त लगा होगा यार ठीक है तो उस मेहनत की आप लोग अगर कदर करेंगे तो आपकी इच्छा की भी मैं कदर करूंगा ठीक है डन है चलिए ओके सो जुलाई क्राइसिस डन इज इट क्लियर है वनडरफुल ट्रीटी ऑफ लंडन ओके

फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन रशिया इटली ये बेसिकली दे वर द पावर एंड स्पेशली ट्रीटी ऑफ लंदन वाज डन बिटवीन रशिया फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन सो दीज आर द थ्री कंट्री दे हैव डन अ ट्रीटी ऑफ लंदन एंड दे सेड नाउ वी विल नॉट इसमें ट्रीटी ऑफ लंदन में क्या क्या था कि वी विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ अलायंस एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट विद द सेंट्रल पावर ओके जो जो सेंट्रल पावर है जिसमें कौन था जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की इनसे कोई अलायंस नहीं करेगा ठीक है ये रशिया बेसिकली आपका किसने आ, रशिया फ्रांस और ब्रिटेन ने इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम कोई भी कंट्री तो एक एक तरीके से क्या बन रहा था अलाइड पावर वाज फॉर्मिंग ओके विद दिस ट्रीटी ऑफ लंदन अलाइड पावर वाज फॉर्मिंग ओके जो अलाइड ग्रुप था वो बनने लगा ठीक है तो लंदन की संधि में क्या हुआ रूस फ्रांस और ब्रिटेन इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम केंद्रीय शक्ति जो कि जर्मनी है ऑस्ट्रिया हंगरी है और तुर्की है इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे कोई संबंध नहीं करेंगे और वहीं से दो ग्रुपों में यूरोप बढ़ गया ओके तो यूरोप वॉज डिवाइडेड टू पार्ट एंड देन युद्ध का नगाड़ा बज गया कि चलो अब लड़ते हैं ठीक है फाइन चलिए सो दिस इज हाउ द वॉर बेसिकली स्टार्टेड सो अब ये आपको पता चल गया होगा सो ट्रीटी ऑफ लंडन जुलाई संकट ओके एग्जाम में ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे ओके ऑल दो आई एम प्रोवाइडिंग यू द मैक्म इन्फॉर्मेशन बट फॉर द एग्जामिनेशन यू जस्ट नीट रिमेंबर वॉट इज जुलाई क्राइसिस दैट्स ऑल एंड ट्रीटी ऑफ लंडन दैट्स सिमिलर सिंपल सीधा सीधा काम ट्रीटी ऑफ लंडन क्या है जुलाई क्राइसिस का है ठीक है डन है थम्स अप डन है ना थ्री थर्टी फाइव स्टूडेंट क्या वादा awesome. बहुत, बहुत प्यारा बहुत प्यारा वेरी गुड चलिए सो क्लियर है ना वंडरफुल आगे बढ़ते हैं चलिए अब एक और क्वेश्चन है कि विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट ए बिग फोर इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ये जो तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई ठीक है तो युद्ध युद्ध युद हुआ ठीक है लड़े आपस में उसके बाद शांति होती है ठीक है एवरी वॉर इज बेसिकली बीन एंडेड बाई ट्रीटी ओके सो आखिरी में तो कॉन्फ्रेंस होगी पीस हो गई होगा तो युद्ध पता नहीं क्यों करते जब पता है कि आखिरी में शांति करनी है तो फिर युद्ध करते ही क्यों होते ठीक है तो युद्ध किया फिर शांति हुई तो अब बताइए शांति में बिग फोर कौन कौन थे दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन चलिए वंडरफुल वंडरफुल क्या बात है बहुत शानदार ओके वेरी गुड वेरी गुड एंड यस द करेक्ट आंसर वुड बी कौन नहीं था यस एग्जैक्टली जर्मनी वॉज नॉट अ बिग फोर जर्मनी तो बिचारे की जर्मनी की तो वहां पे उन्होंने लंका लगा रखी थी ठीक है सो इटली फ्रांस सॉरी इटली फ्रांस जर्मनी जो है पावरफुल बिकॉज जर्मनी तो हार गया था जो जो हार गया उसकी बात कौन सुनता है ठीक है सीधी बात है जो हार गया उसकी बात कोई नहीं सुनता दुनिया में तो बस वही हुआ जर्मनी के साथ में भी एंड देयर कम्स द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जनवरी एटीन नाइनटीन नाइनटीन तो युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद होती है पीस कॉन्फ्रेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नाउ सो इट वॉज कन्वेड इन जनवरी इन द ओके सो पेरिस में ही हुई थी कॉन्फ्रेंस ट्रीटी इसलिए बोलते हैं उसको बिकॉज इज अ व्हाट वी कैन से कंट्री साइड अलोंग विद द पेरिस पेरिस ओके तो के बगल में ही वरसाइली है आउटसाइड पेरिस सो द द कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड टू टर्म ऑफ पीस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओके okay? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना करने के लिए शांति की शर्तों के लिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और नाउ हालांकि इसमें तीस देशों ने लगभग तीस देशों ने भाग लिया था ठीक है ऑलमोस्ट थर्टी कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस ओके बट देर वर सम बिग फोर्स इट समय यूके फ्रांस यूएस एज वेल एज इटली ओके दीज इज अग फोर ये वर्ल्ड एग्जाम में आ सकता है ओके सिमिलरली देर इज अ नेम बिग थ्री ओके ओके चलिए ओके हा चलिए फाइन सो यूके फ्रांस यूएस एज वेल एज ओके चले बिग थ्री so, well okay, के बारे में किसी को पता है वॉट इज बिग थ्री यू नो अब वॉट इज बिग थ्री ये बिग थ्री क्या है एनी कैसेस कोई बता सकता है चलिए बिग फोर तो पता चल गया मान लीजिए एग्जाम में आता है बिग थ्री कौन है तो बिग थ्री इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओके एक हिंट देता हूं अच्छा थोड़ा धीरे, धीरे स्पीड कर करिए ठीक है जी धीरे चलेगा आपका नाम है नशा आईएस बाप रे बाप ये क्या था ये कौन सा नाम हुआ यार नशा आईएस बाप रे बाप आप तो अलग ही खेल रहे चलिए वेरी गुड यू यस बहुत शानदार ओके सो यूएसए अ लिबरल ओके कंट्री यूके अ कोलोनियल पावर एंड यूएसएसआर रशिया नहीं यूएसएसआर होगा वहां पर रशिया गलत लिख रहे हैं फ्रांस भी नहीं ओके okay, नहीं यूएसएसआर द सोशलिस्ट कंट्री देखिए मजाक कितना बड़ा हो रहा है यहां पे कि दुनिया को कैसे पागल बनाया जा रहा है ठीक है ये एक अलग खेल खेल रहा है ये एक अलग खेल खेल रहा है ये एक अलग खेल खेल, खेल खेल रहा है और तीनों साथ में मिलके पूरी दुनिया को पागल बना रहे थे ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यही हो रहा था ठीक है दीज आर द बिग थ्रीज डोज वो आर द टेकिंग द डिसीजन स्टेलिन ओके स्टैलिन याल्टा कॉन्फ्रेंस का नाम आपने सुना होगा स्टैलिन थे वहां से रोजावेट थे बेसिकली चर्चिल थे ठीक है तो यूके से आए चर्चिल यूएसएसआर से आए कौन स्टैलिन और यूएसए से आए आपके रोजावेट ओके okay? और इन तीनों ने दुनिया का मजाक बनाया और उसके बाद जो आपकी व्यवस्था दिख रही है दैट्स व्हाट बीन क्रिएटेड सो बिग थ्री इनको बोलते हैं ठीक है थीके? कभी एग्जाम में आ रहा है कि बिग थ्री बिग फोर क्या है सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दोस थिंग्स ओके अरे यार कुछ लोग सिर्फ पीडीएफ के लिए क्लास में आएंगे भाई जो सिर्फ पीडीएफ के लिए आया है वो क्लास से बाहर चले आइए मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है पीडीएफ में इच्छा है ठीक है फाइन अगली बार कोई पीडीएफ की बात करेगा तो आप लोग उसको जवाब दे दीजिएगा ठीक है दोस्तों मैं जवाब दे दूंगा मेरी आवाज में मुझे बचा के रखना है बिकॉज लंबा पढ़ाना है तो आप लोग निपट लीजिएगा जो पीडीएफ की बात करें उससे ठीक so, है फाइन चलिए सो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस डन है लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे चलते हैं नाउ विद इन दिस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस देर वॉज ट्रेटी ऑफ वर्साइली अगेन विच इज अ पार्ट ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ओके तो ट्रेटी ऑफ हुई जर्मनी एंड अलाइड पावर ओके सो इट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी एंड अलाइड पावर ब्रिटेन फ्रांस इटली एंड जर्मनी फाइन सो सॉरी यहां पर जर्मनी लिखा गलती से माई मिस्टेक यूएसए सॉरी ये तो गलती हो गई बड़ी ठीक है सो अलाइड पावर ब्रिटेन फ्रांस इटली यूएसए एंड एज वेल एस जर्मनी ओके सो इट वॉज साइन बिटवीन दम एंड इट लेट टू द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ओके तो यहां पर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है ठीक है फाइन ब्लेम्ड जर्मनी फॉर वॉर ऑफ वॉर गिल अंडर दिल्ट क्लॉज में रीजन बिहाइंड वर्ल्ड वॉर टू तो जो यहां पर शांति की उस शांति ने एक आग लगाई ये जो इतनी गलत ट्रीटी थी जिसके चलते एक आग लगी और उसके चलते जर्मनी ने दूसरा विश्व की, की शुरुआत की बाद में आपने जो देखा है सो इंपैक्ट ऑफ वोड्रो विल्सन 14 पॉइंट प्रोग्राम

क्या जिम्मेदार ठहराया गया था कि पूरा युद्ध जर्मनी के कारण हुआ ठीक है कुछ हद तक हुआ भी था ऐसा नहीं है बट हां कुछ हद तक जिम्मेदारी सिर्फ जर्मनी की नहीं थी और भी सबकी थी बट ठीक है जर्मनी के ऊपर फोड़ दिया गया बिकॉज वो हारा था ठीक है नाउ इसके साथ साथ इसमें वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट प्रोग्राम देशों के आत्मनियंत्रण और आ, अधिकार दिए गए सेल्फ लिटरेशन का और राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ बेसिकली लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ ठीक है सो सुधी जरा बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ एज वेल पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट दैट इज ट्रीटी ऑफ सर्वस विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द दैट पीस दैट वॉज एटेब्लिशिंग आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक और ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ सवर्स साइंड बिटवीन अलाइड एंड तुर्की तुर्की ठीक है सो तुर्की वॉज तुर्की वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए सेंट्रल पावर सो सेंट्रल पावर का जो केंद्रीय शक्तियां थी उसका टर्की हिस्सा था सो so, टर्की के साथ में भी एक बेसिकली साइन किया गया टर्की बेसिकलीकेर वन तो प्रथम विश्व युद्ध बहुत सारे जो थे जो साम्राज्य थे खत्म हो गए जैसे ऑटोमन एम्पायर था जर्मन एम्पायर था एम्पायर रशियन एम्पायर ओके सो अलॉट ऑफ एम्पायर बेसिकली एम्पायर सिस्टम को खत्म करके नेशन स्टेट सिस्टम क्रिएट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ओके दट आइडिया ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ओके देट वॉज समथिंग विच वॉज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओके प्रथम विश्व के बाद हमको जो राष्ट्र व्यवस्था दिख रही है नेशन स्टेट सिस्टम इट वॉज एक्चुअली बीन वेरी वेल क्रिएटेड आफ्टर द फर्ट वर्ल्ड वॉर ऑनलीके प्रथम विश्व के बाद ही एक बड़े स्तर पर हमने राष्ट्र राज्य व्यवस्था का समर्थन होते देखा मैक्सिमम कंट्री जो है राष्ट्र राज्य में परिवर्तित हो गई ठीक है सो ट्रिटी ऑफ सवर्स में एंड इट वर्चुअली एमोलिज द टर्की सोवरिटी ऑल्सो बट देर वॉज अनदर ट्रिटी ट्रिटी ऑफ लुसाने सो आफ्टर ट्रीटी ऑफ सर्व देर वॉज ए ट्रीटी ऑफ लुसानेर्की ऑल्सो ओटोमन एम्पायर वॉज फिनिस्ड ओटोमन एम्पायर को कर दिया समाप्त ओके तो तुर्क साम्राज्य जो था ओटोमन एम्पायर उसको किया समाप्त किया और तुर्की को संप्रभुता पहले समाप्त की गई थी ट्रीटी ऑफ सवर्स के द्वारा बट लेटर ऑन जो आपका लुसाने की ट्रिटी हुई ट्रीटी ऑफ लुसाने के द्वारा बेसिकली The it was was again Turkey was recognized as a country, as a uh, a country country separate nation state okay 1923 fine इट वॉज अगेन टर्की वॉज रिकॉगनाइज एज ए nothing more एपरेट enough okay सर थोड़ा स्लो क्या चल रहा है तो बहुत आसान आराम ही चल रहे चलिए भाई और स्लो चलते हैं मुझे क्या दिक्कत है मैं बैठ जाता हूँ सो जाता हूं थोड़ी देर चलिए फाइन सो ट्रिटी ऑफ वर्साइली क्लियर है ट्रिटी ऑफ सवर्स क्लियर है डन है कोई समस्या तो पूछ लीजिए वेरी गुड अच्छा जी किरण चलिए ठीक है ओके okay, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं सही बात है आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि आप इस स्पीड से पढ़ाएंगे तो नहीं रह पाएगा ठीक है चलिए बिल्कुल थोड़ा स्लो हो जाते हैं चलिए आराम आराम से <laughs> आप लोगों को मुझसे ज्यादा मेरी चिंता आपको है ठीक है अच्छी बात है ओके वेरी गुड फाइन वा डन चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इसका आंसर देखते कौन दे पाता है मोटोव रिवर टॉप पैक्ट गो साइन बिटवीन विच पर्डुलर कंट्रीज ओके चलिए आंसर दीजिए हाँ जी भाई दोस्तों क्या बताते हैं आप लोग जनता क्या कहती है अच्छा जी ओके okay. ठीक <laughs> है ठीक है चलिए चलिए ओके फाइन वंडरफुल ओके सो यस इट वॉज बेसिकली बीन साइन बिटवीन क्या बोल रहे हैं भाई जर्मनी एंड यूएसएसआर ओके जर्मनी एंड यूएसएसआर के बीच में साइंड हुआ ठीक है सो so आंसर क्या होगा अच्छा वर्ल्ड वॉर में ही हो चलिए ठीक है तो म्यूनिच एक्चुअली एग्रीमेंट होता है और ये बेसिकली जो आपका है जर्मनी बीच में नॉन नाइग्रेशन पैक्ट था चलिए तो जर्मन यूएसआर के मोटो रिवर्टन रिवर्ट ऑफ रिवर बेसिकली एग्रीमेंट है बेसिकली टू तो आर द फाइनेंस मिनिस्टर ओके ये दोनों क्या थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे ठीक है ये जर्मनी और यूएसआर के फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनके बीच में एक पैक्ट होता है कि दे विल देर वॉज अ पैक्ट ऑफ नॉन एग्रेशन कि कोई किसी दूसरे पे चढ़ाई नहीं करेगा ना जर्मनी रशिया पे करेगा ना यूएसआर जो है सॉरी जर्मनी ना यूएसआर पे करेगा ना यूएसआर जर्मनी के ऊपर करेगा ओके दैट वॉज अ पैक्ट सो द आंसर वुड बी 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 इज द आंसर नाम याद रखिएगा नाउ

सर्टन लैंड क्राइसिस ओके नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ओके नोट कीजिए सर्टन एंड ओके, दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ओके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि सर्टन जो क्राइसिस है वो किससे संबंधित है ओके दिस कैन बी आग इन द एग्जामिनेशन ओके इसको जल्दी से एक बार याद कर लीजिए गाइस यस ओके फाइन सो दिस क्राइसिस वॉत बेसिकली इट इज अ पीस ऑफ लैंड ओके एक जगह थी

नहीं बरबोडाज बाद में आएगा अभी बाद में आएगा ठीक है किशोर बरबोडस तो अभी बाद में आएगा ठीक है हाँ अभी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में आएगा ना अभी तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू तो होने दीजिए ठीक है किशोर चलिए सो so, अभी तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें नेक्स्ट नाउ सो दिस इज डन यूनिश एग्रीमेंट नेक्स्ट मोटोव रिबोट्रोप पैक्ट ओके सो दिस इज बेसिकली नोन एज हिटलर स्टेलिन पैक्ट ऑल्सो इसको हम क्या बोलते हैं हिटलर और स्टैलिन पैक्ट भी बोलते हैं या फिर नाजी सोवियत पैक्ट भी बोलते हैं ओके दिस इज ऑल्सो बिकॉज इट्स इज ए नॉन एग्रेशन पैक्ट बिटवीन जर्मनी एंड सोवियत यूनियन ओके दोनों ने आपस में बात कर ली कि हम ना तुम मेरे पे चढ़ाई करोगे ना मैं तुम पे चढ़ाई करूंगा बिकॉज अड़ोसी पड़ोसी है ओके बोथ ऑफ देम आर नेबर्स सो दैट्स दे हैव डिसाइडेड कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइट ओके दैट वाज देयर डिसीजन ओके नाउ जब ये डिसीजन हो गया सो देर वॉज एन अ सीक्रेट प्रोटोकॉल विद इन दैट पैक्ट देर इज अ सीक्रेट प्रोटोकॉल दैट जर्मन एंड सोवियत एग्री टू कैप्चर द पोलैंड एंड हैव डिवाइडेड पोलैंड इतना मैं घेर लूंगा इतना तुम घेर लेना दुनिया को क्या बताया कि वी आर मेकिंग नॉन एग्रेशन कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे दुनिया को बताने के लिए कहा कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे बट देर इज अ सीक्रेट प्रोटोकॉल ऑल्सो तो दुनिया को तो क्या कह दिया कि हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे इसलिए हमने कोई आक्रमण नहीं करेगा अनाक्रमण संधि कि कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा इसलिए संधि कर रहे हैं ठीक है थीके? जर्मन सोवियत अनाक्रमण संधि नॉन नौ, एग्रेशन एक्ट भी बोलते हैं इसको या फिर नाजी सोवियत या फिर हिटलर स्टालिन पैक्ट बोलते हैं अब दुनिया को बताने के लिए क्या कहा कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे इसलिए हमने पैक्ट किया बट असलियत में इसके अंदर एक गुप्त प्रोटोकॉल आया और गुप्त प्रोटोकॉल में क्या बोला कि आपस में इन लोगों ने बात कर ली थी कि पोलैंड को इस तरफ से तुम घेरना इस तरफ से मैं घेरूंगा इतना हिस्सा मेरे पास जाएगा इतना तुम ले लीजिएगा ठीक है सो दिस इज हाउ द सोवियत इटम स्टेलिन एंड हिटलर बोथ ऑफ डिसाइडेड ओके कि हम लोग कैसे पोलैंड को अपने में आपस में बांट लेंगे और कब्जा कर लेंगे ठीक है फाइन हाँ हाँ आधा 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 नहीं था ठीक है उसमें भी परसेंटेज था ठीक है एक तिहाई को जैसा था परसेंट देख ले इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में सो दे आर बिटवीन वेस्टर्न थर्ड ऑफ द कंट्री गोइंग टू जर्मनी एंड द ईस्टर्न टू थर्ड ओके तो वेस्टर्न का जो थर्ड हिस्सा है वो जर्मनी के पास जाएगा और ईस्टर्न का जो हिस्सा है वो यूएसएसआर के पास जाएगा अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट रिमेंबर कि वॉट इज मोटो रिवर्टन पैक्ट ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर तो द्वितीय विश्व युद्ध यहीं से शुरू होता है एक प्रकार से बोला जाता है ठीक है चलिए वंडरफुल ओके अहमद थैंक यू ओके सो आगे बढ़ते हैं सो so ये बात क्लियर हो गई समझौता क्लियर है मोटो रोबर्टर समझौता क्लियर हो गया पैक्ट एनी इज इट क्लियर कैन थम्स अप चलिए वेरी गुड वंडरफुल वेरी गुड वेरी गुड वंडरफुल चलिए आते जाइए कोई सवाल है तो पूछते जाएगा हाँ जी ठीक ठीक वेरी गुड वंडरफुल चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके जी एक और शानदार चीज तो मैं ऐसी ऐसी चीजें लेके आया आप जो शायद तक आपने अपनी बेस्ट ढूंढ सकता था कि जो जो एग्जाम में आ सकता है ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि अक्सर आपको नहीं मिलती है चलिए बताइए पैक्ट ऑफ स्टील क्या है पैक्ट ऑफ स्टील वो साइन बिटवीन ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी यूएसआर यूएसए यूके जर्मनी इटली चलिए पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा इसके चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही बात है ओके तो चलिए पैक्ट ऑफ स्टील किसके बीच में साइन हुआ यहां पे कोई आंसर नहीं दे पा रहा अक्षय ने आंसर दिया वेरी गुड जर्मनी एंड इटली यस भाई इन्होंने बना लिया लोहे सा संबंध कि भाई हम तो ऐसे पक्के दोस्त हो गए हैं बिल्कुल, था। बिल्कुल था। ऐसे चिपकने वाले दोस्तों चुके लोहे से मजबूत हमारा संबंध रहेगा so, स्टील पैक्ट, स्टील पैक्ट से बन रहा है पहले रशिया से मिल लिया ठीक है तो जर्मनी बड़ा पागलबंदी कर रहा था पहले रशिया से पैक्ट कर लिया नॉन माइग्रेशन अब इटली परेशान था जापान परेशान था ठीक है तो जापान को बड़ा दुख हुआ कि यार जापान का जो दुश्मन है वहां पर उस समय था कि यूएसएसआर और जापान जापान, इनकी कट्टी चल रही थी दे आर नॉट हैप्पी ओके अदर एंड जापान प्लस जर्मनी प्लस इटली दे ऑल वांट टू फॉर्म अ ग्रुप ठीक है बट सरप्राइजिंगली बेसिकली जर्मनी ने यूएसएसआर के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट कर लिया और जो जिसके बारे में बात की सो so इटली भी नाराज हो गया जापान भी नाराज हो गया तो जर्मनी दो, ने दोनों को समझाया कि अरे साइड में आओ तुम तो बात करते हैं आपस में अपने अपने ठीक है सो देन दे बेसिकली जर्मनी ट्राइड टू स्टार्ट कॉपरेशन इटली एज वेल एज जापान फॉर क्रिएटिंग द पावर पावर एज वी ऑल नो ओके तो वहां से निकल के आती है सो बेसिकली सॉरी गाइस अच्छा हां तो पैक्ट ऑफ स्टील के बारे में बात करेंगे सो so बेसिकली उससे पहले बात करते हैं पोलैंड कैंपेन ओके सो एज वी हैव सीन यहां पे ठीक है सो इन दिस हियर इन द मोटो रिबर्ट एन पैक्ट इट वॉज डिसाइडेड कि जर्मन एंड सोवियत बोथ आर गोइंग टू कैप्चर पोलैंड तो यहां निर्णय हो चुका था दोनों का कि हम जर्मन और सोवियत का कि हम पोलैंड को कैप्चर करने वाले ओके दैट वॉज द आइडिया ओके ये बन चुका था अब इसलिए सबसे पहले क्या किया सबसे पहले किया पोलैंड पोलैंड कैंपेन अब ये पोलैंड कैंपेन क्या है पोलैंड को इन्वेड करने का कैंपेन ओके सो दे हैव नाउ जर्मनी इन्वाइटेड ऑन द फर्ट ऑफ सेप्टेंबर

कुछ कर सकता है सो देट साहब पहले रशिया को साइड में लिया गया कि तू भाई साइड में आ तेरे दोस्ती कर लेते हैं ठीक है तो रशिया से कर लिया इंटरनल पैक्ट और फिर जर्मनी ने चढ़ाई की वहां ठीक है फाइन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी इन सेप्टेंबर तीन तो एक को पहुंचे जर्मनी वाले कहां पे पोलैंड में इन्वेट किया तीन तारीख को ब्रिटेन और फ्रांस ने बिकॉज दे वर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पोलैंड ठीक है

और जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने तीन सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया कि अब नाउ वी आर एट वॉर ओके क्लियर डिक्लेयर हो गया कि नाउ वी आर एट वॉर ओके अच्छा जी जोगेश्वरी ठीक है मैं रिपीट कर दूंगा कोई बात तभी बता दिया कि जोगेश्वरी ठीक है चलिए सो so, द्वितीय विश्व यहां से बेसिकली आपका प्रारंभ हो जाता है ठीक है चलिए रुक जाओ एक सवाल था किसी का क्वेश्चन uh, क्या था वो हा देखिए

इसका नाम ही इतना अजीब सा कि जवान लड़कड़ा जाती है ठीक है चक्रवाकिया ठीक है इसके द्वारा वो सटेंड जो जर, जर्मनी की जगह थी दैट वॉज कंट्रोल बाय द सो ठीक है इस पे जर्मनी नहीं कि वो हमारा होना चाहिए सो so, जर्मनी ने क्या एग्रीमेंट कर लिया किसके साथ में ब्रिटेन और फ्रांस और इटली के साथ में कि ये हम वापस दे दीजिए ओके और ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस इटली मान गए कि हाँ ठीक है जर्मनी को वापस देते हैं ये गुस्सा हो गया सीधी बात है जिसकी जमीन जाएगी वो गुस्सा होगा ठीक है मान लीजिए आपके पास आपने किसी जमीन पे कब्जा किया ठीक है और मैं किसी चार लोगों से मिलकर बात करूं कि हम चार एग्री करते हैं और इसको हमें छीन ले रहा अब जब चार कंट्री मिल गए तो बेचारा भिच, गुस्सा ही कर सकता था और कुछ तो कर नहीं सकता था ठीक है और कुछ तो कर नहीं सकता था तो इसलिए बस वहां से ये क्राइसिस सवाल हो तो इस पर बहुत लंबा क्राइसिस चलते रहा तो बस आपको नाम याद है कि ये क्राइसिस रिलेटेड टू जर्मनी एंड एंड इट वाज बाय न्यूनिच एग्रीमेंट ओके दैट्स ऑल फाइन गॉट इट ओके गोगेश्वरी एग्जैक्टली एक्जैक्टली बताओ बिल्कुल पोलैंड अभियान से ही जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है बिल्कुल सही बोला आपने ठीक है पोलैंड अभियान ही जो है वो बेसिकली आपके द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत है बहुत शानदार नाउ नेक्स्ट कम्स पैक्ट पैक्ट ऑफ ऑफ स्टील सो इट इज फॉर्मली नोन एज फ्रेंडशिप एंड अलायंस बिटवीन जर्मनी एंड इटली तो ये पैक्ट ऑफ स्टील क्या था ये जर्मनी और इटली के बीच में एक फ्रेंडशिप पैक्ट था जिसमें इट्स अ मिलिट्री एज वेल एज पॉलिटिकल अलायंस ओके तो अब दो मिल गए ठीक है एज वी ऑल नो इन द एक्सेस पावर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू वॉज बिटवीन एक्सेस पावर एंड अलाइड पावर ओके एक तरफ थे एक्सेस पावर एक तरफ थे अलाइड पावर तो एक्सेस पावर में कौन कौन आता है सब लोग लिख के बताइए फटाफट चलिए मैं सबको पता होगा एक्सेस पावर में आते हैं जर्मनी इटली और साथ साथ कौन आता है भाई तीसरा कौन था मैं भूल गया जर्मनी इटली एज वेल एस अरे कौन था जापान जर्मनी इटली जापान, ओके, जापानी थ्री सो ऐसे करके दो 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 से दोस्ती कर ली ठीक है तो इटली और जर्मनी तो यहां पे मिल गए विद स्टील नाउ दे आर सॉलिड मेंबर्स ओके कि हम साथ में रहेंगे अच्छा ओके सो दिस इज हाउ दैट एक्सेस पावर वॉज बिसिल क्रिएटेड ओके हा जर्मनी इटली जापान वेरी गुड वेरी गुड नाइस सो स्टील स्टील पैक्ट हो गया बस इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना बस इतना सा है कि एक औपचारिक रूप से इसको क्या बोलते हैं जर्मनी और इटली के बीच में एक मैत्री गठबंधन था जिसमें uh, आपके राजनीतिक और सैन्य गठबंधन किया गया था राजनीतिक मुद्दों पर सैन्य मुद्दों पर इनके इसमें गठबंधन हुआ जर्मनी और इटली के बीच में और उसके बाद से वहां से एक्सेस पैक्ट uh, भी निकल के Now, आता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द दर इन करेक्टली मैच देखो सवाल आता है ट्राई पैक्ट मार्शल प्लान मोटो वो प्लान एंड नन अदर ओके चलिए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है ओके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा गलत कौन सा मैच है गलत चलिए वेरी गुड वेरी गुड वंडरफुल चलिए बहुत शानदार सो यस कंडीशन ऐसे कर चलिए वंडरफुल ओके फाइन सो यहां पे पूछ कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है यस वेरी गुड यार क्या बात है बहुत प्यारा मुझे तो उम्मीद नहीं थी यस नन ओके बिल्कुल सही पक्का किसी का देख के आंसर दिया यस ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली करेक्टली मैस्ड ओके ट्राइपेडिग्री ट्राइपेड पैक जो है जर्मनी इटली एंड जापान ओके दिस इज हाउ द एक्सिस पावर वॉज क्रिएटेड एक्सेस पावर ऐसी क्रिएट हुई थी मार्शल प्लान वॉज यूएसएटो प्लान वॉज द यूएसए मार्शल प्लान आप सभी को पता है यूरोप के पुनर उमेरिका ब्रॉड मार्शल प्लान फॉर द ऑफ वॉर ट्रोड यूरोप तो प्रथम और द्वितीय विश्व यूरोप का जो दशा हो चुकी थी उसको सुधारने के लिए अमेरिका ब्रॉड मार्शल प्लान एंड सिमिलरली यूएसएसआर दैट इज सोवियत यूनियन ऑल्सो ब्रॉट अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोपियन है ठीक है पूर्वी यूरोपीय जो देश थे उनके समर्थन उनके विकास के लिए जो बिक्सली जो प्रथम विश्व के बाद नुकसान जो सॉरी द्वितीय विश्व से नुकसान जो होता उसके बचाव के लिए यह जो मोटो प्लान है बहुत कम लोग जानते उसको याद रखिएगा ठीक है फाइन चलिए वंडरफुल क्या बात है बहुत शानदार ओके सो करेक्ट आंसर वुड बी डी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग सही आंसर चलिए ठीक है फटाफट बात करते हैं ट्राइपार्टेट और वी कैन से बर्लिन पैक्ट ओके तो ये नाम जो है एग्जाम में परेशान करते हैं ठीक है एग्जाम में लिख दिया जाएगा पैक्ट उसके बारे में कुछ सामने लिख दिया जाएगा तो यू मस्ट बी नो की वॉट इज दिस ओके okay? नहीं ये क्लास मधु त्रिपाठी पेपर वन के लिए नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन ध्यान से पढ़िए उस क्लास के नीचे बड़ा बड़ा लिखा है इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध इसमें पेपर वन कहां से आ गया ठीक है फाइन

याद रखिएगा, ठीक है? 1940 में ये हुआ, जिसमें त्रिपक्षीय संधि थी, किसके बीच में? इटली जापान और जर्मनी के बीच में यह हस्ताक्षर हुए, और मतलब okay? so, गठन से हुआ अच्छा, पेपर वर्ड में थोड़ा सा यार नहीं उसको ए, यार? कोई बात नहीं ठीक है पढ़ लीजिए पेपर वर्ड वाले बच्चे कोई नुकसान नहीं है चलिए थैंक यू मधु ओके फाइन नाउ नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन बारवाडो चलिए अब यह ऑपरेशन क्या हुआ सो so, यहां तो देखिए आपको अगर एक याद होगा सो देर वॉज अ पैक्ट ओके चलिए आपकी याददाश्त देखते हैं जरा सो जर्मनी प्लस यूएसएसआर साइंड अ पैक्ट इन विच ईयर वट वॉज द ईयर क्या कोई बता सकता है अभी जर्मनी यूएसएसआर का नॉन एग्रेशन पैक्ट मैंने पढ़ाया किसी को याद है इट्स फाइन मधु मधु कोई बात नहीं वेरी गुड तपस, वंडरफुल क्या बात है बहुत शानदार चलिए सो so जर्मनी और यूएसआर जो पैक्ट है उसको आ, वो किस ईयर में हुआ था कोई बता सकता है मुझे अभी पढ़ाया मैंने नॉन एग्रेशन पैक्ट अरे कोई तो बोल दो यस वेरी गुड नाइनटीन थर्टी नाइन में अगस्त 1935 तो अगस्त में तो बने ये दोस्त ओके यूएसएसआर एंड नॉट फोर्टी नॉट फोर्टी इसलिए बता रहा हूं 1939 देखो यहां पे क्रोनोलॉजी है पूरी ठीक है कालक्रम चल रहा है समझना पड़ेगा जर्मनी यूएसआर जो है 1939 में दे हैव साइंड अ पैक्ट फॉर नॉन एग्रेशन कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे वी विल नॉट एग्रे लाइक बेसिकली एग्रेवेट अगेंस्ट ईच अदर ओके एक दूसरे के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे दैट वाज द आईडिया बट वेरी सून बिकॉज जर्मनी तो बेकार था ठीक है तो जर्मनी ने क्या किया जर्मनी इन्वेडेड द सोवियत टेरिटरी इन फोर्टी वन दो साल में ही दो साल में ही जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया ठीक है तो वह क्या कौन सा गाना था, था वादा तोड़ के ना जाना समथिंग लाइक दैट्स ओके सो बस जब वादा टूटा तो दुख हुआ तो सोवियत ने बोला कि ठीक है अभी तक मैं कुछ एग्रेशन नहीं कर रहा था ओके सो द जर्मनी वॉज फैलाइंग ऑल दैट रायता रायता ओके जर्मनी जब पूरा रायता फैला रहा था, था वहां पोलैंड वगैरह में ठीक है तो सोवियत चुपचाप बैठ के कुछ नहीं कह रहा था और इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस परेशान थे बिकॉज दे नो की दे कैन बिकॉज ब्रिटेन तो ऑलरेडी समुद्र से थोड़ा दूर था तो ब्रिटेन को डायरेक्टली जर्मनी तक पहुंचने में टाइम और फ्रांस डर रहा था कि जर्मनी मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा और वही हुआ सो वेन बेसिकली सोवियत वॉज बेसिकली बीन रिफ्लेक्टेड बाय द जर्मनी ओके जब सोवियत के साथ धोखा किया जर्मनी ने तब देन ऑफ फाइनली सोवियत यूनियन ऑफिशियली बिकेम द पार्ट ऑफ अलाइड पावर सो एक्सेस पावर में तो वो तीन थे जर्मनी सॉरी जर्मनी जापान एंड इटली बेसिकली ठीक है और अगेन जापान से यूएसएसआर का दुश्मनी थी ओके यूएसएसआर एंड बेसिकली जापान दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स एंड बिकॉज जापान वाज पार्ट ऑफ एक्सेस पावर तो इसीलिए पहली बात तो सोवियत इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार जापान से दोस्ती कर ली तुमने ठीक है तो जर्मनी से नाराज वो ऑलरेडी था और फिर जब जर्मनी ने चढ़ाई कर दी सोवियत टेरिटरी पे ओके दैट इज बारबोस बारबा सोरा रोसा ओके

जर्मनी ओके तो यहां से सोवियत यूनियन सोवियत आपको पता है अमेरिका और ब्रिटेन लिबरल कंट्रीज तो विचारिक मधेद तक फिर भी यूएसआर क्या चलिए भाई दोस्ती करते दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी बिकॉज बिना रशिया के बोल सकते बिना यूएसए और ब्रिटेन भी कुछ नहीं उखाड़ पाते ठीक है दैट इज द रियलिटी एट दैट ऑफ टाइम इवन द ब्रिटेन लेट्स से यूएसए दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल जर्मनी जर्मनी वाज सो पावरफुल जर्मनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था तो उनको पता था कि जब तक रशिया वहां से बिकॉज जर्मनी बीच में इधर बेसिकली आपका ईस्ट में बेसिकली आपका रशिया है या फिर बोल सकते हैं और इधर पे बेसिकली और अमेरिका तो दूर बैठा है और ब्रिटेन यहां पे फ्रांस ऑलरेडी अपने हथियार डाल चुका था ओके तो फ्रांस वाज ऑलरेडी बीन बाय द जर्मनी सो नाउ शिया वॉज वी कैन से ओनली यूएसआर आखिरी होप बचा था एंड गले लगा के स्वागत किया चर्चिल <laughs> ने और बेसिकली रोजा बैठ ले जाओ मेरे साथ में आ जाओ लेस मेक एन अलाइट पावर एंड लेस बीट दिस बुल और वी कैन से बीट दिस हिटलर डोमिनेशन ओके तो हिटलर का हराने का रास्ता उनको यहां से मिल गया सो दैट दिस ऑपरेशन बारबोसोराज चेंज द हिस्ट्री आपने जो जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर द्वितीय को खत्म होते देखा शायद तक वैसा खत्म नहीं होता वो अगर ये इंसिडेंट नहीं होता सो इट अ बिग इंसिडेंट ओके इसके बाद दशा बदल गई ठीक है जी खाली फाइन सो so, यहां से फिर फाइनली सोवियत यूनियन डिसाइडेड कि नाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द पावर टू फाइट अगेंस्ट द पावर ओके तो यहां पे अलाइड पावर में जुड़ गया ओके फाइन सो इस जो बारबोसो का जो ऑपरेशन था जिसमें जर्मनी ने सोवियत क्षेत्र पर आक्रमण किया उसके बाद सोवियत यूनियन ने आधिकारिक रूप से अभी तक सोवियत यूनियन अलग था वॉर से उसके उसको, उसको था कि मुझे नहीं लड़ना तुम को, तुम बट जब ऐसा संघ ने एलाइड पावर को ज्वाइन किया ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में ठीक है सॉरी ब्रिटेन और यूएसए फ्रांस तो ऑलरेडी जा चुका था ठीक है फ्रांस तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था तब तक तो फ्रांस का तो निपटारा हो चुका था तो बेसिकली यूएस यूके एंड यूएसआर ओके द बिग थ्री जिनको हम बोलते हैं बिग थ्री दे हैव कन्वर्टेड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ओके इन्होंने दुनिया के इतिहास को बदल दिया ठीक okay, so, है चलिए फाइन ओके सो क्लियर है यहां पे सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस ट्राइक पार्टी एग्रीमेंट इन ऑपरेशन ऑफ बार एवरीथिंग इज क्लियर क्या करते थे हम सब गर्मी लगने लगी यार हाँ जी भाई क्लियर है ना वंडरफुल चलिए ओके आगे बढ़ते अरे यार मेरी स्पीड से दिक्कत है लोगों को यार फिर पांच घंटे में खत्म कैसे होगा पूरा आई आर बताओ यार आप लोग बताइए अगर बहुत स्लो चलेंगे तो आई को पांच घंटे में खत्म कैसे करेंगे एक घंटा तो ऑलरेडी हो गया और पता भी नहीं चला कितने लोगों को पता चला कि एक घंटा हो गया ठीक है चलिए फाइन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मार्शल प्लान और प्लान के बारे में बताते चलते हैं ठीक है तो मोटोवो बेसिकॉज द फाइनल मिनिस्टर सो मार्शल प्लान सो मार्शल प्लान प्रोवाइड द वेस्टर्न यूरोपियन ओके सो दिस इज फॉर द वेस्टर्न यूरोपियन एंड दिस फॉर द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ओके सो मोटोवो प्लान ईस्टर्न यूरोपियन के था मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए था फंडिंग थी दोनों ने फंडिंग देने की बात की कि हम पैसा देंगे ठीक है ट्रूमैन को लगा बिकॉज ट्रूमैन मैन वॉज डुकिंग फॉर कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्मे कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्मिज्म को रोकना चाह रहे थे ट्रूमैन का डॉक्टर सबको पता है एवरीवन नोस की ट्रूमैन का डॉक्टर क्या है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म कम्युनिज्म को रोकना चाह रहे थे ट्रूम चलिए पैसा देंगे और बिकॉज अगर देखिए उस समय बहुत रियल बात की यूरोप उस समय कमजोर पड़ चुका था स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस ब्रिटेन दे आर एक्सट्रीमली वीक एट दट प्य फ्रम बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू तो द्वितीय विश्व बहुत कमजोर पड़ गए थे और अगर उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ तो बड़ी आसानी से यूएसएसआर कैन कैप्चर देम ठीक है तो अमेरिका को डर था कि अगर रशिया ने इनको कैप्चर कर लिया यूएसएसआर ने कैप्चर कर लिया तो फिर उस पूरे यूरोप में यूरोप में क्या आ जाएगा देर विल बी कम्युनिज्म समाजवाद आ जाएगा और अमेरिका उसको नहीं चाहता था तो so, अमेरिका ने बोला भले जेब से पैसा क्यों ना खर्च हो जाए दूसरे का शासन ठीक है तो इसे जेनेसी ठीक है ये होता है ना कि दूसरे का फायदा हो जाए उस चक्कर में अपना पैसा नुकसान ठीक है दैट्स इन योर फैमिली ऑल्सो देखिए ये सब जो चीजें है ना ये दुश्मनी सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े स्तर पर चलती है या घर में आप देख लीजिए अपने पड़ोसी में दूसरे का भला ना हो जाए उस चक्कर में अपना पैसा बर्बाद की भाई दूसरे को दिखाना है कि मैं भी ताकत भर हूं ठीक है सो दैट्स वॉट मार्शल प्लान वॉज देयर एज वेल एज मोटोवर प्लान वॉज देयर सो द थ्योरी कम्युनिस्ट कंट्री वुड बैक कम्युनिस्ट कंट्रीज दैट ब्लैक डैम ओके सो जो सा, बेसिकली साम्यवादी देश है वो साम्यवादी देशों का समर्थन करिए जिन्होंने साम्यवादी देशों का समर्थन किया इसलिए

चलिए फाइन वेरी गुड वंडरफुल वंडरफुल ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे चलते चलिए दोस्तों सो so, इसके बाद थोड़ा सा मैं बस आपको UGCNet, uh, का, सुपर के बारे में बता देता हूं यूडी सेट सुपर कोचिंग पे क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑलमोस्ट एक घंटा हमारा होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे सो यूडीलेट सुपर कोचिंग में क्या क्या चीजें हैं ट्वेंटी प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो क्लासेस बाय द सुपर टीचर वीडियो कोर्सेस

प्रिपरेशन ओके okay? ये ऐप को एंश्योर करेगा कि आपकी सक्सेस डेफिनेटली आपको मिले इस बार आपका जेर एफ निकले इसलिए लॉन्च किया गया अभी भी अगर कोई चाहे तो उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से यू सिंपली क्या करना है आपको ऐप को डाउनलोड करना है यू हैव टू डाउनलोड द टेक्स बुक एप परेस मिनिमल सब्सक्रिप्शन प्लान तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ठीक है तीन महीने का ले लीजिए छह महीने का जितना भी कम में आपका काम चले एंड जस्ट ओपन दिस जी आर ए बूस्टर पोलिटिकल साइंस कोर्स और फिर अपनी प्रिपरेशन फटाफट कर लीजिए ठीक है अभी भी तीस दिन बचेगा इस ठीक है तो स्टिल विद इन थर्टी डेज यू कैन कवर ऑल दीज फोर्टी क्लासेज ओके एंड आई कैन गारंटी इस फोर्टी फाइव क्लासेस के बाद आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा ठीक है क्लास अभी स्टार्ट हुई नहीं क्लास छह बजे स्टार्ट हो थी मनीषा आप देर से आई है ठीक है तीन से साठ बच्चे क्लास में बैठे आप तो मजाक कर रहे बताइए मनीषा ठीक है Manisha, क्लास एक घंटा हो गया आपने एक घंटे का नुकसान कर लिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच ओके इनमें से कौन सा जो है गलत मैच है चलिए वंडरफुल कम ऑन इनमें से कौन सा जो है गलत तरीके से मैच है किसी को जाने की इच्छा नहीं हो रही चलिए कोई बात नहीं मनीषा याद रहा करिए नहीं तो एग्जाम में सॉरी करना पड़ेगा यहां तो सॉरी चलेगा ठीक है चलिए बताइए इनकरेक्टली मैच कौन सा है बर्लिन बर्लिन ब्लॉकेड सही है बर्लिन है क्राइसिस गलत 1961 में ओके okay? ये एग्जाम में आया था पिछली बार अगर आप लोग देखा होगा दैट क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द बर्लिन क्राइसिस ओके ओके 1961 नॉट okay? 1965 एंड फॉलो बर्लिन वॉल यस 1989 बिल्कुल सही एंड नन ऑफ द ओके तो कोई बात ही नहीं तो ये सब सही है ज ऑनली रॉन्ग एंड इज इन करके सो बी इज द आंसर है आंसर क्या है बी है चलिए ठीक हो तो अब हम द्वितीय विशुद्ध के आगे पहुंचने वाले ठीक है बिल्कुल डेफिनेटली अनुषा मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आखिर तक रुकेगे चलिए ओके सो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट की बात करते हैं फटाफट नाइनटीन फोर्टी एट से फोर्टी नाइन के बीच में हुआ बर्लिन ब्लॉकेड ओके नाउ दिस इज समथिंग इंपोर्टेंट ओके अब यहां पर बहुत अच्छे फिगर के थ्रू आई एम टू एक्सप्लेन द होल सीनेट बिकॉज़ नाउ द कोल्ड वॉर इज स्टार्टिंग ओके तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डन सेकेंड वर्ल्ड वॉर डन नाउ इट्स टाइम फॉर द कोल्ड वॉर ओके तो अब शुरू होता है शीत युद्ध तो शीत युद्ध में आपको पता शीत युद्ध का कोई काट ईयर नहीं है बट यस इट वॉज स्टार्टेड राइट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओके प्रथम विश्व सॉरी नॉट मिस्टेक सेकंड वर्ल्ड वॉर ओके तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत ही बाद ही कोल्ड वॉर की सिनेरियो क्रिएट हो चुके थे ओके okay, जो बटवारा हुआ एरियाज uh, का यूएसआर एंड यूएसए के बीच में वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में दट वॉज नॉट वेरी फाइन एंड वो क्रिएट होता गया एंड अगेन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वॉज दियर सो बर्लिन ब्लॉकेट वॉज देयर ओके सो इट वॉज द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट ऑफ द क्राइसिस ऑफ द कोल्ड वॉर ओके तो पहला अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस था कोल्ड वॉर का इसको मान सकते हैं ड्यूरिंग द मल्टी नेशनल ऑक्यूपेशन ऑफ द पोस्ट वॉर जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को क्या किया था डिवाइड कर दिया गया था ठीक है सो लेट मी टेल यू कि जर्मनी की स्थिति क्या थी ठीक है चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि दिस इज जर्मनी ओके नाउ आपको मैप में देखना समझते हैं इससे ध्यान से ठीक है सो दिस इज जर्मनी ओके नाउ दिस इज द वेस्ट जर्मनी एंड दिस इज द ईस्ट जर्मनी ओके सो ये है पूरा आपका जर्मनी ओके नाउ इस जर्मनी में एक येलो सा डॉट दिख रहा है आपको ये क्या है इज बर्लिन फाइन ध्यान से देखिए कितना बड़ा मजाक है यहां पर कि मजाक नहीं बोला चाहिए तो भाई ज्योग्राफिकल सिचुएशन है कि दिस इज जर्मनी एंड विदिन दिस जर्मनी दिस वेस्ट जर्मनी वॉज कंट्रोल बाय द अलाइड अलाइड मीनस यूके यूएसए एंड फ्रांस नॉट रशिया सो दीज वेस्टर्न पावर वी कॉल दम वेस्टर्न पावर वॉज कंट्रोलिंग बेस्ट ओके बहुत सिंपल याद करने के लिए पश्चिमी जो कंट्री है यूएस यूके एंड फ्रांस वर कंट्रोलिंग द वेस्टर्न जर्मनी बिकॉज जर्मनी हार गया था हिटलर की मौत के बाद ये गए बिकॉज इन्होंने जीता था ठीक है है सीधी बात एलाइड पावर दे आर द विनर्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर तो इन्होंने बोला कि जब हमने जीता तो हमारा हक है तो इन्होंने जाके सरकार बनवाई यहां पर ठीक है वेस्ट में जाके यूएस यूके और फ्रांस ने वेस्ट को घेर लिया एंड द ईस्टर्न पार्ट वॉज बेसिकली अंडर द पावर ऑफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने बोला कि भाई मेरे बिना तो जीत नहीं पाते ठीक है जब तक अगर बिकॉज यहां से जब तक रशिया अटैक नहीं करता ठीक है जब तक रशिया यहां पे अटैक नहीं करता यहाँ पे जर्मनी पे आप जर्मनी कंट्रोल नहीं कर सकते थे यहां से कितना चढ़ाई करते फ्रांस ऑलरेडी लुट, लुट चुका था ब्रिटेन कितना घुसता है इसलिए जब जर्मनी वहां वहां से वर, से से सॉरी यूएसआर आया और वेस्ट यहां से गया तब जाके जर्मनी पे हिटलर पे काबू पाया गया हिटलर की जो मनमानी थी उसको कंट्रोल किया गया ओके सो दिस वॉज ओके चलिए यहां तक तो आपको पता है कि दैट डिवीजन वॉज देयर ओके बट अब इसमें एक और समस्या थी कि उन्होंने बोला कि देखिए देश तो हमने बांट लिया ओके सो दे देव डिवाइडेड दंट्री टू पार्ट ईस्ट एंड वेस्ट ठीक है तो दिस एंड फ्रांस एज वेल एस यूएसएसआर ओके सोवियत यूनियन ओके देव डिवाइडेड दंट्री जर्मनी इन टू टू पार्ट जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड दिया okay? But, एक समस्या आती है व प्रॉब्लम द प्रॉब्लम वॉज बर्लिन विच वॉज द कैपिटल तो बर्लिन था कैपिटल यह था बेसिकली आपका राजधानी तो so, इन्होंने दिमाग लाया कि इसको ही बांटते चलो सो वी विल ऑल्सो डिवाइड द कैपिटल तो इन्होंने बोला कि ऐसा करेगा आप देखो अब बर्लिन जो है वो ऑलरेडी ईस्ट जर्मनी के अंदर है ठीक है तो आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं ठीक है मतलब ये जो पूरा एरिया है रेड वाला किसके पास में था यूएसएसआर का था ठीक है दिस होल एरिया बिलोंग्स टू यूएसआर नाउ दिस बर्लिन नीड टू बी डिवाइड तो अब यहां पे येलो येलो दिख रहा है आपको येलो और रेड तो येलो मतलब ये वेस्ट वाले भी जा, वहां जाएंगे तो अब समस्या बढ़ गई समस्या कैसे बढ़ी नाउ दिस इज बर्लिन ड बर्लिन ओके नाइनटीन ओके नाइनटीन नाइनटी सो अब यहां परिस इज बर्लिन बर्लिन में क्या किया गया तो यहां पर ये फ्रांस ने ले लि ब्रिटेन ने लिया ये यूएस ठीक है थीके? तो टुकड़े टुकड़े कर दिए ठीक है यहाँ पे ठीक है तो समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही थी जो कि जर्मनी को टुकड़े टुकड़े करी थी और उस तरफ था तो ये हम बात करें कैपिटल की सिर्फ ओके एंड दिस दिस इज होल पार्ट वॉज बिलोंग्स टू द ईस्ट जर्मनी ये सारा ईस्ट जर्मनी में आ रहा था तो मतलब चारों तरफ से रशिया का ठीक है यूएसआर का और उसमें भी जो कैपिटल है उसको दो भागों में बांटा गया ईस्ट एसोवियत एस के पास और ये तीन के पास तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी अब भाई इसको सामान वहां ले जाना है ठीक है अगर ब्रिटेन को यहां सामान लेके जाना है तो फिर रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी मतलब यूएसआर से परमिशन लेनी पड़ेगी बिकॉज यहां तो ईस्ट जर्मनी जैसे आपने फिगर पर देखा ना कि अगर ये येलो वाले जो है मतलब बेसिकली वेस्ट वाले इफ दे हैव टू टेक समथिंग हियर अगर उनको सामान यहां लेके जाना है तो रशिया रोक देगा कि क्यों लेके जाओगे भाई हमारा रास्ता हमारी जगह हाउ तो आप लेके नहीं जा सकते तो वहां से अब वहां पर दिक्कत आ गई तो बस वही ब्लॉकेज बन गया ठीक है तो बर्लिन ब्लॉकेट वगैरह हो गया वहां पे और बर्लिन बेसिकली सोवियत यूनियन ब्लॉक द वेस्टर्न अलायंस रेलवे रोड एंड कैनाल तो

ये उनकी बेसिकली कैपिटल का डिवीजन है कैपिटल में भी दो में बटा पूरी की पूरी कैपिटल को बोला कि दिल्ली को भी दो भाग में बांटना है ठीक है अब मान लीजिए ऊपर वाला एरिया किसी एक कंट्री के पास में चला गया और दूसरे वाला एरिया है नीचे में साउथ वाला वो किसी के पास गया और वो बोले कि नहीं दिल्ली में मेरी जगह होनी चाहिए ठीक है मान लीजिए वो जाके बोले कि दिल्ली में मेरी जगह होनी चाहिए तो वही हुआ तो जब वेस्ट ने बोला कि यहां बर्लिन में भी हमको जगह चाहिए बर्लिन शुड ऑल्सो भी डिवाइडेड वेस्ट साइड की बर्लिन को भी डिवाइड करना पड़ेगा तो यूएसए ने बोला कि आओ डिवाइड डिवाइड करते करते हैं आ जाओ। आ जाओ जाओ तुम लोग फिर मैं बताता हूं तो रश... यूएसए ने क्या किया ठीक कि है डिवाइड कर लेते हैं अब यहां से सामान कैसे लेके जाओगे ये बताओ एंड दैट वॉज द बर्लिन ब्लॉकेड 48, 49. तो शुरुआत से समस्या स्टार्ट होगी तो वेस्टर्न वेस्टर्नलाइज जो थे यूएस यूके एंड फ्रांस अब उनको समस्या होगी कि सामान कैसे लेके जाए बर्लिन चला तो लेंगे बर्लिन का जो वेस्ट बर्लिन तो मिल गया उनको बट उसको मैनेज कैसे करें ओके सो दैट वाज क्रिएटेड द बर्लिन फाइन सो दैट बिकेम्स क्राइसिस नाउ दिस टाइम स्टार्टेड वे इश्यूड एन अल्टीमेटम डिमांडिंग द विड्रॉवल ऑफ आर्म फोर्सेज फ्रॉम द बर्लिन ओके तो अलाइज जो थे बेसिकली द ब्रिटेन एंड फ्रांस ओके इन तीनों ने मिलकर क्या किया इन तीनों ने मिलकर बर्लिन में अपनी फोर्सेज ला दी यूएसएसआर हुआ नाराज कि ऐसा कैसा अपनी आप लोग सेना कहां भाई कैपिटल एरिया वहां पर अगर सेना घूमते रहेगी तो वहां पे कैसे काम चलेगा ठीक है तो यूएसएसआर ने दिया अल्टीमेटम कि अपनी अपनी फोर्सेस यहां से हटा लीजिए बर्लिन से एंड जस्ट डोंट डिस्टर्ब द कैपिटल सिटी तो हम मान जाएंगे नहीं तो नहीं मानेंगे तो बेसिकली uh, uh, जो वेस्टर्न लाइन से नहीं माने ओके सो दैट्स व्हाई अगेन देयर वाज अ क्राइसिस स्टार्टेड ओके द वेस्टर्न आर्म फोर्सेस इन द वेस्ट बर्लिन द क्राइसिस कल्मिनेटेड इनटू द सिटी डिफेक्टो पार्टीशन और यहां पे शहर का एक प्रकार से विभाजन आपको जो देखने को मिलता है जिसको हम बेसिकली इस तरीके से देखते हैं ये यह जो यहां पर जो लाइन दिख रही है ना आपको ठीक है तो ये जो लाइन है प्रॉपर बन गई पहले ये लाइन इतनी वो नहीं थी बट उसको फिर दीवार बना के उस लाइन को लेट बिकेम द ग्रेट बर्लिन वॉल ये बन गई बर्लिन की दीवार और फिर बाद में उसी दीवार को तोड़ा गया एज वी ऑल नो ठीक है चलिए अच्छा जी चलिए वंडरफुल ओके फाइन चलिए तो बर्लिन वॉल का क्लियर हो गया यही यही क्राइसिस देखिए से शुरू हुआ था पहले बर्लिन होता है फिर उसके बाद आपका क्या होता है लोगों ने बोला कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो जर्मनी के लोगों ने बोला कि तुम लो लोग लो भाड़ में जाओ ये जो यूएसए ब्रिटेन और फ्रांस है और रशिया है सब भाड़ में जाओ हमको तो अपने आप एक करना है सो देर वॉज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बाय द बेसिकली जर्मन पीपल ओके जर्मन पीपल ने आपने आपको वापस एक जोड़ा दीवार को तोड़ा एंड देन बेसिकली द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड देन रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन ऑल्सो यूनियन कमजोर पड़ जाए तब तक फॉल ऑफ बर्लिन वॉल होता है ठीक है जो बर्लिन की दीवार है वो तोड़ दी जाती है लोगों ने तोड़ दी हथौड़े मार मार के तोड़ दी ठीक है फाइन बुलडोजर से नहीं हथौड़े से तोड़वा दी लोगों ने ठीक है इतना गुस्सा था चलिए फाइन नाउ एक और इवेंट आता है नेक्स्ट वन इज

बर्लिन क्या है शहर है उसके अंदर समझ लिया दिल्ली है दो भाग जो है जैसे ईस्ट दिल्ली की ईस्ट दिल्ली, है, दो, है, कि दिल्ली, है, दिल्ली है, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया ठीक है so तो वो बॉर्डर नहीं था बॉर्डर क्या होता है कंट्रीज के बीच में होती है जो बाउंड्री होती है कंट्रीज नहीं वो एक ही कंट्री एक ही कंट्री की एक ही कैपिटल उसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया और एक दीवार बनवा दी गई ठीक है नाउ क्यूबन क्राइसिस

ये जो मीडियम रेंज मिसाइल है वो यहां तक मार सकती थी और जो इंटरमीडिएट मिसाइल है वो यहां तक मार सकती थी तो अब यूएसएसआर तो दूर बैठा था ठीक है इन द वर्ल्ड मैप यू हैव सीन द रशिया वाज अ पार्ट एंड यूएसए इज दिस पार्ट ओके सो दोनों बहुत दूर दूर है सो एट दैट प्रिफेंट द टेक्नोलॉजी वाज नॉट दैट गुड ओके उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहां से इतना वहां तक मारा जाएगा ठीक है इट वाज नॉट पॉसिबल कि यूएसएसआर के डायरेक्टली हिट अमेरिका फ्रॉम देयर दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो यूएसआर ने दिमाग लगाया कि ऐसा करते क्यूबा में हम हाँ अपनी मिसाइल लगा देते तो क्यूबा में लगा दी उन्होंने मिसाइल अब जैसी मिसाइल लगाई उसकी फोटो पहुंची अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी हिल गई कि ये तो दिक्कत हो गई भाई ठीक है बिकॉज जब आपके पड़ोस में क्यूबा बिल्कुल बगल में है ठीक है यहां से अमेरिका स्टार्ट हो रहा है सो so अब डर लगा अमेरिका को कि दिक्कत हो गई फिर देन अगेन अमेरिका ने अपनी सारी शिप्स भेजी नेवल फिश शिप्स और यहां पर पूरा ब्लॉकेट लगाया ठीक है यूएस ने अपने सारे डिस्ट्रॉयर्स बिठा के वहां बिठा दिए कि क्यूबा को घेरा जाए ओके सो देन द इश्यू एस्केलेटेड अगेन सो इट वॉज पीरियड वेन इट वॉज फीलिंग लाइक कि नाउ बोथ द सुपर पावर्स आर गोइंग टू फाइट पहली बार ये जो क्यूबन क्राइसिस था उस समय दुनिया को डर लगा कि अगर ये दोनों लड़ गए बिकॉज बोथ ऑफ देम एट दैट पीरियड ऑफ टाइम देवर वर्ट वी कैन कॉल इट न्यूक्लियर पावर दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार था एंड दे हैव म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव पावर ओके सो दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर सकते थे तो so, भारत में थर्ड वर्ल्ड वॉर के पूरे आसार दिख गए थे बट फाइनली समझदारी दिखी धीरे से बातचीत हुई डिप्लोमेटिक ट्रांजेक्शन हुआ एंड फाइनली इट वॉज बेसिकली विन दैट एग्रीमेंट वॉज मेड एंड देन फाइनली द मिसाइल विड्रॉन बाय द यूएसएसआर ओके यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल विद्द, विड्रॉ की ओके okay? तो so, ये एक साल दुनिया के लिए बड़ा डरावना साल था ओके okay? इस एक साल में लोगों को लग रहा था कि अब पता नहीं क्या ही होगा बिकॉज मिसाइल क्राइसिस सबकी रूह कब गई थी कि अगर ये दोनों आपस में लड़ गए तो फिर पता नहीं क्या क्या बर्बाद करेंगे ठीक है फाइन ये थोड़ी सोचे कहा किसका बर्बादी हो रही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ दम न्यूक्लियर पावर ओके सो फाइनली फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो संकट है टल गया 62 में हुआ था 62 में ही टल गया और यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है वी आर टेकिंग अवे अवर मिसाइल्स तो वहां से सोवियत ने अपनी मिसाइल्स वहां से हटा ली ठीक है तो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जस्ट टू रिमेंबर दैट मच ओके यस एग्जैक्टली ओके बिल्कुल सही बात है ऊपर उषा बहुत शानदार वेरी गुड हाँ huh? क्यूबा बिल्कुल एक छोटी सी कंट्री है दीप नहीं है इससे आइलैंड स्टेट में बोल सकते हैं आइलैंड कंट्री डेफिनेटली वंडरफुल ओके चलिए मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा शानदार सवाल है एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली जो कि मुझे बहुत रेलिवेंट रही है कैंप डेविड इज रिलेटेड टू वॉट कैंप डेविड किससे संबंधित है कैंप डेविड अकॉर्ड इंडिया पाकिस्तान यूएसए यूएसआर इजराइल इजिप्ट और इजराइल ईरान चलिए बताइए भाई थोड़ा सा आराम किया जाए यूएस आर लाइक एंटर है अच्छा ओके हाथी चीटी की लाइन चल रही थी अच्छा ओके चले चलिए वंडरफुल ओके क्या कहती है जनता कैंप डेविड मैं देखना चाह रहा हूं कौन सही आंसर देगा मैं जैसे ही मुझे सही आंसर दिख जाएगा मैं उठ जाऊंगा अपनी कुर्सी से एक भी नहीं आ रहा यार नहीं आ गये, आ गये, आ गए 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 आ गए कुछ आ गए कुछ आ गए चलिए चलिए वेरी गुड यस यस सो इट वाज बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट तो अब हुआ क्या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओके तो अगेन अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में ओके okay? थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको अंतरराष्ट्रीय ओके सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर आंसर वुड बी सी ओके आंसर सी है सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ इजराइल ओके इजराइल वॉज बेसिकली बीन क्रिएटेड विद इन द अरब रीजन ओके सो जो अरब क्षेत्र था मिडिल ईस्ट जो था उस अरब क्षेत्र में किसने यूएसए

तो खुश नहीं थे तो युद्ध स्टार्ट हुआ ओके सो देर वॉज अ वॉर बिटवीन द इजराइल एंड द अरब कंट्रीज एंड यू एस वॉज सपोर्टिंग अमेरिका उस समय का समर्थन कर रहा था इसराइल को पूरा सपोर्ट देता है एंड अरब वॉज नॉट हैप्पी एंड विद इन दैट अरब इजिप्ट ओके तो इजिप्ट भी दुखी था सो देर वॉज अ वॉर बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट तो ये लोग टकाटक लड़े जा रहे थे ठीक है करीबन बीस साल तक ये टकाटक लड़ते रहे फिर फाइनली क्या हुआ कि जब ये लड़ाई ऐसा लगा कि अभी सुलटने नहीं वाली एग्रेशन बढ़ते ही जा रहा है तो फाइनली क्या हुआ देयर केम इन नाइनटीन सेवेंटी एट ओके द प्रेसिडेंट जिमी कार्टर फ्रॉम यूएसए इसने कहा कि ऐसा है तुम दोनों इधर आओ मेरे पास पहले तो ओके okay? so कि जिमी कार्टर इन्वाइटेड बोथ द इजिप्ट एज वेल एज द इजराइल लीडर कि दोनों इधर आओ पहले बिकॉज यूएसए वॉज ऑल्सो फेसिंग अलॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर ओके बिकॉज द ऑयल कहां पे था ऑयल तो अरब के पास था और अमेरिका को ऑयल चाहिए बिना तेल के अमेरिका नहीं चल सकता ओके okay? तो सीधी बात है अमेरिका को समझ में तो आ गया कि इसराइल को तो बिठा दिया वहां पर इसराइल का सपोर्ट तो करा बट अगेन हाउ इट कैन कन्विंस द साउदी अरेबिया वहां से तेल भी तो चाहिए सो इन द अरबन अरेबिक कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन बनाना बहुत जरूरी था यूएसए का चलिए शुरुआत करते हैं एंड दैट्स बिकेम द स्ट्रेटजी वेयर दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द अरेबिक कंट्रीज आल्सो ओके सो जिमी कार्टर ने बुलवाया किसको इजराइल और जिप को बुलाया कि इधर आओ एंड एक जगह है पे के जिसका नाम है Actually, नाम डेविड एक्चुअली इसका ही कैसे पड़ा okay? दोनों को बिठाया गया हफ्ते okay? uh, okay? so, काफी लंबे वक्त तक फाइनली रिजल्ट इन टू कैंप अकॉर्ड लैंडमार्क पीस ट्रीटी विच फॉर्मल बिटवीन द फॉर्मल बिटर राइवल तो जो इजिप्ट और इजराइल एक दूसरे को आंख से आंख नहीं देखते थे वो यूएसए में जाके बैठे अब जो भी आपस में बात हुई वॉजरेट थिंगेट थिंग थी आपस में बैठ के बात की मैटर और फिर इजिप्ट एंड दे दे बिकेम क्रिएटेड डिप्लोमेटिक रिलेशनियर रिलेशन बन गए तो वो जो लड़ाई चल रही थी बिकॉज उससे पहले लड़ चुके थे ओके बोथ ऑफ देम ऑल हैव गॉन फोर सिक्स डे वॉर ओके एक सिक्स डे वॉर करके फेमस चीज आपने पढ़ी होगी ठीक है अच्छा जी एंटी वाला देख रहा है ओके okay? इसका पीडीएफ मिलेगा

ठीक है और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ठीक है टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है प्रद्युमन सर की पॉलिटिकल पाठशाला इन प्रद्युमन त्रिपाठी सर टेस्ट बुक ओके हाँ जी तो अभी ब्रेक हुआ है भाई के कोई मत जाइएगा अभी इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं वी विल स्टार्ट द अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ओके इसके बाद तो और मेजर सिलेबस के फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे अप्रोचेस ऑफ आई आर ओके चलिए चलिए वंडरफुल अच्छा चाय पी लें ठीक है चलिए वॉक तो ही तो कर रहे हैं आप इतनी देर से वॉक ही चल रहा है यहाँ पे वॉक एंड टॉक ही चल रहा है मेरा इतनी देर से मैं बोल देता हूँ एक कॉफी के लिए जो आप लोग यहीं बने रही है एक्सक्यूज uh, मी एक क्या लाटे मंगवा देंगे कॉफी वगैरह मंगवा दीजिए अरे ले आए कोई वैसे अभी कोई है आप यहाँ खड़े रहो कोई अंदर ना है बस ठीक है मैं आ रहा हूँ थैंक यू ओके गाइस सो आई एम बैक चलिए अच्छा जी थैंक यू थैंक यू हाँ क्लास लाइव ही चल रही है ना पांच घंटे चल रहे हैं ठीक है ओके चलिए भाई आते जाइए अच्छा चाय पे चर्चा चली नहीं, नहीं। सब कुछ बढ़िया ठीक है, है अच्छा यहाँ पे बातें भी चल रही सर क्या पी रहे हैं <laughs> लाटे पी जा रहे हैं लाटे ठीक है लाटे इज कालीफी विच यूज अमाउंट ऑफ फोम ओके उसमें कभी कोई पूछे कॉफी में ही बहुत सारे पैटर्न होते हैं ठीक है सो जैसे एसप्रोसो होता है तो उसमें जो कॉफी कंटेंट होता है ज्यादा होता है एंड फोम कम होता है ओके इन लाटे द कैफीन कंटेंट इज लेस एंड बेसिकली दैट फोम इज हायर ओके सो ऐसे अलग अलग होता है ठीक है बैरिस्टर का अलग परस्पेक्टिव होता है चलिए कभी आगे सीखेगा हाँ चलिए ओके फाइन सो स्टार्ट करें खाना खा लो अरे खाना तो चलते रहेगा अभी खाने का टाइम ही नहीं हुआ यार अहमद बताइए छह बज रहे हैं। <laughs> चलिए ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नाव वी आर स्टार्टिंग अच्छा हाँ एक चीज बताना भूल गया आप सभी से uh, आज मैं सॉरी बताना भूल गया कि आज मेरे घर पे uh, कुंदन कुमार जी इनका नाम है कुंदन कुमार आज सुबह सुबह मेरे घर आए थे मिलने के लिए सो so, आप लोग शायद जानते हुए कुंदन जी को सो so, कुंदन कुमार जो है लास्ट ईयर उन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया है okay? द uh, 2020 सो आई थॉट कि 2022 में उनका रिजल्ट आया और वो मुझसे मिलने आए थे घर पे तो हम लोगों ने बात बात की और uh, वहां पे मिले भी और uh, उनके साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आप सभी के लिए इट्स अ मोटिवेशनल वीडियो एंड इट विल हेल्प यू तो जरा सुन लेते हैं कुंदन जी की बात उसके बाद स्टार्ट करेंगे चलिए जस्ट लेट मी नो कि मुझे आ, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ओके okay, इसमें चल कैसे चलेगा कैसे पैन को करना पड़ेगा बंद यस आज आप सभी के लिए एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है वॉइस आ, आ रही हो गया गेस आवश्यकता जो है आप, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी की होती है उससे ज़्यादा आवश्यकता मोटिवेशन की भी होती है तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ कुंदन जी से जिन्होंने इस बार 2022 में जब रिजल्ट आया है तो कुंदन कुमार जी का जी आर क्रैक हुआ है इस बार उन्होंने जी आर क्रैक किया और ये उनका आखिरी था। वॉइस आ रही ना पिछली काफी वक्त से आवाज कम आ रही होगी रुक जाइए अवारिया अब अच्छा गाइस वाईसी खत्म हो गई ना हेलो गाइस सो आज आप सभी के लिए एक शानदार इंफॉर्मेशन है, है। आ, मेरे साथ आज यहाँ पे उपस्थित है मैं इस साइड आ जाता जिनको आप काफी अच्छे से जानते हैं तो दोस्तों आप लोग काफी काफी दिनों से मुझे लगे हुए थे कि सर कुछ मोटिवेशनल वीडियो हो जाए बिकॉज प्रिपरेशन तो आप लोग लगातार कर रहे हैं बट बीच में मोटिवेशन की आवश्यकता भी होती है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितना आवश्यकता जो है अप, आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटी की होती है उससे ज्यादा आवश्यकता मोटिवेशन की भी होती है तो आज मैं आपको मिलवाता हूं कुंदन जी से जिन्होंने इस बार दो में जब रिजल्ट आया है तो कुंदन कुमार जी का जेआरएफ क्रैक हुआ है इस बार उन्होंने जेआरएफ क्रैक किया और ये उनका आखिरी अटेम्प्ट था जी का बेसिकली काफी वक्त से वो ट्राई कर रहे थे और प्रयास करते करते आखिरी बार वो लगातार लगे रहे करते -करते, so, वो, वो प्रयास हमारे जो श्रीमान प्रधानमंत्री त्रिपाठी महोदय है इन्होंने हमें अधिक से अधिक सहयोग दिया और वह मार्गदर्शन दिया जिसके आधार पर मैं यहाँ तक आ सका और आज मैं इनके साथ रूबरू हुआ हूँ आमने सामने हमारी बातचीत हुई है मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि पढ़ते तो हम बहुत ज्यादा हैं लेकिन वह पढ़ना जिससे कि परीक्षा निकाल सके हम वो हमें यदि कोई दे सकता है तो जिन्होंने इसका अनुभव लिया है कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न पर हमें ध्यान देना चाहिए किस प्रकार के पॉइंट पर हमें ध्यान देना चाहिए तो इसके लिए श्रीमान प्रधानमंत्री त्रिपाठी महोदय जिन्होंने मुझे यहाँ तक पीछे से पूरा सपोर्ट देकर आगे बढ़ाया मैं कहूंगा कि जो ये मार्गदर्शन देते हैं उस मार्गदर्शन को सा, एक एक बिंदु को पूरी तरह आप अनुसरण करें निश्चित रूप से सफलता आपको ही मिलेगी और हमारे सर से मिलने का अवसर चलिए तो देखो ऐसा है कि कुंदन जी जो है जब से प्रिपरेशन कर रहे थे उनका बहुत डेडिकेशन था मैंने देखा जब पिछली बार एग्जाम से पहले और बहुत पहले की बात है जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर ऐसी ऐसी बात है मैंने पिछली बार ट्राई किया है कई बार बट कुछ मार्क्स से मेरा जीआरएफ रहा है और मेरा आखिरी अटेम्प्ट है मतलब ये करो डू और डाई वाली सिचुएशन है कि अगर कर लिया तो ठीक है नहीं तो उम्र निकल जाएगी उसके बाद जी का जो मौका है वो निकल जा चुका है ठीक है तो फिर बात हुई और फिर उस हिसाब से लगातार जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए उस हिसाब से कुंदन जी ने काफी मेहनत की और ये क्रेडिट मुझे जरूर दे रहे हैं बट मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत और कहीं सिंसियरिटी ठीक है तो एज अ टीचर आई कैन इंस्ट्रक्ट यू आई कैन गाइड यू बट एट दंडर दे मेहनत जो है जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से मेहनत करना आपका काम है और वही कुंदन जी ने किया और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंदन जी जो है बिहार से है सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं ठीक है और वहीं गांव में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई की उस मुसीबत भरी कंडीशन में जहां पे संसाधनों की बहुत कमी है आप लोग अक्सर बोलते रहे थे सर हमारे पास ये नहीं है तो कभी लाइट नहीं आ रही है तो कभी ये नहीं हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ा उसलिए नहीं पढ़ा तो वो सारी समस्याएं उन्होंने झेली है ठीक है और उसके बाद आज वो जेएनयू में ठीक है थीके? उस जेआरएफ की बदौलत जो जेआरएफ उन्होंने इस बार निकाला है उसी जेआरएफ की बदौलत इस बार जेएनयू में दो दो इंटरव्यू इस बार वो देके आ रहे हैं पीएचडी के ठीक है तो अभी सत्रह तारीख को अठारह तारीख को आपका इंटरव्यू था कल भी तेईस तारीख को इंटरव्यू है और उसी बीच में उन्होंने वक्त निकाला और उन्होंने बोला कि सर आपसे ही मिलना है तो मेरे का बिल्कुल आपका स्वागत है तो आज कुंदन जी जो है मेरे घर पर बैठे हैं मेरे साथ में हमने अभी थोड़ी देर बातें की हैं फिर हमने सोचा कि चलिए एक प्यारा सा वीडियो आप सभी के मोटिवेशन के लिए भी हो जाए कि कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और बिकॉज uh, जीते जाते एग्जाम्पल है कुंदन जी को आप काफी अच्छे जानते हैं बिकॉज पिछली बार में मेरे क्लासेस में वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे तो अक्सर उनके बारे में चलिए दोस्तों तो ये वीडियो जो है मैं आपको

सबसे बड़ी बात है कि कुंदन जी का संघर्ष बहुत कठिन था दोस्तों आप में से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार लगातार बहुत लंबे वक्त से से प्रे, प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ कुछ एक दो मार्क्स मार्क्स का भी कुछ से रह जाता है उन्होंने भी पांच अटेम्प्ट दिए आखिरी अटेम्प्ट था इस बार का ठीक है बट हिम्मत नहीं हारी आप लोग तो सर हम छोड़ देते मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं आप लोगों में से बहुत लोगों के कि सर अब हम छोड़ देते हमसे नहीं हो रहा तो जो छोड़ देता है वो छोड़ ही देता है उसका रास्ता छूट जाता है जिसने मेहनत की वो सक्सेस है भाई जेएनयू में जाके इंटरव्यू दे रहे ठीक है तो जेएनयू में जाके डायरेक्ट जेआरएफ निकालने का फायदा देखिए जेएनयू में डायरेक्ट जाके जा, डायरेक्ट पीएचडी के इंटरव्यू में बैठे और मुझे लगता है कि उम्मीद उनका पीएचडी का प्रपोजल इतना अच्छा था हम लोगों ने बैठ के साथ में डिस्कस भी किया उस पर डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा और उसके बाद में मिलते मिलवाते हैं आपसे चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिपरेशन सो अगेन

यहाँ पे आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियलिज्म ओके? आदर्शवाद के बारे में आदर्शवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसमें से सही कथन बताना होगी करेक्ट स्टेटमेंट विच एम आर करेक्ट रिगार्डिंग रियलिज्म था रियलिज्म okay? यहां पे क्या होगा realism. Realism के से सही कथन को आपको ढूंढना है ठीक है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ऑन एवरीवन क्विकली मार्शल प्लान एक्सप्लेन क्या करना था विजय मार्शल प्लान इतना सी बात थी विजय कि यूएस को ने जो यूरोप में नुकसान हुआ था यूरोपियन कंट्री का वर्ल्ड वॉर में उसके रिप्लाई के लिए मतलब उनके सपोर्ट के लिए मार्शल प्लान लाया था जहां पे इकोनॉमिकल एड ओके सो ए सिंपल प्लान फॉर इकोनॉमिकल एड जहां पे आर्थिक मदद दी गई थी ठीक है दिल्ली में कहां पे अरे दिल्ली बहुत बड़ा मैं घर थोड़े बता दूंगा <laughs> दिल्ली में रहता हूं बस ठीक है

वॉर रिप्रेजेंट वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनलेशन दिस है, है। आदर्शवाद का मानना है कि युद्ध बुरा है परंतु यथार्थ बोलते हैं कि नहीं युद्ध तो होगा ओके ह्यूमन नेचर इज गुड दैट इज नॉट कंसिडर बाय द रियलिस्टिक थिंकर ओके अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक थिंकर ह्यूमन आर सेल्फिश मनुष्य जो है वो स्वार्थी है यथार्थवादियों ने क्या बोला कि इंसान तो स्वार्थी होता है गुड इन नेचरस्टैंड ऑल्स ओके ऑफलाइन क्लास नहीं होती है घर तक पहुंचती कोई लाइव क्लासेस नहीं ठीक है यहां पे कोई ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं है इट्स टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नाउ okay? चलिए सो so, अब जरा बात करते हैं नाउ वी आर स्टार्टिंग विद्रोचेस ऑफ आई आर द टॉपिक नंबर वन ओके तो जो क्रिटिकल पार्ट था ठीक है आपके यूनिट नंबर फाइव इंटरनेशनल रिलेशन का जो जो क्रिटिकल पार्ट था कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है वो मैंने आपको पहले कवर करवा दिया अबाउट द इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट क्राइसिस ओके तो जितने भी महत्वपूर्ण क्राइसिस थे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई वो सब हमने डिस्कस कर ली ओके okay? अब हम चल रहे हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से बिकॉज सिलेबस में जो दिया वो भी पढ़ना पड़ेगा सो so, सबसे पहले बात करते हैं आइडलिज्म और रियलिज्म क्या डिफरेंस पता होना चाहिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड रियलिज्म, आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में अंतर क्या है ठीक है चलिए शुरू करते हैं क्या करके पॉइंट समझेंगे पहला इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ओके यहां पे आदर्शवादी परिपेक्ष सकारात्मक नजरिया ओके okay? यहां पे इंटरनेशनल रिलेशन का एक सकारात्मक नजरिया रखा गया है यहां पे अगर हम बात करें तो एक पैसिमिस्टिक व्यू है पैसिमिस्टिक मतलब नकारात्मक ओके इन नेगेटिव सेंस ओके सो दे सी इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम ए नेगेटिव व्यू दे सी इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम ए आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ओके ये आदर्श तरीके से देखते हैं ये बेसिकली सकारात्मक रूप में देखते हैं ये ये मानते हैं कि इंसान अच्छा है ये मानते हैं कि इंसान स्वार्थी है ओके सो नेगेटिव है ना सो दिस इज अ नेगेटिव व्यू दिस इज अ पॉजिटिव व्यू तो इनका मानना है दे कंसीडर ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव कैसा मानते हैं कि मानव स्वभाव अच्छा है तर्कसंगत है यथार्थवादी मानते हैं कि स्वार्थी है, अहंकारी है और इसलिए युद्ध करेगा, okay? जब स्वार्थी है तो इंसान के द्वारा बनाया गया भी तो लड़ेगा, सीधी बात है ना? अराजकता फैलेगी विश्व अराजकता रहेगा बट आदर्शवादी को कहना कि नहीं इंसान अच्छा है इंसान का स्वभाव अच्छा है इंसान मिलनसार है तो इसलिए वो संबंध बनाएगा रिश्ते बनाएगा और स्टेट विल क्रिएट बेटर कॉपरेशन एंड पीस तो इनका मानना है कि आ, पीस रहेगा तो आदर्शवादियों का मानना है कि नहीं वो वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को शांति के नजर से देखते पीस एंड प्रॉस्पिरिटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड इनका कहना है कि शांति और व्यवस्था है है, बनाई जा सकती है समृद्धि जो है शांति और समृद्धि लाई जा सकती है okay? पीस एंड प्रोस्पिरिटी कैन भी क्रिएट ओके नाउ नो अथॉरिटीज हायर देन दोवराइन स्टेट नहीं कोई भी अथॉरिटी हायर नहीं है इसलिए एनआरकी रहेगी एंड दी इट बिलीव इन द्री कोर प्रिंसिपल स्टेटिज्म सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प ओके इनका क्या सिद्धांत है कि राज्यवाद ओके okay? राज्य को प्राथमिकता देते हैं सर्वाइवल एज वेल एज सेल्फ बेसिकली अच्छा आपकी पहली क्लास है अंकित जी चलिए ठीक है वैसे रिवीजन कर रहे हैं अंकित हम यहां पे थोड़ा सा ठीक है ठीक है हा फाइन सो so, यहां पे थ्री कोर प्रिंसिपल्स हैं स्टेटिज्म सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प ओके और यहां पे uh, बेसिकली इनका है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड वॉर

ओके विच इज कि कमिंग out अच्छा जी वॉइस चली गई हेलो 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 वॉइस आ तो रही है यार हेलो अब आ रही है हेलो 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 अब ठीक है आ रही है fine, ना फाइन ना अच्छा ठीक है चलिए ओके okay. शायद तक पीछे दब गया होगा इसलिए नहीं आ रही होगी पॉकेट में था ये चलिए कोई बात नहीं इसको आगे कर लेते हैं चलिए फाइन ओके डन है fine, okay, अब आ रही है एवरीथिंग इज फाइन चलिए वंडरफुल ओके आई गेस मैं पीछे बैठा था तो शायद तक मेरे पीछे दब गया होगा वो इसलिए नहीं आ रहा होगा ओके फाइन सो शांति और समृद्धि बेसिकली uh, लीग ऑफ uh, नेशन की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो बना है या फिर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है ओके okay? जो सामूहिक uh, सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो आदर्शवाद से बिलोंग करता है ओके okay? और यथार्थवाद इसमें बिलीव नहीं करता है सामूहिक सुरक्षा में इट बिलीव इन द दईडिया ऑफ सेल्फ हेल्प इनका ये मानना है कि हर राज्य स्वयं की सेवा करेगा स्वयं खुद की सुरक्षा हर राज्य की जिम्मेदारी ओके okay? कोई दूसरा आपकी मदद करने नहीं आने वाला ठीक है सो टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट ओके हर राज्य अपनी स्वयं की सुरक्षा करेगा ओके पावर वुड बी द गाइडिंग फोर्स ओके इनका मानना है यथार्थवादियों का कि शक्ति जो है पावर वुड बी द गाइडिंग फोर्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन बट आइडियलिस्टिक सेइंग नो मॉरलिटी अगेंस्ट बिकॉज ये आदर्शवादी है तो वो बोलते हैं कि नहीं नैतिकता जो है वो विश्व व्यवस्था को दर्शाएगी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है नैतिकता के आधार पर चलेगी ये बोलते नहीं नैतिकता पे नहीं चलने वाली इट्स विल बी रन बाय द पावर शक्ति पे चलेगी ठीक है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था शक्ति के सिद्धांत से चलेगी ठीक है सो अगेन की प्रिंसिपल कलेक्टिव सिक्योरिटी परपेचुअल पीस की बात करते हैं मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं यहां पर अगर हम देखें तो डे टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पावर आर्म रेस एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट ओके सो ये बोलते हैं कि हथियारों की होड़ लगेगी और इस हथियारों की होड़ में ही पीस हो सकता है जब हर कंट्री आपस में हथियार बनाते जाएगा तो नो वन विल फाइट ओके बिकॉज देर इज ए डिटरेंस विल क्रिएट ओके सो दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस बाय सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल ओके जब हर देश अपने आप को इतना ताकतवर बना लेगा कि दूसरा अटैक करने से पहले सोचे तब शांति रहेगी ओके सो दे बिलीव इन आर्म रेस एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट ओके तो इनका मानना क्या है कि राष्ट्रीय ज्यादा महत्वपूर्ण है और आम रेस की बात करते हैं कि आम रेस मतलब हथियारों का हथियारों की होड़ होनी चाहिए हर कंट्री के बीच में कि सब अपने बनाएं, अपने हथियार बनाए अपनी अपनी सुरक्षा के लिए और जब अपने अपने हथियार बना लेंगे तो फिर लड़ाई के चांसेस कम रह जाएंगे ये उनका मानना है और इनका मानना यह है कि नहीं भाई सामूहिक सुरक्षा हो सकती है सब मिलकर सुरक्षा एक दूसरे की कर सकते हैं सतत शांति हो सकती है और बहुपक्षीवाद भी हो सकता है इट मीनस की मल्टीलेटर्न सोसाइटी बन सकती है सो देट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड रियलिज्म ओके फाइन अभी वॉइस नहीं आ रही अब तो वॉइस आ रही है जी पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन करेंगे करेंगे कविता भी करेंगे अभी पहले यूरिसनेट का एग्जाम करवा ले ठीक है पीस लेकिन इन आइडियलिज्म नहीं अच्छा यूटूब फैमिली आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे स्टैब्लिश होगा देखिए इनका ये मानना है देखिए फाइन सो किसका क्वेश्चन है यूटू फैमिली आपका नाम मुझे नहीं पता सो so, आइडियलिस्ट का मानना है कि बिकॉज लोग अच्छे हैं ओके पीपल आर गुड एंड पीपल आर रैशनल उनके पास दिमाग है ओके दे आर लोग, लोग तार्किक है और लोग अच्छे हैं और इसीलिए वो आपस में संबंध बनाएंगे और शांति स्थापित करेंगे यह उनका मानना है ओके दैट्स हाउ द सीधा वर्ल्ड इट्स अप्रोच टू सीधा वर्ल्ड दुनिया को देखने का एक नजरिया है तो यह उनका नजरिया ठीक है फाइन चलिए आइडियलिजम लिबिलिजम सेक्टली सोनी का यस यू आर राइट आइडलिज्म बोले या फिर स्पेशली बीन बी टॉक अबाउट दई आर पर अंतरराष्ट्रीय संबंध में आप आइडियलिजम बोलिए या फिर लिब्रल परिविए दे हैव सिमिलर ओरियंटेशन ओके दोनों का सेम ही बात है बात बराबर थिंकर्स आर ओवरलैपिंग ओके वेरी गुड थ्रू को ऑपरेशन फाइन चलिए नाव मूविंग फॉरवर्ड एक क्वेश्चन करेंगे आगे ठीक हैबाउट द आइडियाज ऑफ रियलिज्मिज्मिक क्ट्री okay? देर was द first great debate, okay? In the I.R. this is the first great debate, okay? ओके अच्छा किसको पता है रिमाइंड नहीं initially फटाफट बता दीजिए चलिए आप लोगों से पूछ लेता हूं कि there are three great debates in I.R. फटाफट नाम बताइए पहले से स्टार्ट करते हैं ओके okay? पहला क्या है ग्रेट डिबेट ओके बिटवीन इंटर डिपेंडेंस बिलीवड बायस वेरी गुड निर्भन वन वन ऑफ ऑल ओके हाँ देआर थ्री ग्रेट डिबेट्स पहला ग्रेट डिबेट बताइए ओके आई आर में पहला ग्रेट डिबेट क्या है इट इज बिटवीन आइडियलिज्म वर्सेज रियलिज्म दो विचारधाराओं के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय जब हम व्यवस्था पढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन जब करते हैं तो उसमें दो विचारधाराओं के बीच में मतभेद हुआ यह आदर्शवाद्य बोला कि नहीं शांति हो सकती है यथार्थवादी होने नहीं शांति नहीं हो सकती शांति कैसे होगी वेन देर अ बैलेंस ऑफ पावर ओके बैलेंस के पावर के बाद ठीक है चलिए दूसरा बताइए ओके नाउ सेकंड डिबेट वट वॉज द सेकेंड डिबेट सेकेंड ग्रेट डिबेट सेकेंड ग्रेट डिबेट क्या है कैन इवन टेल मी रियलिज्म एंड नहीं 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 यहां पे गलत हो गया ना नहीं नियो रियलिज्म होना चाहिए था नहीं आइडियल एक गलत लिख दिया आपने तक डिबेट वेरी गुड वंडरफुल यस सेकेंड वन इज नियो नियो डिबेट इट मींस कि नियो लिबरलिज्म वर्सेज नियो रियलिज्म ओके तो नव उदारवाद एंड नव यथार्थवाद ओके नियो लिबरलिज्म एंड नियो रियलिज्म नव उदारवाद इनका ही नया वर्जन ओके सो आइडलिज्म और रियलिज्म में जो था उसी का नया वर्जन जो है ओके सो वहां पे नियो नियो डिबेट आता है बिल्कुल सही बात है ओके okay? अच्छा जी थर्ड क्या होगा एक और ग्रेट डिबेट है ओके बताइए थर्ड नहीं है वो थर्ड नहीं है ये क्या नाम है आपका सुदाम वो थर्ड नहीं है वो सेकेंड है थर्ड तो अभी करंट वाला है ओके okay? थर्ड वाला क्या है रिफ्लेक्टिविज्म या फिर ओके? थर्ड वाला क्या है ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरिज्म, वेरी गुड ओके यस न्यू न्यू डिबेट ओके एंड द थर्ड वन इज बेसिकली वो क्या है जो ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरिज्म वेरी गुड यू टू फैमिली वेरी गुड क्या नाम है आपका नाम बता दीजिए मुझे एक बार ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म ओके परंपरावाद मतलब परंपरावाद पारंपरिक विचारधारा है तो इस डिबेट में क्या है कि जो परंपरा विचारधारा है जो आदर्शवाद है नव यथार्थवाद है ये सब जो विचारधारा है उनको वो एक विचार है वो बोल रहे हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे पुराने तरीके से और बिहेवियरल वाले बोले कि नहीं वी हैव टू स्टडी फ्रॉम ए डिफरेंट ओके इवन द पोस्ट स्ट्रक्चरल आइडियाज पोस्ट मॉडर्न आइडिया क्रिटिकल थ्योरी दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस न्यू ट्रेडिशन ओके थ्योरीशन फाइन वहां से नया ठीक है अच्छा आपका नाम शुभम है तो यार शुभम ही नाम लिख लो ना कब तक मैं यूट्यूब फैमिली बोलूंगा ठीक है चलिए कीजिए अगली क्लास में अपना नाम बदल लीजिएगा यूट्यूब में चेंज करने का ऑप्शन होता है ठीक है तो थ्री ग्रेड डिबेट याद रखिए ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग इज नॉट एन आइडलिस्टिक थिंग अच्छा सबसे पहले बता दीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस थिंग किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बाद में फिर बोलेंगे आप लोग हाँ जी किसी को समस्या है यहां पे क्या आदर्शवाद और यथार्थवाद में जो डिफरेंस बताया मैंने आदर्शवाद और यथार्थवाद में जो अंतर बताया इट इज क्लियर कैन आई गेट अ थम्स अप चलिए कम ऑन एवरी थिंगाइन लेस मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते मतलब मुझे थोड़ा बता दीजिए क्या समझना है आपको कांट अंडरस्टैंड इट वॉट ना प्लीज अच्छा राधिक समझ पाए राधिका अगेन आई एम रिपीटिंग ध्यान सुन लीजिएगा प्रॉपरली अच्छा ओके चलिए ठीक है मैं प्रॉपरली समझा रहा ठीक है कोई बात नहीं

अंतरराष्ट्रीय ष्ट्रीयवासी मतलब अंतरराष्ट्रीय कंट्री जो आपस में जब मिलेंगी जुड़ेंगी आपस में जब सहयोग करेंगी तो अंतरराष्ट्रीय बेसिकली आपका क्या हो जाएगा आइडियलिज्म जो बेसिकली वो बोलते हैं कि शांति आ जाएगी ओके सो आइडियलिस्टिक थिंकर्स दे आर बेसिकली दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग कोऑपरेशन एंड एवरीथिंग ओके फाइन नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रियलिज्म ओके हम यथार्थवाद की बात करते हैं सो दे हैव अ नेगेटिव व्यू

बिकॉज दर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड ठीक है आपके देश के अंदर तो एनआरकी नहीं होती ना इन योर कंट्री यू हैव ए गवर्नमेंट विच मेक्स ऑल द डिस वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग आपके देश के अंदर एक सरकार होती तो वो एनआरकी नहीं है रजकता नहीं है बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सरकार है क्या देर इज नो गवर्मेंट फाइन सो ऑल अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक थिंकर ऑल द कंट्रीज आर फ्री टू टेक देयर ओन एक्शन फाइन एंड वेन दे आर फ्री टू टेक देर ओन एक्शन यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन बिकॉज़ सब अपने अपने निर्णय ले सकते तो आप किसी भी भरोसा नहीं कर सकते जब आप भरोसा नहीं कर सकते तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकते और हर व्यक्ति को स्वयं की सुरक्षा करनी है कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भरोसे मत बैठो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भरोसे मत बैठो अपनी मदद खुद करो यू हैव टू प्रोटेक्ट यूर नेशनल इंटरेस्ट बट ऑन दर एंडलिस्टर नो वी कैन कम्युनिकट टूगेदर वी कैन कॉर्डिनेट टूगेदर वी कैन क्रिएट इंटरडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता बेसिकली आपस में एक दूसरे के ऊपर अंतर निर्भरता क्रिएट कर सकते हैं ठीक है दैट इज़ डिफरेंस ओके रियलिज्म में डिफरेंस क्या अभी आएंगे उस पर वी आर मूविंग फॉरवर्ड ओके ठीक है फाइन चलिए ओके आगे बढ़ते हैं ओके डोंट वरी अभी आई एम मूविंग फॉरवर्ड द आइडियाज ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बिना क्वेश्चन देखे आंसर देने वाले अच्छा ओके चलिए फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नाउ विच इज़ नॉट एन आइडियलिस्टिक ओके राइट नाउ वी आर कवरिंग वी विल मूव रियलिज्म नियो रियलिज्म नियो रियलिज्म सब कुछ समझाया जाएगा शांति से बैठे रहिए ठीक है अभी एक विचार दो विचारधारा हमने देख ली आईआर की दो अप्रोचेस उसके बाद आगे भी देखेंगे ठीक है से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है रिचर्ड कोबेन विलियम लेड एंथनी ओके okay? इनमें से कौन जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है चलिए वेरी गुड डेफिनेटली ओके सो हेनरी किसंगर ही इज अ बेसिकली अ रियलिस्टिक थिंकर एज वेल एज ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भाई ये ठीक है ही वॉज नॉट जस्ट अ थिंकर ही वॉज अ प्रॉपर पॉलिटिशियन एंड ही वॉज अ मेजर डिप्लोमेट ओके सो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यस रियलिस्टिक थिंकर वेरी गुड ओके फाइन वेरी गुड वन ओके सो करेक्ट आंसर वुड बी ओके और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है टाइम पीरियड वन अमेरिका लाइक अननेसेमिटी विद पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक वक्त था जब अमेरिका ने बिना मतलब बहुत सारे लोगों से दुश्मनी ले थी स्पेशली अरब से दुश्मनी ले ली थी ठीक है स्पेशली अगर हम बात करें तो so अरब से जो दुश्मनी ले ली थी अमेरिका ने uh, इसराइल का समर्थन करके उसके बाद अमेरिका फंस चुका था ऑयल क्राइसिस थे

उनके बारे में बात करेंगे और so आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी दे दिया तो नाउ दीज आकर रिलेटेड टू द स्कूल ऑफ एंड स्पेशलिटीज फाइन सबसे पहले बात करते हैं वुड्रो विल्सन ओके ही इज एन आइडियलिस्टिक थिंकर ही प्रेजेंटेड द फोर्टीन पॉइंट ऑफ पीस एंड विच रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन ओके फाइन वेरी गुड ठीक है कोई बात नहीं चलिए फाइन सो वुड्रो विल्सन आइडलिज्म फॉरिन सॉरी फोर्टिन पॉइंट ऑफ प्रोग्राम आइडल थिंकर एंड स्पेशली बुक ये याद रख लीजिएगा लीग ऑफ नेशन द रूल ऑफ लॉन्टीन एटीन टू नाइन फिलिप्स न्यूल बाइडर कैंपेन फॉर डिसहार्मेंट ओके एंड ही ऑल्सो गॉट अलग नोबल प्राइज में मिला था दे पार्कर मून अगेन जस्ट रेम अगेन दैट विल बी नफ ओके नाम भी याद रखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा पारकर थॉमस मून वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन किताब का नाम है इंपेरियलिज्मिक्स एंड कमल एंजल स्पेशन दर सॉरी इन द आइडलिज्म थ्योरी ऑफ आइडलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन ओके आदर्शवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसमें दो विचारक बहुत महत्वपूर्ण है एक तो वोड्रोविल का नाम हम जानते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल एंजल ओके इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ही रोट अ बुक द ग्रेट इल्यूजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एग्जाम में आ सकती है क्यों आ सकती है क्या बोला कि युद्ध जो है कभी भी अगर आपको लगता है कि युद्ध में आपकी जीत होगी युद्ध में आपका फायदा होगा तो कभी किसी का फायदा नहीं होता युद्ध से किसी का फायदा नहीं हुआ ओके इवन द विनर लूजेज अलॉट ऑफ थिंग इन अ वॉर

नेक्स्ट क्वेश्चन रिचर्ड कोविन बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ चलिए रिचर्ड कोविन कहां से बिलोंग करते हैं किससे मिलाएंगे एंजल्स आर ग्रेट इलिजन ओके वन ऑफ ए रिमेंबर थिंग ऑल फूड हंटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने ट्रिक बनाई यहां पर एंजल्स आर ग्रेट इल्यूज़न एंड ओके तो उसके नाम से आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छा आइडिया ये

ठीक है ये तीन नाम देन बर्टन रसल भी इतना इंपॉर्टेंट है बेसिकली आई आर फ्रॉम द आइडलिजम ओके आदर्शवास से पांच नाम याद कर लीजिएगा इनफ हो जाएगा ठीक है इतने में एग्जाम में काम चल जाएगा ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म जियो स्ट्रेटी ओके नाउ वी आर मूविंग द रियलिस्टिक थिंकर ओके तो रियलिजम का विचार हमने पढ़ लिया यथार्थ बात क्या कहता है वो हमने समझ लिया वट वॉज द आइडिया ऑफ रियलिस्टिकॉक अबाउट द थिंकर इन देर बुक्स एक क्वेश्चन है कि जियो स्ट्रेटी ओके द टर्म जियो स्ट्रेटी वॉज क्वाइंड बाई होम ई एच कार रेनोल्ड बेसिली लेब्रो एज वेल एज फ्रेडरिक शुमन और नॉर्मन एंजल अरे क्या बात है दोस्तों पता नहीं चला दो घंटे हो गए अभी तो मैं थका भी नहीं हूं <laughs> ये तो थकान फील ही नहीं हो रही अभी कुछ भी बोलो आप लोगों के होने का असर है क्लास में ठीक है आप लोग जिस शिद्दत से क्लास में शांति से सब बैठे हैं प्यार से पढ़ रहे हैं मेरी मुझे थकान फील ही हो रही लिटरली मुझे लग लग लेना कि मैंने एक घंटे दो घंटे की क्लास पढ़ा ली पता ही चला वक्त हो गया दो घंटे चलिए वेरी गुड वंडरफुल ओके सो आंसर क्या होगा प्रेजेंटेड द रियलिस्टिक थिंकर सो एक टेबल में मैंने आपको शीट में बता दिया कि वॉट आर दट आर ऑल आइडियलिस्टिक थिंकर एंड दियर बुक्स एक टेबल में आपको सब पता चल गया कि कौन आदर्शवादी विचारक है और कौन सी उनकी किताबें हैं तो सब आपको बेसिकली दिख गया है ठीक है एक बार देख लू बैटरी है कि नहीं है? हाँ बैटरी काफी अभी बारह घंटे का हाँ बिल्कुल बिल्कुल बारह घंटे का मार डालो मुझे ना <laughs> अभी पांच घंटा बहुत है भाई एक टॉपिक के लिए इतना ही है ठीक है एग्जाम के दिन एग्जाम के एक दिन से पहले करेंगे बारह घंटे का ठीक है हाँ चलिए वंडरफुल ओके सो मैक्स कार फ्रेडरिक फ्रेडर निकोलस पाइकमैन डेनुलबोर आर द रियलिस्टिक थिंकर ये यथार्थवादी विचारक रखें सबसे इंपॉर्टेंट मैक्स सर्कल करते जा रहा हूं इ एच कार का नाम एनी गेस यू हैव टू रिमेंबर देन निकोलस मैन यू हैव टू रिमेंबर डेफिनेटली रेनोल्ड नेब्रू इनकी बुक का नाम इज इंपॉर्टेंट ओके यहां पे 20 ईयर क्राइसिस आई थिंग ओके सबको पता है सो यथार्थवाद जो है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एच कार से ही होती है जब चैलेंज किया आदर्शवादियों को बोला कि तुम लोग जो बातें कर रहे थे बकवास थी ठीक है सो एच कार वॉज अ पर्सन हु बेसिकली सेट की द आइडिया ऑफ दैट क्रिएटिंग लीग ऑफ नेशन ट वॉज थिंग मजाक था मजाक किया गया बीस साल ठीक है के, के आदर्शवादी विचारों को आदर्शवादी नेताओं ने और असलियत में क्या चाहिए था बैलेंस ऑफ पावर सो so, e. ये पर्सन बिकॉज दिज द टाइम पीरियड यह टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के बीच का ओके दिस इज द टाइम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स 1919 वहां पे वर्ल्ड वॉर खत्म होती है दूसरी स्टार्ट होती है थर्टी से ठीक है सो दिस वॉज द टाइम पीरियड बेसिकली जहां पे ईएच कार ने ये बोला कि द रियलिस्टिक थिंकर ओके इन्होंने बिकॉज ही वॉज अ रियलिस्टिक थिंकर एंड ही चैलेंज द Okay? उन्होंने विचारों का विरोध किया कि अभी तक मजाक किया लीग ऑफ नेशन बना के यू okay? है वर्ल्ड एंड यू द सिचुएशन फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर आपने द्वितीय विश्व की सिचुएशन क्रिएट कर दी ठीक है so, सो फ्रेडन में आ गया तो उसके बाद फिर फ्रेड उम्सियसली वन ऑफ द फेमस वन हेन्स मोर्गेन थाउ

वो असलियत में इन दोनों की ठीक है फाइन चलिए चलिए ओके हैप्पी बर्थडे भाई किसी के पिताश्री का बर्थडे है गेस चंदन अच्छा जी चंदन जी के पिताश्री का बर्थडे है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं चंदन जी और आपके पिताजी को बर्थडे ही मना लीजिए थोड़ी देर के लिए आप क्लास से जा सकते हैं अगर बर्थडे मनाना तो ठीक है चलिए फाइन ओके भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सो यहां पर ये थिंकर्स याद थिंकर हेनरी केसेंगर का नाम लिख दिया ही फाइड द पॉलिसी ऑफ डेटेंट एंड सोवियत यूनियन ओके चलिए फाइन लेट्स मूव ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ यू हैव टू मैच दिस लिस्ट विद द स्पेसिफिक आइडियाज सॉरी चलिए आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म नियो लिबरलिज्म नियो रियलिज्म सोशल कंस्ट्रक्टिजम ओके तो अब इसके बाद हम इन चार विचारधाराओं को पढ़ेंगे अराउंड द क्रैक बुल अच्छा क्रैक हिल बुक बाय जॉर्ज कैनन वेरी गुड तपस नाइस अच्छा अंकल जी को हैप्पी बर्थडे चल रहा है चलिए क्वेश्चन का भी आंसर देते जाइए बहुत शानदार यार आप लोगों का जज्बा देख देख के मुझे खुशी हो रही यार <laughs> क्या कंसिस्टेंसी है आग लगा दी बिल्कुल आग लगा दी वेरी गुड वंडरफुल यस सो द आंसर यहां पे क्या होगा देखिए स्ट्रक्चर सबसे समझते हैं यहां पे आइडिया भी समझते जाएंगे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म किसकी बात करता है इंटरनेशनल सिस्टम इज क्लास डिवाइडेड अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है वो वर्ग आधारित है क्लास रिलेशन की बात करता है न्यूलिबरिज्म कंसिडर दट हेजीमनिक स्टेबिलिटी थी दे बिलीव इन दफ देर इज एजीमन इट कैन क्रिएट स्टेबिलिटी होके फॉर एक्साम्पल यूएसमन ओके इनका क्या मानना है कि अगर एक हेजीमनी कंट्री रहेगी एक बड़ा देश रहेगा बहुत ताकतवर तो दुनिया में शांति आ सकती है वो सबको शांत रख सकता है ओके दैट्स द आइडिया ऑफ नियो लिबरल थिंकर दे कंसीडर यस देयर इज एनार्की सो जो नव उदारवादी हैं अंतर यही आ जाता है कि नव उदारवादी मानते हैं कि हां भाई विश्व में अराजकता है दे एक्सेप्टेड यस देयर इज एनार्की आइडियलिस्ट की ऑल्दो देयर आर बट इट कैन बी मेंटेन इट कैन बी कंट्रोल ओके डेमोक्रेटिक पीस फ्यूर आती है देन न्यो रियलिज्म नव यथार्थवादियों ने क्या कहा नव यथार्थवादियों का कहना था कि शक्ति और संस्था की ध्रुवीता की बात की उन्होंने टॉक अबाउट द पोलरिटी ऑफ पावर एंड स्टेबिलिटी कि पावर अगर पोलराइज हो जाएगी डिफरेंट सेक्टर में इट कैन क्रिएट स्टेबिलिटी इन वर्ल्ड ओके अगर शक्ति को अलग अलग ध्रुवों में बांट दिया जाएगा तो शांति स्थापित हो सकती है okay? अलायंस फॉर्म हो जाएंगे पावरफुल सो देर कैन बी स्टेबिलिटी सो जस्ट अपोजिट आइडिया देन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ओके इनका तो कुछ अलग ही एक्चुअली मैंने इसको इस मिला तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या है कि स्टेट बिहेवियर इज नॉट डिटरमाइंड राज्य का व्यवहार अनार्की से नहीं चलता राज्य अपने विचार से आइडिया से ओके सोशल प्रस्पेक्टिव से कल्चरल ओरिएंटेशन से डिसीजंस होते हैं ना कि ओके यस एग्जैक्टली चलिए ओके सो दिस इज द आइडिया आंसर वुड बी सी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया जिससे देर विल बी असिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओके क्वेश्चन देने का बस उद्देश्य यह था कि जिससे आपको थोड़ा सा जिज्ञासा जाए कि इस विचार को समझ लिया जाए ठीक है चलिए वेरी गुड क्या बात है सबको सब कुछ पता ही यार मैं तो बस रिविजन ही करवा रहा हूं तो सही में भाई एक रिविजन क्लास ही लग रही है बहुत कमी बच्चे होंगे जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है और मैक्सिम लोग तो मुझे ऑलरेडी यहां पर आंसर बता रहे जैसे इकरान बता रही है सुषमिता बता रहे हैं वेरी गुड चलिए नाउ स्ट्रक्चरल मार्क्सिजम संरचनात्मक मार्क्सवाद क्या कहता है ठीक है तो इसको जरा बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा कि वॉट इज द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ओके स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थिंकर कहना क्या चाह रहे दे आर सेईंग बेसिकली कि द वर्ल्ड देर इज अ स्ट्रक्चर ओके एंड दैट स्ट्रक्चर इज कैपिटलिस्ट सिस्टम ओके दैट इज अ ग्लोबल कैपिटलिस्ट ऑर्डर फाइन सो दे आर बेसिकली सेइंग कि जो वर्ल्ड है यह जो पूरी दुनिया है इट देर इज अ ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम मार्क्सिस्ट थिंकर्स ऑलवेज अगेन्ट कैपिटलिज्म विद इन अ स्टेट तो मार्क्स ने तो खुद से विचार नहीं दिया था ठीक है कार मार्क्स ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में बात नहीं की ओके मार्क्स ने कहा स्पेसिफिकली नेवर टॉक अबाउट द आई आर थ्योरी बट मार्क्स डेफिनेटली टॉक अबाउट दर्ट वी कैन से द ड्रॉबैक्स ऑफ कैपिटल सिस्टम तो मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध जरूर किया था पूंजीवाद की कमियां गिनाई थी और उन्हीं कमियों के आधार पर जो स्ट्रक्चर मार्क्सिस्ट थिंकर दे स्टार्ट सेट की द वर्ल्ड इज कन्वर्टेड नॉट जस्ट द स्टेट सिर्फ देश नहीं द वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इन टू अ कैपिटलिस्ट ऑर्डर वेयर द रिच कंट्रीज ओके द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर लाइक कैपिटलिस्ट जो रिच कंट्री है वह पूंजीपति है ओके okay, और जो uh, बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है अंडर डेवलप और एज डेवलपिंग अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री जो है दे आर लाइक दे आर लाइक वर्कर्स ये श्रमिक है और यह पूंजीपति है तो द स्ट्रक्चर मार्क्सिस्ट बेसिक द होल वर्ल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली अ कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर द डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सप्लाइटिंग द तो विकसित okay? so, देश, विकासशील देश और अविकसित देश, okay? जो, un -developed, -developed countries है, और जो देश है उनका शोषण कौन कर रहा है ये विकसित देश कर रहे हैं ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका जैसे देश ओके तो बहुत सिंपल वर्ल्ड सिस्टम सो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म बेसिकली सिंपली होल वर्ल्ड ऑर्डर इज अ Order and that's why the is there, okay? उन्होंने बोला कि दुनिया में कचरा क्यों फैला हुआ है ठीक है उन्होंने सिंपल में बोला कि दुनिया में जितना भी कचरा फैला है गरीबी है समस्या है वो क्यों है बिकॉज जो पूरी दुनिया है वो कैसी व्यवस्था है पूंजीपति व्यवस्था है जिसमें जो अमीर देश है जो विकसित देश है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो है दे आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट एंड द वीकर कंट्रीज पुअर कंट्रीज देर गेटिंग उनका शोषण हो रहा है मजदूरी कर रहे हैं और यह मजा उठा रहे हैं, तो मजदूरी करें यह और आइसक्रीम निपटाए ये ठीक है तो सीधी बात यह है तो दट इज नॉट बेसिकली सो इमर्स फ्रॉम द कालॉक्स आइडिया स्ट्रक्चर मार्क्सिजम होल्ड द ओपिनियन दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर क्लास डिवाइडेड ओके तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है वर्ग विभाजित okay? तो यहां पर यह है कैपिश क्लास जो विकसित देश है वो पूंजीपति वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे दे रिप्रेजेंट द वर्कर क्लास वर्किंग क्लास ठीक है तो ये वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे डेवलप्ड सो दैट्स व्हाट दे दे होल्ड अ स्ट्रांग टुवर्ड्स द मल्टीनेशनल कंपनीज ओके तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज का बेसिकली आपका जो बहुराष्ट्रीय कंपनी उसका विरोध करते हैं विश्व व्यापार संगठन का विरोध करते हैं डब्ल्यूटीओ का विरोध करते हैं एंड देयर की कॉन्सेप्ट्स आर लाइक नियो कोलिजम डिपेंडेंसी थ्योरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सो ऑल दीज हु बिलोंग टू द द फॉर दियोकोलिस्ट प्रॉर एक्साम्पल नखरूमा ओके देन डिपेंडेंसी थ्योरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऑल आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ओके सब क्या है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से रिलेट करते हैं ठीक है चलिए वेरी गुड वंडरफुल यस वंडरफुलर पेरीफेरियन समय पेरीफेरी वंडरफुल ओके चलिए वंडरफुल वेरी गुड वंडरफुल ओके चलिए तो संरचनात्मक मार्क्सवाद जो है वो ये देता है इसमें बहुत सिंपल तरीके से बहुत फेमस नहीं है एग्जाम में बहुत कभी कभी पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए कि क्या विचार है खत्म इनका है मानना है दे आर सीइंग द इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वो मार्क्सवाद के परिपेक्ष से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को देख रहे हैं तो इसमें थिंकर्स कौन कौन से आएंगे चलिए एक बार जल्दी थिंकर्स के नाम बताएंगे आप लोग ठीक है चलिए मैं एक बार थोड़ा सफाई करता हूं यहां पर ओके सो okay, so एक बार सब लोग मिलकर हम लोग थिंकर्स के नाम यहां पर बताएंगे मुझे ठीक है चलिए फटाफट थिंकर्स के नाम बताते जाइए मैं लिखते जाता हूं कि हु कैन बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ओके चलिए सब साथ में करेंगे फर्स्ट नंबर से स्टार्ट ठीक है यहीं पे याद कर लेते हैं घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना जो भी है यहीं याद करेंगे वेरी गुड नाइस ओके हां जी चलिए सो so, नखरूमा का नाम लिख लीजिए ठीक है ए जी फ्रैंक का नाम लिख लीजिए सॉरी <laughs> अरे बहुत तेज हाँ जी तीसरे नंबर पे अरे यार ये तो बहुत तेज काम कर रहा है <laughs> हाँ थर्ड नंबर पे आप वॉर का नाम लिख लीजिए और क्या नाम बताया भाई आपने रोजल एक्जम्बट नहीं रोजल एक्सम्बट तो बेसिकली आईआर में नहीं आएगा प्रस्पेक्टिव ठीक है ग्रामशी का नाम भी नहीं ले सकते ओके स्ट्रक्चरल मैक्सिजम वी आर टॉकिंग फ्रॉम द आईआर आर प्रस्पेक्टिव आई आर से बताइए इंटरनेशनल रिलेशन So, ये तो आप पॉलिटिकल थ्योरी बताने लगे ठीक है कार्डोसो वेरी गुड श्वेता वंडरफुल ओके सो ये आप नाम लिख सकते हैं कार्डोसो ओके सो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो थिंकर्स हैं, ठीक है डॉस सेंटोस, डॉस सेंटोस, ओके दीज आर कैन बी कंसिडर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मैक्सिदम फिर आई आर थ्योरी ओके एंड्रू लिंकुलेटर नहीं आएंगे क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते थे देवेंदू एंड्रू लिंक अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्थर नहीं तुलसी वी आर टॉकिंग अबाउट द आई आर अभी मैं पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं दिस इज अ क्लास ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सब लोग समझ जाइए मैक्स मैक्सर की नहीं आएंगे ही इज बिलोंग टू द क्रिटिकल थ्योरी ऑल फूड हंटर जी आपका जो नाम है वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन जो आप नाम बता रहे वो क्रिटिकल थ्योरी में बिलोंग करते हैं ठीक है रॉबर्ट कॉक्स भी नहीं आएंगे रॉन्ग रॉबर्ट कॉक्स भी नहीं आएंगे गलत है गलत है गलत है, गरत है. पॉलिस भी नहीं आएंगे ठीक है गाइज मैं एक बार क्लियर कर दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज अ डिफरेंट थिंग इंटरनेशनल रिलेशन इज अ डिफरेंट थिंग ओके आज हम क्या पढ़ रहे हैं राइट नाउ पॉल एक्सएंगे वेरी गुड यस सो राइट नाउ वी आर कवरिंग द अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन तो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं मैं हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं उसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं ठीक है तो वहां से हमको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म फ्रॉम द आई आर पर नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल थ्योरी फाइन याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा जी अब बात आ जाती है एंड में, ओके, नव उदारवाद नव चलिए के बीच में क्या अंतर है एक बार समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों विचारों के हाँ पॉल एक्स्यूजी आएंगे बिल्कुल राष्ट्र में राष्ट्र में नहीं आएंगे राष्ट्रवे इज बेसिकली फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन अप्रोच सो ही वॉज नॉट सपोर्टिंग दट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ओके राष्ट्रे वॉज अ कैपिस्ट थिंकर पूंजीपति विचार का समर्थन करते हैं गलत बता रहे हैं लुईस एल्थर भी नहीं होगा सोनिया मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी वाले नहीं वी वॉज टॉकिंग अबाउट द आई आर ओके चलिए जो आप नाम ले रहे हैं लुइस एल्सूसर वो पॉलिटिकल थ्योरी से बिलोंग करेंगे ठीक है यस वेरी गुड सुचित्रा आगे पढ़ेंगे उनके बारे में सब क्लियर हो जाएगा कोई बात नहीं अभी आगे पढ़ते जाते हैं थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ओके डोंट वरी फाइन नाउ आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल द नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ओके सो बोथ ऑफ देम कंसीडर यस देर इज एन दोनों मानते हैं की अराजकता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कैसी है नव यथार्थवादी नव उदारवादी बोलते हैं कि यस इज इज बोथ बिलीव दैट दोनों मानते हैं कि अराजकता है है ठीक बट बिकॉज देर इज नो अथॉरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी टू नेशन स्टेट कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है एंड दिस no okay? की नो अथॉरिटी टू एनफोर्स एग्रीमेंट्स ओके अंतरराष्ट्रीय लॉज है बट टू मेंटेन उसको मेंटेन करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं ओके सो बोथ हैव है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ओके दोनों ने अलग अलग तरीके से देखा दोनों ने अनारकी बोला बट इन्होंने बोला कि राष्ट्र राज्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बेसिकली सरकार नहीं अधिकार नहीं है प्राधिकरण नहीं है यहां पे बोला कि समझौतों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए कोई अधिकार या फिर गवर्नमेंट नहीं है यहां पर अधिकार का मतलब क्या है सरकार या फिर अथॉरिटी देर इज नो अथॉरिटी इन्होंने बोला कि अथॉरिटी राज्य को बचाने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है तो राज्य को खुद की सेवा करनी है एवरी स्टेट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ हर राज्य को खुद को बचाना है यहां पे इन्होंने बोला कि हर राज्य को खुद को नहीं बचाना बट समस्या क्या है कि कानून को अप्लाई करने के लिए इफ देर इज ए इंटरनेशनल लॉ देर इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट उसको अप्लाई करने के लिए देर इज नो एप्लीकेटर और वी कैन से एग्जीक्यूटिव बॉडी एट द इंटरनेशनल लेवल ओके सो कानून तो बन जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बट उसको अप्लाई करने एनफोर्स करने वाला कोई नहीं है ठीक so, है सो ये उन्होंने बताया दो बोथ ऑफ देम दंसिडर एजिकली वॉट वी कैन से द दईडिया ऑफ एनआर की नाउ नेचर ऑफ किस प्रकार से देखा सो स्टेट कैन ओके सो वॉट रियलिस्टिक थिंकर्स आर सींग स्टेट कैन क्रिएटिव कंड्यूसिव कंड एनवायरमेंट डिस्पाइट एनआरकी बाय इक्वलाइजिंग पावर बैलेंस ऑफ पावर सो दे आर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ़ बैलेंस ऑफ पावर ओके ये बोल रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर कर लिया जाए तो काम चल जाएगा ओके अगर आप जो आपके अपोजिट कंट्रीज हैं यू आर एनिमी कंट्री इफ यू विल ट्राई टू क्रिएट वॉट वी कैन से बैलेंस

रीजनल ब्लॉक एंड कैन क्रिएट पीस एंड ऑर्डर ओके सो इन्हों ने क्या बोली बात की हथियार इकट्ठे कीजिए आर्म्स जस्ट क्रिएट द आर्म्स एंड इक्वलाइज योर पावर टू द अनदर कंट्री ओके उन्होंने क्वांटिटी वाइज क्या बोला कि अपने हथियार उतने बना लिए जितना दूसरे के पास ओके रियलिस्टिक मैनर न्यू रियल लिबरल थिंगर्स आर सेम की नो यू कैन क्रिएट कॉपरेशन रीजनल ग्रुप ग्रुपिंग एंड एवरी थिंग एंड इंटरनेशनल कॉर्डिनेशन वी कैन से

संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चलाने वाली ठीक है सो एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको जरा पढ़ लेते हैं जो जो पॉइंट पढ़े हमने तो की प्रकृति उन्होंने क्या बताई कि अरजकता है परंतु शांति आ सकती है उन्होंने बोला कि शांति आ सकती है कैसे शक्ति के संतुलन के द्वारा ठीक है अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है शांति के लिए पीस स्टैब्लिश किया जाता है कैसे आपका शक्ति का संतुलन करके बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा इन्होंने बोला कि नहीं बहुपक्षीय मंच बनाइए क्षेत्रीय गोटो को बनाइए इट मीन की मल्टीलेटरल कॉपरेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेंस एंड उसके थ्रू यू कैन बिल्ड अप पीस तो शांति व्यवस्था आ सकती है नव उदारवादी बोल रहे हैं म, अ, अ, अब इनके हिसाब से महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन है मतलब आई जो है इंटरनेशनल कैसे चलता है ओके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसे चलती है उसमें मार्क्स आ जाएंगे सॉरी मिस्टेक क्स नहीं राज जाएंगे राज्य महत्वपूर्ण है इनके हिसाब से विभिन्न होते हैं ठीक है नव उदारवादियों के हिसाब से सिर्फ राज्य महत्वपूर्ण नहीं है राज्य के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां गैर सरकारी संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन ये सब इंपॉर्टेंट है ठीक मार्क्सिज्म इंस्ट्रक्शन मार्क्सिज्म के थिंकर्स क्लियर लिख तो दिए थे जो मैंने लिख दिए थे वही नाम थे ठीक है नरेश आप कंफ्यूज हो रहे हैं फालतू में अभी और आगे चीजें क्लियर हो जाएंगे डोंट वरी ठीक है मैंने जो नाम लिखे थे बस वो याद कर लीजिए बहुत होगा ठीक है यस फाइन चलिए सो देन प्रमुख विषय क्या है जैसे किसकी बात करते हैं दे टॉक अबाउट सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी एवरी कंट्री शुड लुक फॉर देर ओन सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल एंड दे टॉक अबाउट प्रेफरेंस एंड इंडिविजुअल यूटिलिटी ऑफ स्टेट फाइन देन की डिबेट्स में क्या आता है कीवर बैलेंस ऑफ पावर बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्रेड आर आइडियाज दे बिलीव इन अलायंस सुपरा ऑर्गेनाइजेशन ओके सुपरा ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन यू आशियान सो दैट दे सपोर्ट दैट आइडिया की यूरोपियन यूनियन बनाइए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सुपरा जैसे यूरोपियन यूनियन इज अप्रैशन की बहुत सारे राष्ट्रों के ऊपर भी एक राष्ट्र है ठीक है सो यूरोपियन यूनियन इज लाइक ए कंट्री बिकॉज पार्लियामेंट एंड अ गवर्नमेंट एन एवरीथिंग सो दे बिलीव के दैट काइंड ऑफ सिस्टम विल क्रिएट तो अब यूरोप में आपस में कोई नहीं करेगा बिकॉज वो आपस में क्या है वहां पे एक प्रकार का यूरोपियन यूनियन वो सब हैंडल कर लेगा ठीक है सो प्रिफरेंस फाइन एंड अलायंस बिल्डिंग सुप्रानेशनल एज वेल एज यहां पर डिफेंसिव रियलिज्म बेसिकली पोलरिटी ऑफ द पावर किसने दिए डिफेंसिव रियलिज्म ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि डिफेंसिव रियलिज्म का मतलब जो विचार है आपका किसका रक्षात्मक ओके इवन दिस न्यू रियलिज्म स्ट्रक्चरल रियलिज्म स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं इसको हम याद रखिएगा ठीक है इसी को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं ठीक है थेके? ये जो आपका नव यथार्थवाद है या फिर जो नियो रियलिज्म है इसी को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं द आइडिया दैट वॉज क्रिएटेड बाय थिंकर्स लाइक वॉल्ट्स ओके एंड जॉन मेयरशिमर प्रेजेंटेड द मेयर ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म ओके उन्होंने ऑफेंसिव रियलिज्म की बात की मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया तो चार्जर लगा लीजिए साइड में उसके पास चार्जिंग के पास बैठ जाइए वो चार्जर लगा लीजिए ठीक है या फिर कोई बात नहीं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जॉन मेर से सुचित्रा यू आर कंफ्यूज कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज बाय दिस इज बाय एंड रॉबर्ट कोहेन ओके वो अलग कोईडिया आप गलत बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज अ अप्ट ऑफ न्यू लिबरल थिंकर्स ओके फाइन हाँ जी बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर शंकर कुमार को बैलेंस ऑफ पावर समझ में नहीं आया देखिए बैलेंस ऑफ पावर का जो प्रस्पेक्टिव ये होता है कि आ, सीधी बात है जैसे शंकर में हम हाँ, एक्साम्पल हम हाँ अपना इंडिया पाकिस्तान का लेते हैं ठीक है यहां इंडिया बैठा ये पाकिस्तान बैठा ठीक है अब इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो पाकिस्तान की हालत खराब हुई तो, है पाकिस्तान ने क्या किया तो, okay? डायरेक्ट आपस में नहीं लड़े ना उसके बाद कोई युद्ध देखा बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट जो खतरा है आपने उसको बैलेंस कर दिया कि उसके पास मिसाइल है तो आपके पास भी मिसाइल है तो पता है वाले कि, so okay? so real, कि, कि, कि दूसरा वाला मारने से डरे फॉर एक्साम्पल इंडिया से न्यूक्लियर वेपन दैट्स वाय चाइना छोटे मोटे बाउंड्री पे लड़ लेते बट चाइना को भी पता है कि भाई भारत से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते बिकॉज देर इज ए डिटरेंस न्यूक्लियर डिफरेंस ओके सो जो थ्रेट को आपने मैनेज कर दिया ओके okay? थ्रेट को आपने बैलेंस कर दिया कि जो खतरा था वो टल गया कि अब मारने वाला सोचेगा कि यार बच्चा अटैक करने से बचना चाहिए ठीक है फाइन यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है ओके चलिए हाँ स्मार्ट पावर भी बहुत सही बिल्कुल सही ठीक है चलिए सो दीज आइडियाज ऑफ रियलिज्म एंड न्यू आर द प्रिंसिपल ओके नाउ एक सवाल उठता है थिंकर्स uh, के बारे में बात करेंगे बट सबसे पहले एक सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म वर्सेस नियो रियलिज्म तो ये नया क्यों आया रियलिज्म वर्सेस न्यो रियलिज्म इसमें क्या अंतर हुआ ठीक है कि यथार्थ बात हमने पढ़ा था वो भी बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे थे ठीक है हां सबकी होगी एकता टेंशन मत लीजिए अभी हम आई से स्टार्ट करें उसके बाद सबकी होगी सारे क्लासेस होंगे सारे टॉपिक्स पांच पांच घंटे में कवर करेंगे ठीक है अभी आज की तो खत्म कर लो यार आज का पढ़ लो फिर उसके बाद लगे की डिमांड करना सब कुछ मिलेगा टेंशन मत कीजिए ठीक है नेक्स्ट संडे को भी अरेंज है ओके चलिए सबको भाई एक मैं खुशखबरी दे बताया हूँ आपको नेक्स्ट संडे को हम यूनिट नंबर सिक्स करने वाले हैं अगला संडे भी आपका बुक है मेरे साथ ओके तो नेक्स्ट संडे इज आल्सो किसी भी अपना गर्लफ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड के साथ बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है नेक्स्ट संडे भी आपका बुक है ऑलरेडी मेरे साथ यूनिट नंबर सिक्स अगेन द फाइव आवर्स मैराथन ओके फाइन चलिए चलिए सो बात आती है कि रियलिज्म और नियो रियलिज्म में अंतर क्या ठीक है कि फाइन चलिए सो डिफरेंस बस इतना सा है बहुत माइन्यूट डिफरेंस है आइडिया ऑफ एनआरकी बट दे हैव सेड कि इज इज देयर देयर एंड दैट्स व्हाई द स्टेट हैज टू फाइट दे हैव बेसिकली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ वॉर की वॉर इज फाइन ओके दे वर सेइंग कि ठीक okay? है अगर लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं बैलेंस ऑफ पावर कर लीजिए बाकी लड़ भी रहे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम पावर इज समथिंग विच इज द डोमिनेटिंग एजेंडा एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू देर ओके कोई दिक्कत नहीं बट न्यू रियलिस्टिक थिंकर देवर लिटिल पॉजिटिव इन नेचर यस देर इज एनार्की अराजकता है बट दैट दैट एनआरकी कैन बी कंट्रोल बाय बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस फॉर्मेशन इन मल्टीपल थिंग्स सो दे आर

पोलरिटी ऑफ द पावर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो न्यू आया है कहां पे न्यू रियलिज्म में दैट इज पोलैरिटी ऑफ पावर पोलैरिटी ऑफ पावर जैसी बातें आई कि शक्ति को डिवाइड कर दीजिए अलग अलग पोल्स में ओके सो दैट काइंड ऑफ डिफरेंट आइडियाज आर देयर ओके फाइन अच्छा चलिए कोई बात नहीं जो अवेलेबल है वो आ जाइएगा जो अवेलेबल नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है चलिए फाइन चलिए ओके फाइन सो अब वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रियलिज्म रियलिज्म एंड नियो नियो सो रियलिज्म क्या है रियलिज्म सॉरी नियो नियो लिबरलिज्म एंड रियलिज्म नाउ अब व्हाट आर द बेसिक व्हाट वी कैन से द थिंकर्स आल्सो सो एक बार थिंकर्स के नाम देख लेते हैं सबसे पहले माइकल डॉयल लिबरलिज्म एज एज वेल सॉरी ये बेसिकली लिबरल थिंकर्स हैं रॉबर्ट सॉरी रूमेन अगेन लिबरल थिंकर अगेन वी कैन से द नियो लिबरल थिंकर्स ऑल्सो सो रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी अगेन ये भी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी लॉर्ड प्लेनसोर ओके इंट्रोडक्शन अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बुड्रोविल को भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं कार्ल डीच को कम्युनिकेशन थ्योरी ओके कार्ल डीच इज फेमस फॉर कम्युनिकेशन थ्योरी नाउ मूविंग फॉरवर्ड रॉबर्ट को न्योलिब्रलिज्म रॉबर्ट को क्या है न्यू लिब्रिजम दीज ऑफ द सम फेमस बुक ओके आफ्टर हैज पावर अगेंट दीज बुक्स आर इंपोर्टेंट ओके ट्रांसनेशनल रिलेशन नॉट इम्पोर्टेंट दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट पावर एंड न्यो रियलिज्मिक दीज थ्री बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रॉबर्ट कुहन जो आपको अगेन हीज अल थिंग एक नव उदारवादी विचारक है न्यो रियलिज्म सपोर्ट पीस यस दे से पीस यस एग्जैक्टली दैट द न्यू थिंग ना श्रद्धा की नई व्यवस्था के साथ वो समझ गए थे कि हां शांति करनी है बट अगेन शांति के उन्होंने रास्ते बताए ओके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से नहीं कि इंटरनेशनल yes, तो अपनी सुरक्षा करते करते वो शांति स्थापित करेंगे। हर राज अपनी -अपनी सुरक्षा के लिए जब संसाधन इकट्ठे करेगा या फिर रिसोर्स क्रिएट करेगा या फिर हथियार बनाएगा तो आ, आपस में लड़ने के चांसेस खत्म हो जाएंगे पोलैरिटी ऑफ पावर अरे यार कितनी सी बात सिंपल सी बात है उमेश पोलैरिटी ऑफ पावर इज नॉट इजी पावर इफ पावर इज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल सेक्टर मल्टीपल एरियाज मीन की पावर इज नॉट सेंट्रलाइज विद्री कोई अगर एक शक्ति चाली हुआ सीधी सी बात करें लेस्यूम की विद इन द एशिया ओनली वन कंट्री इज पावरफुल सो इट विल ऑलवेज ट्राई टू प्रेशराइज हेजीमोनिकली बिहेव करेगी दूसरे को दबाएगी एंड देर आर चांसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एन वॉर बट इफ द पॉवर इज डिवाइड इन टू मल्टीपल पोल देन देर विल भी बैलेंसिंग जब शक्ति बहुत सारे ग्रुपों के पास अलग अलग बटी है डिफरेंट कंट्रीज आर पावरफुल

बिल्कुल सही बात है शोक वेरी गुड ओके ना जोसफ द टू इंपॉर्टेंट नियो लिबरलिज्म ओके नव उदारवाद के ये दो बड़े पिलर्स हैं ओके ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर एज वेल एज स्मार्ट पावर सॉफ्ट पावर की बात की है जो कि आप सभी को पता सॉफ्ट पावर का प्रिंसिपल बहुत अच्छा ओके फाइन एज वेल एज स्मार्ट पावर ओके सो स्मार्ट पावर का प्रिंसिपल ओके एंड ही डेवलप द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस विद ओके तो कोहेन के साथ मिलके ही उन्होंने

इसका इससे संबंध है 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 ये इस कुछ इससे बेच रहा है ये कुछ कर रहा है तो दे आर इंटर रिलेटेड ठीक है किसी किसी ने कुछ कुछ से खरीदा जैसे इसने इससे कुछ सामान खरीदा इसने इससे कुछ और खरीद रखा होगा नाउ अगर ये दोनों लड़ते हैं सो so इसको भी नुकसान होगा ओके फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वी हैव सीन यूक्रेन एंड रशिया वॉज फाइटिंग द होल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉज सफरिंग तो लड़ तो वो दो रहे थे बट दुनिया ने उसका असर देखा ठीक है खाने को खाना खत्म हो रहा था क्या हो रहा था क्या क्राइसिस वॉज देयर सो इंटरडिपेंडेंस इज देयर एंड दे बिलीव दैट न्यू लिबरल बिलीव दैट देर इज ए इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस ओके एंड दैट इस्डेंस ओके बड़ा जाल बन चुका है हर कंट्री किसी ना किसी के साथ संबंध है और इसलिए वो आपस में लड़ेंगे नहीं एंड दिस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस रिजोल्व बेसिली वॉट व्यू कैन से रिस्ट्रिक्ट दांसेस ऑफ वॉर बट अगेन थ्योरी फेल हो रही है तो थ्योरी हमेशा हंड्रेड परसेंट सही नहीं होती है तो इन्होंने बोला कि नहीं लड़ेंगे बट लड़ गए ना यूक्रेन और रशिया लड़ तो गए ठीक है तो थ्योरी के हिसाब से नहीं लड़ना चाहिए था थ्योरी के हिसाब से क्या कॉम्प्लेक्स विल बी पीस थ्योरी क्या बोलती है न्यू लिबरल थिंकर्स क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्रेंडेंस सब आपस में गुत्थी बनी हुई है इसलिए लड़ेंगे नहीं बट लड़े फाइन ऑल दो लड़ाई बाद में शांत हुई ठीक है फाइन चलिए अच्छा हाँ कार्बन का ज्यादा ठीक है स्मार्ट पावर चलिए बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं सब समझाएंगे यार टेंशन क्यों ले रहे हैं इसीलिए तो लंबी क्लास रखिए दोस्तों कि कोई समस्या नहीं रह जाए चलिए ठीक है अब जरा बात कर लेते हैं सॉफ्ट पावर की चलिए तो सॉफ्ट पावर क्या होता है ठीक है बहुत आसान तरीके से समझेंगे किसने सवाल पूछा सॉफ्ट पावर के बारे में जिसने भी पूछा समझो सुन लीजिए ठीक है सॉफ्ट पावर का मैं एग्जाम्पल देता हूं ठीक है जैसे आप इंडिया में बैठे आप टी शर्ट पहनते हैं आप जींस पहनते हैं Uh, आप फॉरेन मूवीज देखते हैं हॉलीवुड okay? की मूवीज देखते हैं न? आप यूएस का खाना भी खाते हैं कल्चरल कनेक्शन विद दो सो एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है ठीक है जैसे बहुत सारे इंडियन लोग जो है जैसे अलॉट ऑफ इंडियंस आर लिविंग इन यूएसए जिनको हम क्या बोलते हैं डायस्पोरा ओके okay? जिनको हम बोलते हैं डायस्पोरा सो so,

ज द एक्शन ऑफ सम वन अकॉर्डिंग टू यंटरेस्ट ओके जब आप किसी दूसरे के एक्शन को अपने हिसाब से परिवर्तित कर लो दैट इज पावर पावर क्या है कोई दूसरा कुछ करना चाह रहा है ठीक है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए बट ज यू आर पावरफुल आपने उसको रोक दिया तो एक तो पावर क्या होती है कि हथौड़ा मार के रोक दिया थप्पड़ मार दिया डांट दिया लपकार दिया दैट इज हार्ड पावर ओके तो जो आपने हथियार का उपयोग करके डरा दिया दट इज हार्ड पावर आपने रियल पावर का उपयोग करके मेटेयल पावर का उपयोग करके डरा दिया दैट इज हार्ड पावर ओके बट वेन इन एन इनडायरेक्ट मैनर ओके बिकॉज यू हैव ए बेटर कल्चरल कनेक्ट कल्चरल कोअर्डिनेशन विदीपल ओके एंड मल्टीपल अदर थिंग्स इकोनॉमिकल आस्पेक्ट ऑल्सो

इनअप्रोप्रिएट फॉर इंडिया इंडिया के कभी फायदे में नहीं रहती है वो ठीक है दे आर ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस ओनली बट कभी भी इंडियन पीपल्स के अंदर वो एनिमिटी नहीं आती अमेरिका के खिलाफ जैसा चाइना के खिलाफ हम सोच लेते हैं कि चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे पाकिस्तान से यह नहीं लेंगे पाकिस्तान से हम वैसे भी कुछ नहीं लेते तो जो गुस्सा चाइना पे आ जाता है वैसा गुस्सा अमेरिका के लिए क्यों नहीं आता है रीजन एंड रीजन इज अमेरिका हैज क्रिएटेड अमाउंट ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंडिया कैसे हम पैप्सी पीते हैं हम कोको कोला पीते हैं ठीक है हम नेटफ्लिक्स देखते हैं हम अमेजन प्राइम यूज कर सकते हैं कहां है दे ऑल आर अमेरिकन कंपनी हम एप्पल का फोन रख रहे हैं मेरे पास भी है ठीक है सो इन दैट मैनर व्हेन यू आर यूजिंग द अमेरिकन प्रोडक्ट हम जीन्स पहनते हैं Levi's का जीन्स पहनते हैं और दुनिया भर की चीजें सो बिकॉज ऑफ दैट अ काइंड ऑफ ए कल्चरल कनेक्शन इज देयर ओवर द इंडियन पीपल ओके तो हमारे माइंड में हम लोग वी आर वॉचिंग द हॉलीवुड मूवी ओके कितने लोग फ्रेंड्स देखते हैं बताइए so, फ्रेंड्स कितने लोग देखते हैं फ्रेंड्स देखा सबने बहुत लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स ठीक है स्पेशली द यंगर जनरेशन में फ्रेंड्स इज समथिंग विच इज वेरी फेमस ओके फ्रेंड्स इज ए अमेरिकन शो ओके सो वेन यू आर यू आर इन इन डायरेक्ट मैनर यू आर इंटरेक्टिंग विद यू एस सोसाइटी सो यू कैन रिलेट वहाँ पे आप संबंध बना पाते हो जब रिलेट कर पाते ना उसके खिलाफ लड़ने की इच्छा नहीं होती ठीक है चाइना से नहीं कर सकते चाइना का शो नहीं देखते हम लोग ना चाइना कल्चरल सॉफ्ट पावर तो सॉफ्ट पावर इट वर्क इन इनडायरेक्ट मैनर ओके बट इट वर्क बट इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग सॉफ्ट पावर लंबे वक्त में क्रिएट होती है बट हार्ड पावर झटके में जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया और चुटकी में इंडिया ने

कल्चरल बॉन्डिंग फाइनल डेफिनेटली ओके हाँ जी चलिए आई गेस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम वेल्थ टू पावर इनमें से कौन सा जो है वो वेल्थ टू पावर का विचारक है किसने किसकी किताब है वेल्थ टू पावर क्या बात है दोस्तों ढाई घंटा हो गया है टू एंड हाफ आवर और तीन सौ से कम नहीं हो रहा भाई यहां तो आंकड़ा हम्म चलिए यार अभी एक क्वेश्चन बच गया चलिए कोई बात नहीं अभी इसका also, okay? एक चीज छूट गई है कोई बात नहीं मैं वापस आऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर देके वापस चलेंगे अपन ठीक है सॉफ्ट पावर बच गया है बिल्कुल अभी सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर बच गया है ठीक है चलिए ओके सो करेक्ट आंसर वुड बी किसके है फ्रॉम वेल्थ टू पावर फरीद जकारिया किताब है ओके अ रियलिस्टिक थिंकर ना यथार्थवादियों की बात कर रहे हैं हम so, सो फरीद जकारिया ओके okay? ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आएगी किताब किसकी है तो यू हैव टू थिंग्स ओके तो किताब जकारिया फ्रॉम वेल्थ टू पावर ओके चलिए अब जरा एक बार बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले ओके बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज स्मार्ट पावर एंड फास्ट पावर जॉन चिपमैन का कॉन्सेप्ट है स्मार्ट पावर इज अ कॉन्सेट बाय नाय जोसफ नाय एंड फास्ट पावर इज अ कॉन्सेप्ट बाय चिपमैन ना जॉन चिपमैन, फाइन ना लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की वॉट इज स्मार्ट पावर एंड फास्ट पावर ओके तो स्मार्ट पावर में क्या होता है स्मार्ट पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड प्लस सॉफ्ट

से इज दैट की इन द इंटरनेशनल रिलेशन द मैग्निट्यूड इन विच यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन दिटरमाइंस योर से योर रेलिवेंस योर इंपॉर्टेंस इन दैट पर्टिकुलर मैटर ठीक है अब ध्यान सुनीगा कि जो विचारक है कहते हैं जॉन चिपमेन की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जिस गति से आप एक्शन ले रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं ठीक है मान लीजिए कुछ हुआ फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया वॉर हुआ ओके

बॉर्डर सही ठीक है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव ओके रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव ओके ओके चाइना रोड बेल्ट इनिशिएटिव प्लान कर चुका था इंडिया उस समय इग्नोर करते रहा ठीक है फाइन दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो अब उसके बाद जब वो रोड बेल्ट तो स्टार्टिंग में इंडिया ने इग्नोर किया कि हमको मतलब नहीं ओके इंडिया वॉज सेम की ओके वी बिलीव ओके हम ज्वाइन नहीं करेंगे इंडिया सिंपली सेज ओके वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन बट अब इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया बट चाइना ने लपेटा किसको पाकिस्तान को कि बेटा आ जा वो तो गरीब है जिस जो पैसा देगा उसके पास पहुंच जाएगा सीधी बात है ठीक है तो पाकिस्तान पहुंच गया अब पाकिस्तान में क्या किया हमारे पास आ गई एक बॉर्डर इश्यू पाकिस्तान ने एक एरिया भेज दिया कि यहां रोड बना लो

एंड वी आर जस्ट रियक्टिंग अगर आप सही से इंडियन फॉरन पॉलिसी को समझे इंडियन फॉरन पॉलिसी राइट नाउ वी आर जस्ट रियक्टिंग टू दाइनीस मूव चाइना ने क्या किया पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बनाया हमने बोला हम सागरमा करेंगे ठीक है चाइना ने जब हमको चारों तरफ से घेरा डिफरेंट पोर्ट्स बनाकर नावी सागरमाला इनिशियटिव सो वी आर नॉट एक्चुअली लीडिंग देश पॉलिसी वी आर रिएक्टिंग सो देर इज ए डिफरेंस इफ वी आर द लीडर्स दे विल भी एक्टिंग अकॉर्डिंग टूर्स बट अभी क्या है

हम अभी बैकवर्ड सीट सीट पे ओके वी आर अ रिएक्शनरी राइट नाउ ओके और दिस इज अ वी कैन से इट्स अ वन ऑफ ऑफ द फेलियर इंडियन फॉरेन पॉलिसी भारतीय जो आपकी विदेश नीति उसकी एक बहुत बड़ी फेलियर है कि हम समझ नहीं पाए जब ये चाइना कर रहा था ओके सो इनिशियली चाइनाड इज एज इट एज इकोनॉमिकल इनिशिएटिव चाइना ने क्या बोला दुनिया को कि हम तो आर्थिक सहयोग क्रिएट कर रहे हैं पर वो आर्थिक सहयोग क्रिएट करते करते कब वो खट से एक मिलिट्री अलायंस बन गया एंड इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ द ट इश्यू ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन अब सबको समझ में आ रहा है कि अरे या तो बवाल हो गया ये ठीक है तो जब बवाल हो गया तब हम लोग जब तक जागे तब तक तो खेल हो चुका था ठीक है तो दैट्स वॉट जॉन चेपेस कहेंगे फास्ट पावर इज इंपॉर्टेंट ओके इन द फॉरन पॉलिसी क्विक एक्शन एट द राइट टाइम इज समथिंग विच रिटरमाइज द फ्यूचर ऑफ द फॉरन पॉलिसी ओके फाइन वॉट इट अरे भाई कोई पीसफुल कंट्री नहीं होता लॉर्ड बी द ग्रेट ऐसा है कि इन द फॉरन पॉलिसी देर इज नो रोल ऑफ मॉरलिटी पहली बात तो समझ लीजिए ओके okay? विदेश नीति में कोई नैतिकता का सिद्धांत नहीं चलता ओके okay? विदेश नीति इस विदेश नीति ओके okay? विदेश नीति क्या है विदेश नीति उसमें सही गलत नहीं होता ओके okay? हम कौटिल्य के देश से आ रहे हैं यार कैसी बात कर रहे हैं लॉर्ड भी आपने कौटिल्य को सुना है कि नहीं सुना है ओके ही वॉज द बेस्ट रियलिस्टिक ओके यथार्थवाद इसी देश में पैदा हुआ है कहीं बाहर से नहीं आया था ठीक है ब्रिटेन फ्रांस ने बाद में यथार्थवाद यूज किया होगा चाइना ने बाद में हमने पैदा किया यथार्थवाद ओके okay? हमारे कॉटली ने, ने पैदा किया ओके ही वॉज अ रियलिस्टिक थिंकर ही कोई दोस्त नहीं कोई दुश्मन नहीं है मारो जिसको मारना है जीतो जिसको जीतना है ठीक है बट हम फालतु में आदर्श बन के बैठ गए बुद्धा के वक्त बन के बैठ गए और गलती कर ली ठीक है सो इज अ डिफरेंस बिटवीन द दॉरन पॉलिसी एंड द डोमेस्टिक पॉलिसी ओके तो वहां डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ठीक है आप क्वाड बनाया बट क्वाड में कर ही क्या पा रहे हैं एस तो खेल कर गया ना फाइन चलिए 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 ओके okay, आगे बढ़ते हैं चलिए ठीक है अब ये डिस्कशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन ओके गाइस पहली बात तो समझ लीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बस आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द एक्सप्लेन दस मूव फॉरवर्ड ओके बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आई गेस किसी को कंफ्यूजन था सो इट इज अ मूव बाय चाइना टू फॉर द इकोनॉमिकल कनेक्शन ऑफ द बेसिकली द यूरोप विद एशिया विद द यूरोप ओके तो यूरोप और एशिया के बीच में एक इट्स अ काइंड ऑफ अ बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जहां पे ट्रेन के थ्रू और uh, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्रिएट करें जिसके थ्रू ट्रेड uh, हो सके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सके सो दैट इनिशिएटिव इनिशियटिव चाइना एंड इन विद दैट इनिशिएटिव चाइना वॉज ट्राइंग टू सर्कुलेट इंडिया तो भारत के इर्द गिर्द पूरे तरीके से घेरने की कोशिश करें बिकॉज भारत उससे बाहर है ठीक है फाइन चलिए आगे बढ़ते हैं ओके okay, सो so हमने फरीज अकार के बारे में पढ़ा था अब जिससे फटाफट देख लेते हैं कैन गॉन्ड्स बुक के नाम स्ट्रक्चरलिज्म डिफेंसिव रियलिजम ओके सो डिफेंसिव रियलिजम क्या कहता है समझाते हैं वट इज द आइडिया ऑफ डिफेंसिव रियलिज्मिफेंसिव रियलिजम बेसिकली से कंट्रीज ट्राई टू गेन पावर फॉर देयर ओन सर्वाइवल ओके बिकॉज रियलिस्टिक थिंकर सर बेसिकली सेम की एवरी स्टेट ट्राई टू इंक्रीज देअर पावर हर देश को अपनी शक्ति बढ़ानी है हर देश को अपनी शक्ति बढ़ानी है क्यों बढ़ानी है टू सर्वाइव फॉर सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए ठीक है एवरी कंट्री ट्राई टू गेन पावर शक्ति बढ़ाता है क्यों सुरक्षा के लिए डिफेंसिव रियलिज्म okay? जो बेसिकली सुरक्षात्मक सुरक्षा सॉरी सुरक्षात्मक जो यथार्थवादी है जैसे कि कहने एड्स ये कह रहे हैं कि देश जो है अपनी अपनी ताकत क्यों बढ़ाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए ओके दैट्स वॉल द बेसिक आइडिया ओके सो डिफेंसिव रिजम का परस्पेक्टिव स्पेशली सो ही इज रिलेटेड डिफेंसिव रिजम ओके नाउ दैट वॉज द आइडिया ओके इन अपोजिट टू दैट वेन वी टॉक अबाउट जॉन मेयर शिमर ही इज रिलेटेड टू ऑफेंसिव रियलिज्म सो जॉन मेयर शिमर कहते हैं कि

क्या बनना चाहते हैं सर्वव्यापी सर्वोच्च सर्वोच्च सबसे शक्तिशाली राज्य बनना चाहते हैं दैट इज ऑफेंसिव ओके सो ही सीज द रियलिस्टिक द कंट्रीज आर लुकिंग फॉर पावर शक्ति क्यों जिससे आप सबके बाप बन सके ठीक है दुनिया भर के दैट्स द रियलिटी हर कोई चाहता है कोई भी नो कंट्री एंड दैट इज अ रियलिटी आइडिया कोई देश नहीं चाहता कि हम छोटे में काम से लाने भारत का भी सपना क्या है कि वर्ल्ड पावर बनने का ठीक है हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर ले बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी वर्ल्ड पावर ठीक है कभी मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं ठीक है सीधी बात है ठीक है फाइन हाँ जी बिल्कुल ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस क्या बात है Amita, Amita ने बहुत अच्छी बात बोली कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस वंडरफुल यस ओके सो दैट्स व्हाट सपोर्टेड बाय जॉन सो बोथ ऑफ देम आर सेइंग कि पावर इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्टेट ओके एक राज्य जो है शक्ति चाहता है बट क्यों चाहता है ठीक है सो so अलग अलग परिपेक्ष बताए जॉन ग्रीको इज ऑल्सो नियोरिस्टिक थिंकर इज ब्रोट बुक ऑपरेशन अमंगस नेशन एंड ये किताबें याद रखिएगा फ्रॉम कैनिदर्ल्ड मैन द स्टेट एंड वॉर

इस क्वेश्चन से समझ में आ गया किसकी तरफ बढ़ रहे ओके सो वी आर डन विद लिबरलिज्म सॉरी वी आर डन विद मार्क्सिज्म न्यू रियलिज्म न्यू ओके तो पांच पढ़ ली पांच विचारधारा पढ़ ली अब आगे चल रहे हैं थोड़ी सी और विचारधाराओं की तरफ ah, जी मैं सोचा था कि ये क्लास कैसे होगी बट <laughs> पता नहीं चल रहा है कैसे हो रही है जोगेश्वरी डायस्पोरा होता है कि जो विदेशी बाहर रहते हैं जैसे भारत के लोग जाके वहां काम कर रहे थे वो डायस्पोरा कहलाएंगे ना ठीक है या फिर जो इंडियन सिटीजन है वहां जाके बस गए हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली तो दे विल बी कॉल्ड डायस्पोरा कि दे वो हमारे बेसिकली वो भारतीय मूल के लोग हैं ठीक है ठीके? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भारतीय मूल के लोग जो विदेश में जाके रह रहे हैं उनको हम डायस्पोरा बोलते हैं ठीक है ठीके? प्रवासी हिंदी में बोला जाएगा प्रवासी ठीक है जो कि भारत के हैं पर बाहर जाके रह रहे हैं चलिए वेरी गुड वंडरफुल क्या बात है शानदार सो आंसर क्या हो गया वर्ल्ड ऑफ ओवर ओन मेकिंग किसकी किताब है भाई बिल्कुल सही बात है निकोला करेक्ट आंसर वुड बी डी एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ओके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ओके नाउ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का आइडिया कहता है ओके सो दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिव इन द आईआर ओके यहां से एक नया परिपेक्ष निकल के आता है आईआर में और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बोला कि ऐसा है बाबूजी कि अभी तक जो आइडियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक या फिर न्यू रियलिस्टिक इन सब ने जो बातें की है वो गलत है ठीक है सो दे आर सेइंग द वे द आइडलिस्टिक थिंकर और स्पेशली रियलिस्टिक या नियो रियलिस्टिक ओके आइडलिज्म तो इतना नहीं कुछ भी वो तो वैसे भी वही हार चुकी थी विचारधारा बट जो यथार्थवादियों ने नव यथार्थवादियों ने जो बातें कही है दुनिया के बारे में कि दुनिया में ऐसा हो जाएगा दुनिया में ऐसा हो जाएगा अपनी अपनी अपने अपने जान के स्वयं सेवक है बोलते हैं कि अपनी अपनी जान के आप स्वयं जिम्मेदार हैं बिकॉज यथार्थवादियों ने क्या बोला कि अपनी अपनी जान खुद बचाने पर कोई बचाने नहीं आने वाला ओके दैट्स बाय द रियलिस्टिक थिंकर ओके सो यथार्थवादी जब से यही बता रहे हैं कि सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प खुद की जान खुद के हाथ में हर देश को स्वयं को बचाना है अपने अपने हथियार तैयार कर लो कभी भी कोई मार सकता है एवरी कंट्री इज डुकिंग ओके सो ये लगातार बोल रहे हैं यथार्थवादी और नव यथार्थवादी की अरजकता है अरजकता है अरजकता है गाना गा रहे थे ठीक है उनका संकीर्तन चल रहा था कि अरजकता है अरजकता है ठीक है सोशल कंस्ट्रक्टिव ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भाई ठीक है ये आपके दिमाग का कचरा है ओके इट्स जस्ट आप कितनी सुरक्षा पैदा करें हथियार बढ़ाने पड़ेंगे नव यथार्थवादी यथार्थवादी जो बातें करते हैं वो उन्नीस सौ नब्बे के बाद के दशक में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उसको समझा नहीं पाया मतलब दे फेल्ड सो कोई भी विचारधारा कोई भी अप्रोच तब आती है जब पुरानी अप्रोच में कुछ कमियां निकल जाती है ओके सो आर सम इन द लास्ट अप्रोच देन ओनली वी सी ओरिजिन ऑफ ए न्यू अप्रोच ओके नई विचारधारा का क्रिएशन तब होता है ठीक है so सो बस वही बात हुई कि न्यू रियलिस्टिक और रियलिज्म ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं गलत था एंड स्पेशली सोशल कंस्ट्रक्टिव इज सेड कि इट इज विद इन योर माइंड ओके द वे यू आर लुकिंग द वे यू आर गोइंग टू सी जैसे मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं हम क्लास ले रहे हैं ठीक है ठीके?

डिफरेंट पर डिफरेंट चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होगा बोला जो है अनारकी है बट अराजकता का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता ठीक है अराजकता हमेशा नकारात्मक नहीं उसको आप पॉजिटिव भी देख सकते ना पॉजिटिव कैसे मान लीजिए मैं एक देश का नेता हूं ठीक है दो मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं हो गया भारत का प्रधानमंत्री ठीक है मिनट के लिए मान लेते हैं ठीक है कि मैं बन गया भारत का प्रधानमंत्री अब मैंने देखा कि दुनिया में भसड़ चल रही है ठीक है मतलब लड़ाई लड़ाई चल रही है अब या तो हो सकता है कि मैं भी उस लड़ाई का हिस्सा बन जाऊं ठीक है मैं 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 भी उस लड़ाई का हिस्सा बन जाऊं बट सोच सकता हूं कि मैं अगर कुछ ऐसा एक्शन पॉजिटिव सोचू उसमें कि ठीक है लड़ाई चल रही है बट हम इसमें से कुछ पॉजिटिव निकालते हैं वी विल ट्राई टू क्रिएट अ पीस सो इफ वी क्रिएट अ डिफरेंट ऑफ द इमेज ऑफ द वर्ल्ड अगर मैं खुद ही नहीं दुनिया तो नकारात्मक है लड़ाई झगड़ा होना ही है तो मैं भी चलो लड़ाई झगड़ा करते हैं ठीक है सो आप क्या एनआरकी को यू विल फर्दर इंक्रीज एनआरकी बट इफ अ कंट्री एज ए यू नो पीस कैन बी डेवलप्ड होके शांति बना सकते हैं तो शांति बन जाएगी सो दैट्स वॉट सोशल सोशल बैकग्राउंड ऑफ ए कंट्री द आइडेंटिटीज योर सोशल आइडेंटिटीज आपकी सामाजिक जैसे अभी एक बात कही थी ना यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भारत अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसी बच्चे ने बोला कि सर भारत जो है आदर्शवादी देश है और हमारी सभ्यताएं अच्छी हैं इसलिए हम अच्छा बिहेव करते हैं हम चाइना की तरह बिहेव नहीं करते हम दूसरी कंट्री की तरह बिहेव नहीं करते तो यही बात है बस यही सोशल कंस्ट्रक्टर्स बोल रहे हैं कि द वे यू आर सीइंग थिंग्स जिस नजरिए से आप देखेंगे उसी नजरिए से दुनिया देखेगी जो चश्मा लगा के आप देखेंगे वैसा दुनिया देखेगी अगर आप चश्मा आपका गंदा है तो आपको दुनिया गंदी दिखेगी और उस गंदी दुनिया में आप गंदा काम करेंगे अगर आपने अच्छा चश्मा लगा लिया तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी और आप अच्छा काम करेंगे इट मीन कि इफ यू आर सींग दर्ड फ्रॉम द पीस परस्पेक्टिव यू विल फर्दर क्रिएट पीस

कोई सुरक्षा की समस्या नहीं ये हमने मन में बना लिया और इसीलिए कर रहे हैं so, ठीक है. Okay, है अब सिक्योरिटी कैसे बनता है ठीक है आपने देखा पड़ोसी ने एक हथियार बनाया मान लीजिए आप रिएक्ट नहीं करते ठीक है आप भी हथियार नहीं बनाते बट आपने हथियार बनाया तो दूसरा वाला भी सोचेगा उसको भी बनाना है सो आर्म रेस वहां स्टार्ट हो सिक्योरिटी है नहीं द एक्शन तो जैसा आप देख रहे हैं उसके चलते आपने गल, करते हैं आपके भाई दो दोस्त है अपने, अपने बात नहीं करेंगे आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे और अपने मन में सोचते रहेंगे अच्छा ये तो बुरा है तो उसके बारे में बुरा एक्ट करेंगे यू विल एक्ट इनगेटिव मैनर जो एक्ट नेगेटिव करेंगे तो वो भी नेगेटिव एक्ट करेगा और फिर लड़ाई हो जाएगी सो

आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ठीक है भाई दुनिया में कोई एक नहीं है जो सबको मेंटेन करके रखे तो हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है स्वयं जिम्मेदारी से सब 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 लोग जिम्मेदारी से एक्ट करेंगे सो so, सो वहां पर शांति हो जाएगी ठीक है दैट्स द वर्ल्ड ऑफ अवर ओन मेकिंग निकोलस की नाइनटीन एटी नाइन में किताब आती है ठीक है तो इतना सा है कि द सोशल ओके यहां पर सोशल कंस्ट्रक्टिव क्यों क्या है कि द सोशल बैकग्राउंड आप देश का जो सामाजिक बैकग्राउंड है ये जो आइडेंटिटीज है योर कल्चर इन द बिहवियर ऑफ द लीडर्सिव क्या बोला है? है जो संस्कृति है उससे आपके लीडरों का व्यवहार निकल के आता है मोदी वहां जाके पंचमित्र का विचार देते हैं ठीक है पंचामृत का विचार देते हैं ऐसे अलग अलग विचार देते हैं, क्यों बिकॉज वी हैव दैट का बैकग्राउंड ठीक है उन्होंने हिंदुइज्म में बुद्धिज्म में सबसे विचार पढ़े हैंट मैटर ओके बट बट जब जी सिंह जिंग कहीं जाते तो वो अलग तरीके की बात करते हैं बिकॉज उनका अलग बैकग्राउंड रहा है सो दैट्स वॉट सोशल इज नो परमानेंट प्रस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोशल बिहेवियर एंड अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग, 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 अलग परस्पेक्टिव रहेगा ठीक है क्या बोल रहे हैं एक सब एक से हो जाएंगे क्या फर्क रह जाएगा बिल्कुल सही बात है चलिए वंडरफुल वंडरफुल चलिए वेरी गुड ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे चलते हैं सो सोशल कंस्ट्रक्टिव थिंकर्स देख लीजिए एलेक्सेंडर वेल्ड निकोलसोन पीटर एज वेल एज मार्था ओके सो मार्थ आर द फोर इंपॉर्टेंट थिंकर्स दे ऑल आर सोशल कंस्ट्रक्टिव सामाजिक रचनावादी है तो सामाजिक विचार के हिसाब से समाज की व्यवस्था के हिसाब से विश्व की रचना होती है विश्व की व्यवस्था की रचना होती है यह विशेरी बोलना चाह रहे हैं ओके चलिए वंडरफुल स स्ट्रक्च आर डायरेक्टेड बाई द आइडेंटिटी शियर आइडियाज नॉट वाइज वर्ंडरफुल सोनी का वंडरफुल क्या बात है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किताबों के नाम भी लिखे इनकी इंपॉर्टेंट किताब है जो आप वर्ल्ड ऑफ अर ओन मेकिंग ओके निकोल की किताब है कल्चर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्पेशली दिस इज द आर्टिकल वर्ल्ड एनआरकीक्स ऑफ इट इन सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एलेक्सेंडर वेली इंपॉर्टेंट बुक फॉर द एग्जामिनेशन ओके याद रखिएगा ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट बिलोंग टू द क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी इनमें से कौन सा विचारक जो है क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी से संबंधित नहीं है यस वेरी गुड तपस्या ओके सो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी से रिलेटेड नहीं है नॉट पूछा गया ठीक है सो भाई क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी से कौन कौन है बी ठीक है सीधी बात है नहीं नेर है सो आंसर विल बी लॉरा जोबर्स ओके सो लॉरा सोबर्स जो है शी बिलोंग्स टू बेसिकली फेमिनिस्ट प्रस्पेक्टिव ओके सो फेजर रॉबर्ट कॉक्स एंड एंड्रू लिंक दे ऑल आर फ्रॉम द क्रिटिकल पर ओके चलिए सो नाउ वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी ओके वट इज क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी ओके नाउ अब जरा थोड़ा समझ लेते हैं कि बिकॉज लास्ट टाइम वैन डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ओके जब स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ रहे थे तो कुछ लोगों को दिक्कत थी कंफ्यूजन थी कि वॉट आर द स्ट्रक्चरल थिंकर एंड क्रिटिकल थिंकर्स आप नाम ले रहे थे ओके सो इन द क्रिटिकल थिंकर्स स्पेशली इन द अगेन पॉलिटिकल थ्योरी ओके वेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी परसपेक्टिव जब हम यूनिट नंबर वन की बात करते हैं सो क्रिटिकल थ्योरी में आते हैं मार्क्स मार्क्सर कमर ओके थियोडर एडरो

क्लासिकल आइडिया ऑफ मैनुफैक्चरिंग द कंसेंट एंड क्रिएशन ऑफ कॉमन सेंस आर दाइवन फ्रॉम द क्रिटिकल थ्योरी ओके सो मेजरली वट वॉज देर पर इंटरनेशनल रिलेशन ओके सो अगेन दे आर बिकॉज इट्स क्रिटिकल थ्योरी सो दे आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ऑफ आई आर सो जो आई आर में यथार्थवाद का विचार है उसका विरोध करते हैं यह भी

वो रियलिस्टिक थिंकर है चाहे आइडलिस्टिक थिंकर है लिबरल थिंकर है बोथ ऑफ देम टॉक्ड अबाउट पावर बोथ ऑफ देम टॉक्ड अबाउट कैपिटल पावर कैपिटल दोनों ने सपोर्ट किया ठीक है किसी ने रिजेक्ट नहीं किया एंड दैट्स व्हाट क्रिटिकल थिंकर्स आर सेइंग क्रिटिकल इंटरनेशनल थिंकर्स आर कि द एक्सप्लॉयटेशन Okay, तो तो okay? कि कि किसके पास सत्ता है किसके पास क्या है बट कोई इसकी बात क्यों नहीं कर रहा कि शोषण भी तो हो रहा है भाई। इस, इसके से कौन देखेगा दुनिया को कि जो शोषण तंत्र बना रखा है आपने उसके नजरिए कौन देखेगा प्रॉब्लम so

पूरा है ठीक है आप लीबिया चले जाइए आप सीरिया चले जाइए किसी देश में सिविल वॉर चल रहा हो अमेरिका उसका फायदा ढूंढता है कि चलो घुसते हैं और घुस के दोनों पार्टी को हथियार बांटता है ठीक है तो अमेरिका की पॉलिटिक्स क्या है कि किसी भी सिविल वॉर में घुसेगा दोनों पार्टी को हथियार बांटेगा ठीक है एक को डायरेक्टली एक को इनडायरेक्टली एक को ब्लैक चैनल के थ्रू एक को डायरेक्टली ठीक है दोनों को बोलेगा लड़ो अब वो लड़ेंगे देश बर्बाद हो जाएगा ठीक है अब देश बर्बाद होगा फिर बोलेगा देखो अब हम चौधरी हैं हम यहां सरकार बनवाएंगे हमारी इच्छा की सरकार बनेगी और तेल हम चुरा ले जाएंगे बस यही हुआ भले वो इराक था वो भले आपके उसके आप, आप लीबिया की बात करें तुमशिया की बात करें जहां की बात करें सब जगह करवाया ठीक है सो दैट्स व्हाट दीज क्रिटिकल थिंकर्स आर सेइंग कि इंटरनेशनल ऑर्डर को बर्बाद तो इस हैजीमन ने कर रखा है कहने के लिए हेजीमन ने अफगानिस्तान को सबको पता है अफगानिस्तान की हालत की है हिंदी में जहां समझाइए तो अभी कौन सी भाषा बोल रहा था मैं उर्दू बोल रहा था क्या यार ऐसी बातें मत किया करो मुझे दुखी दुखी हो तो हो मैं हिंदी में ही बात कर रहा मत इतनी ज्यादा हिंदी और कितनी ज्यादा हिंदी बोलू ठीक है <laughs> इसके बाद संस्कृत बोलनी पड़ जाएगी चलिए सो क्रिटिकल थ्योरी में बेसिकली थिंकर्स ये कह रहे हैं कि uh, जिस प्रकार से जो वर्षस्ववादी व्यवस्था है जो अमेरिका की वो कैसे दुनिया को परेशान कर रही है दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन स्पेशली रॉबर्ट कॉक्स जो है एंड्रू लिंकलेटर जो है उन्होंने अमेरिका के आधिपत्य की प्रक्रिया को समझते हुए और जिस प्रकार का शोषण हो रहा है ठीक है उसका अध्ययन किया कि हाउ दिस हेजमेनिकल सिस्टम ओके जो अमेरिका का हेजोनिकल सिस्टम है वो किस प्रकार से दुनिया को समझा रहा है परेशान कर रहा है चलिए वेरी गुड वंडरफुल ओके चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखिए क्रिटिकल थ्योरी से एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आता ओके अगेन आई एम रिपीटिंग समझ में आया भी हो तो ठीक है नहीं समझ में आया तो इट्स नॉट गोइंग टू बी बड़ी प्रॉब्लम ओके okay? अच्छा पढ़ता पढ़न पढ़ता सबने पढ़ी बचपन में पढ़ी होगी ठीक है चला बालक बालिका क्या हुँ, हुँ, क्या वैसा कुछ बोलते ओके सो क्रिटिकल थ्योरी से जाएगा बट जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ थिंकर्स रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी फेजर इज ऑल्सो थिंकर ऑल्सो ऑल द बिलोंग टू थ्योरी ओके तो है क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते हैं और साथ साथ थिंकर भी है बस थिंकर के नाम याद कर लीजिए नथिंग मोर देन दैट ओके यहीं से क्वेश्चन बनेगा इसके अलावा कुछ नहीं ओके सो इन द एग्जामिनेशन मैक्स इतना ही होगा ठीक है खाना सोनम अब क्लास के बाद होगा अब खाना बीच में खाने का कोई लॉजिक नहीं होता पहली बात तो खाना यहाँ है भी नहीं घर पे है तो अभी चलता रहेगा मेरे पास है चिप्स की व्यवस्था यार आइडिया अच्छा दिया आपने थैंक यू सोना याद दिलाने के लिए मैं बताऊं चिप्स लेके आया था कि बीच में तीन घंटे पांच घंटे पढ़ाना है तीन घंटे हो ही चुके हैं आप चिप्स खाते जाएंगे ठीक है चलिए थक गए क्या आप लोग अच्छा बताओ कौन कौन थक गया है चलिए थकान में मिटाने की व्यवस्था करता हूं चलिए ओके okay. अरे जे आर एफ बूस्टर कोर्स के बारे में सबको पता है ना चलिए पहले थिंगर्स के नाम पढ़ लीजिए यहां पे जिसको जेआरएफ बूस्टर के बारे में नहीं पता है वो याद रख लीजिए कि आपके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर जे आर एफ बूस्टर कोर्स है जिसमें यूनिट वाइज पूरा आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू हुआ हुआ हाँ बहुत देर से फाइव मिनट ब्रेक नहीं हुआ है <laughs> मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया किसी को खाना तो खा लो भाई <laughs> <laughs> अच्छा मोटिवेशन भी चले आगे बढ़ते हम्म पढ़ाई करना है यार बहुत कुछ बताया हूँ चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच इन करेक्टली इनमें से कौन सा गलत मेल है जल्दी बताइए भाई सिंथिया एलवाय मार्गेट वेल्सोन जोशवा गोल्डस्टीन एज वेल एज एन टिकनर हम्म कमॉन इसलिए तो बच गया ऑफलाइन बहुत अच्छा लगा यार खाके जान से आ गए थोड़ी सी बिल्कुल सही बात है अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ हिंदी ट्रांसलेशन में सही बोला है हैं अच्छा हाँ ठीक है इसको करिए इग्नोर किताबों के नाम इसलिए भाई मैं जान मुझे किताबों को बोलता हूं इंग्लिश में याद करो बिकॉज किताबों का नाम हिंदी में करे तो कर, कर, कचरा हो जाता है एंड एंड लॉय बीचेस बेसिस मार्केट जेंडर इन द इंटरनेशनल रिलेशन एंड जेंडर इन वॉर एज वेल एज एंड इग्नोर जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स ओके तो कौन सा गलत है यार आप लोगों ने आंसर सही नहीं दिया ओके चलिए लेट मी करेक्ट इट भाई इंग्लिश में पढ़ लो क्वेश्चन को ठीक है

We can take a break. वैसे आफ्टर समटाइम वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक ओके सो यू guys कैन also arrange सम स्नैक्स और फूड एंड समथिंग लाइक दैट ओके तो अगर कुछ खाना पीना है तो मंगवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अभी बस पांच मिनट बाद अभी थोड़ा सा ब्रेक लूंगा मैं टेंशन मत लीजिए ये तो अभी शॉर्ट ब्रेक था चलिए वंडरफुल यस यस सो दिस जेंडर and इंटरनेशनल रिलेशन इज अ बुक बाय टिकनर ओनली एंड टेक्नर की किताब ही है एज वेल एज दिस इज जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स इट इज पॉलिटिक्सो बुक ओके सो दिस इज रॉन्ग ओके बी इज द आंसर ओके बी वन इज द आंसर बाकी जोशवांग की जेंडर इन वॉर एवरीथिंग इज फाइन ओके सिर्फ यह किताब गलत है ठीक है वंडरफुल अच्छा कुकिंग एंड डिनर में बिजी हो गए थे राजवीर चलिए कोई बात नहीं राजवीर जो छूटा है वो बीच में कवर कर लीजिएगा नाउ वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट द फैमिलिजम ओके नारीवाद के बारे में बात करेंगे बस दो विचारधारा और उसके बाद

ठीक है डिफेंस हुआ बैलेंस ऑफ पावर हुआ दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग मेल कैरेक्टर तो आर आर कि एक्चुअली मेल <laughs> ये क्या है ये कलेसी है ठीक है इन सिंपल लैंग्वेज द फैमिले थिंकरली सेंगे मेल आर लाइक दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर ओके कलेश करते हैं ये हमेशा लड़ने को तैयार है ओके okay? इनको किसी को कुछ करके दिखाना है ओके okay? ये इनको कहीं पे अपना हक जताना है ओके सो दैट्स द इंटरनेशनल मेल फाइट द वॉर बट द डिसडवांटेज फेसन तो नारीवादियों ने बोला कि देखिए युद्ध तो पुरुष लड़ते हैं परंतु उसका नुकसान उससे ज्यादा जो विक्टिम है वो महिलाएं होती है ठीक है फाइन कितनी जगह जाके जब युद्ध लड़ने के बाद जब वो सैनिक जाता है तो वो रेप करता है दूसरे देश के लड़कियों का ठीक है ये बहुत गंदी प्रथा है बेसिकली प्रथा नहीं तो एक बिहेवियर है जो कि वर्ल्ड वॉर में भी हुआ ठीक है तो वर्ल्ड वॉर को जब हम याद करते हैं तो वर्ल्ड वॉर में सिर्फ हम ये याद करते हैं कौन जीता कौन हारा फेमिनिस्ट थिंकर बोलते हैं कोई याद नहीं करता कि महिलाओं के साथ क्या हुआ था जब एक देश और स्पेशली अगर आपको पता हो यूरोप में

उनकी जो महिलाएं हैं उनकी जो पत्नियां हैं, वो किसी और के साथ संबंध न बना ले और बिकॉज वो लड़ने जा रहे हैं तो क्या घटिया काम ने, की है। तो like, में तो नाम की भरोसा ही नहीं होता कि इंसान सभ्यता नहीं असभ्यता हमने क्रिएट की है ठीक है तो दैट्स वॉट दे आर एक्सपोजिंग ऑन अलॉन्ग प्रोस्टिट्यूशन हाउस जहां जहां युद्ध हुआ है वहां बगल बगल में आपके कोठे खोले गए हैं प्रोस्टिट्यूशन हाउस खोले गए हैं सो देट्स वॉट कि थिंकर कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बना रखी है कौन सी व्यवस्था है जहां पे एक जो है शोषण कर रहा है दूसरे का शोषण हो रहा है सो देर सेइंग कि वीमेन नीड टू प्ले अ रोल महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दीजिए दुनिया अच्छी हो जाएगी ओके okay? थिंकर्स ने बोला कि महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हिस्सा दीजिए उनको उस चर्चा का हिस्सा बनाइए उस डिस्कशन का हिस्सा बनाइए द वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस ओके सो उन्होंने ये बोला कि दुनिया बहुत बेहतर व्यवस्था होगी बहुत बेहतर जगह होगी ठीक है और ये सब चीजें ठीक चीजे करने वाली बात नहीं रंजन ये सब हुआ है बहुत गंदा हुआ है अगर आप लोग किताब को जाके पढ़िएगा ये जो किताब है सिंथी एलोय की बनानास बीचेस एंड बेसिस उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि रूह कब जाएगी ईमानदारी से ठीक है मैंने बेसिकली मेरे मास्टर जी ने वो किताब पढ़ी थी एंड आई वाज लिटरली लाइक यार रियली वी आर सिविलाइजेशन हम लोग सभ्यता हम लोग सभ्यता के नाम पे कलंक है यार मतलब वी ऑल ह्यूमन ह्यूमैनिटी ओके वी टॉक अबाउट लिबर्टी इक्वालिटी एंड मल्टीपल थिंग्स बट वी आर लिटरली अ शेमफुल पीपल जानवर हमसे अच्छे होंगे ठीक है हम लोग जानवरों से भी बदतर है लिटरली ठीक है अगर सच्चाई देखी जाए जो हम ग्रेट पावर बोलते हैं ना कि अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस दीज आर ग्रेट पावर सो लाइक देर इज नो ग्रेटनेस इन देयर एक्चुअली ओके देर इज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी देर ओके फाइन सो मैक्स मैन मेक्स वॉर बिकॉज वॉर मेक्स मैन ओके सो एस टी ने स्टेटमेंट दिया कि पुरुष युद्ध इसलिए करते हैं बिकॉज उस युद्ध से ही उनकी पहचान है विक्ट्रीज ओके दे फील प्राउड अबाउट दमसेल्फके दे गेट आइडेंटिटी इन द सोसाय योद्धा था यह महाना था दिस इन दैट ओके सो दर वुमेन्सिया ने क्या बोला कि हु आर्स द क्वेश्चन कि उन्होंने सवाल किया कि महिलाएं कहां है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महिलाओं का भी तो जगह होनी चाहिए प्रॉब्लम इट इज बिकॉज द मेल आर डोमिनेटिंग ओके जितने भी युद्ध हुए हैं जितनी परिस्थितियां हुई सिर्फ इसलिए बिकॉज मेल आर इन पावर दर इज अ पेट्रियर एट द इंटरनेशनल लेवल ओके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बनानास बीचे बनानस बीचे बनाना बीचे एंड बेसेज बहुत फेमस किताब है एग्जाम में कई बार पूछी गई मिल जाएगी आपको इजिली किताब इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा एंड सिंथियन लॉय ने जो प्रस्पेक्टिव दिया वो मेन इट क्रिएटेड अव परस्पेक्टिव इन द आई आर एक्चुअली ओके क्योंकि वर्ल्ड वॉर की जब स्टोरी पढ़ते हैं कोई भी किताब लिखता है कोई भी ऑथर सब बताता है किसने किस पे युद्ध किया कौन जीता क्यों कौन हरा ओके दे टॉक अबाउट बैटल्स बट अलॉन्ग प्रोस्टिट्यूशन हाउसेज आर हैपनिंग ओके कि जहां जहां उन्होंने क्या बोला कि जहां जहां, जहां बेसिकली बेसिस बनेंगे जहां जहां मतलब इसीलिए किसी भी युद्ध के लिए बेस बनाए जाएंगे वहां पे बीचेस एज वेल एज

सो दैट्स वॉट बेसिकली जहां जहां बेसिस होंगे मिलिट्री बेसिस होंगे उसके साथ में पैरली विमेन एक्सप्लोर्टेशन हो रहा होगा वहां पे ओके सो दट वॉट देश दर्सपेटिव ओके चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो वर्ड एक सिंबॉलिक वर्ड है क्या नाम है आपका रंजन जी एक सिंबॉलिक वर्ड है आप समझ जाएंगे बनानास से क्या कहना चाह रहे हैं वो ठीक है फाइन चलिए आई आर के जो थिंकर जो फेमस थिंकर इंपॉर्टेंट थिंकर उसके बाद एंड टिकनर इज फेमस फॉर रिफॉर्मेटिंग दिक्स प्रिंसिपल ऑफ मॉर्गेन था मॉर्गेनताओ ने छह प्रिंसिपल दिए उसका रिफॉर्मेशन किया है किताबों के नाम है सबके मेजरली मेनली स्टेट द ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर फैमिलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन ओके देन देर आर बुक्स लाइक सिंथियल लॉय बनाना बीचेस एंड बेसेस कैरॉल को

<laughs> जो शायद तक आपको देश के खिलाफ या देश की की गलतियों के बारे में कभी सरकार नहीं बताएगी आपको ठीक है सो दैट द कंट्रोल ऑफ द नॉलेज इज द कंट्रोल ऑफ द पावर ओके फाइन तो इसीलिए पोस्टमार्टम काम करता है सो so यहां पर आंसर क्या होगा रिचर्ड एचली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडियन आर्मी के बारे में सो डोंट टेक इट अदरवाइज रंजन कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं इंडियन आर्मी की बुराई कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्पेसिफिक पीपल

नहीं पॉवर्टी ऑफ एक मिनट से सर नहीं रिचर्ड एशली की नहीं है भाई वो पॉवर्टी ऑफ न्यूरिलिज्म दिस इज द बुक बाय रिचर्ड एशली ओके चलिए चलिए ओके फाइन लेट्स मूव फॉरवर्ड सो द पॉवर्टी ऑफ न्यूरिलिज्म दिस इज असिकली बुक बाय ओके सो नाउ व्हाट इज द पोस्ट मॉडर्न पर्स्पेक्टिव अगेन इट इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड आइडिया ऑफ आईआर एक्चुअली ओके इट्स जस्ट अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बट इट इज एड टू द आईआर परसपेक्टिव आल्सो ओके तो बहुत विकसित विचार नहीं है उत्तराधुनिकता का जो कि आईआर में अप्लाई होता है उत्तर आधुनिकता का विचार बेसिकली पोलिटिकल थ्योरी और पोलिटिकल फिलोसफी से बिलोंग करता है ठीक है राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांतों से बिलोंग करता है पोस्टमार्टम बट उसको उस नजरिए से आप अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को भी देख सकते होके फ्रॉम द सेम प्रस्पेक्टिव बिकॉज अगेन दे आर क्लियर देर इज नो ओके okay. कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है ट्रूथ इज कंट्रोल बाय द पावर ट्रूथ जस्ट रिप्रेजेंट द पावर एंड कंट्रोल ऑफ नॉलेज ओके सो पोस्टमार्टम थिंकर्स क्या बोलते हैं कि भाई कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता और अगर कुछ ट्रूथ बन चुका है कोई भी चीज सत्य हो चुकी है जैसे कि द रियलिस्टिक थिंकर सेज की वर्ल्ड इज एनआर की

ये सभी जो नए विचार हैं जैसे हम व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ओके क्रिटिकल थ्योरी फेमिनिस्ट थ्योरी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी ओके ये जो चार हमने अभी आखिर में पढ़ी कहां से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म उसके बाद आपका फेमिनिज्म क्रिटिकल थ्योरी और ये पोस्ट ओके okay? ये चारों जो है दे बिलोंग टू द पोस्ट पॉजिटिविस्ट आइडिया ओके इन द पॉलिटिकल फिलोसफी ओके राजनीतिक विचारधारा में

poverty of neorealism living on the border lines okay so these are the few thinkers those who can be related to the ir theory okay because see right now we are studying the postmodern from the ir perspective because वैसे अगर normally बात करेंगे postmodernism की तो क्या आता है आपके माइकल फूको है ठीक है माइकल फूको देन लाइक डेकर्ट से देयर बेसिकली देयर एज वेल एज देयर मीसेस देयर ओके सो ऑल दीस आर पोस्ट मॉडर्न थिंकर इन द पॉलिटिकल थ्योरी ओके फाइन ट वेन वी आर टॉकिंग्रम द आई आर पर जब हम पोस्ट को आई uh, आर से देखेंगे सो वहां पर एक ही नाम आता है स्मॉल ब्रेक चलिए अब फाइनली <laughs> पिछली बार हम लोग ब्रेक नहीं ले पाए थे यू गाइज कैन ऑल्सो रिलैक्स एंड थोड़ा पानी वानी पी लो ओके गाइस चलिए मैं आ रहा हूं जस्ट अ सेकंड ठीक है कोई जाइएगा नहीं अभी ओके गाइस आई एम कमिंग इन टू मिनट्स ओके जस्ट गिव मी टू मिनट्स ओके हाँ दो आवर्स बाकी नहीं बचे अब तो बस मुश्किल से मुश्किल आपके पास एक डेढ़ घंटा ही बचा है बस डेढ़ घंटा तो फटाफट निकल जाएगा ठीक है चलिए यही रहिएगा कहीं जाइएगा मत क्लास के बाहर खड़े रहना दो मिनट के लिए मैं पानी लेके आ रहा हूँ वहां से क्लास लाइव है एक्चुअली अभी ठीक है किसी को अंदर घुसने मत देना बस ठीक है ओके एवरी वन एम बैक जी हम ठीक बोले चो क्या बोल रहे हैं भाई गाइस टेक द स्नैक्स ओके हाँ जी भाई थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो कुछ कुछ एंड <coughs> जो भी न्यूज फ्रेंड्स है प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम पेजेस आल्सो ये लिखा हुआ है प्रद्युमन सर की पॉलिटिकल शाला टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं प्रद्युमन त्रिपाठी सर टेस्ट बुक ओके देर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ओके रोशनी वैसे पब्लिक चैनल है लिंक मैं अभी ऐसे नहीं दे पाऊंगा आपको वैसे क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि जहां से मैं आपको लिंक दू आ, मैं वैसे डाल देता हूं लिंक जस्ट गिव मी सेकंड ठीक है चलिए की आते जाइए पानी पी 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 के थोड़ा सा भी बस बचा है थोड़ा सा और बचा ज्यादा नहीं आई कैन सी अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी है ओके मैं आपको लिंक डाल रहा हूं शेयर कर रहा हूं यूट्यूब पे लीजिए भाई लाइव चैट में लिंक गया टेलीग्राम का लिंक चलिए टेलीग्राम का लिंक मिल गया सब सुनाई देगा तो सब सुनाई देगा ही ना भाई आवाज तो आएगी <laughs> माइक चालू है हां जी माइक चालू है तो आवाज तो आएगी ना क्या दिक्कत है हाँ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बस ज्यादा नहीं रहता ठीक है सब पढ़ाएंगे नहीं पेपर फर्स्ट की क्लास नहीं है हाँ जी बिल्कुल वेरी गुड चलिए वंडरफुल सो so, दोस्तों कंटिन्यू करते हैं बाकी सारे बच्चे वापस आ चुके हैं <laughs> सोनी का बोले सर कौन सा चिप्स है सही में यार बहुत बचाए है लिटरली काफी ज्यादा दिया है इतना <laughs> होता नहीं चेप्स में ये हल्दीराम का हल्दीराम का पुदीना ट्रीट अरे सस्ता वाला है पंद्रह का है बीस का नहीं है ओके okay. चलो भाई शुरू तो करें हाँ मोटिवेशन शुरू करेंगे ठीक है अब इतना लंबा वक्त आपने गुजार लिया है ढाई घंटे आप मेरे साथ बैठे हैं ढाई घंटे कह रहे तो साढ़े तीन घंटे हो गए ढाई घंटे नहीं मैं गलत बोल रहा हूं थ्री आवर्स थर्टी मिनट्स एंड वेरी पीसफुली गाइज मैंने बहुत अच्छी बात आप सभी का मैं थैंक यू बोलूंगा कि जिस शांति के साथ जितनी प्यार के साथ आप लोग क्लास में बैठे खुश है इतना है स्टार्टिंग थोड़ी कम जरूरी है बट फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ टू फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स आर समथिंग यूज और आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा और क्लास में बहुत शालीनता से बैठे सबसे इंपॉर्टेंट बात कचरा नहीं हो रहा है क्लास में सो थैंक्स फॉर लाइक फॉर यू गाइस ओके और अब एक डेढ़ घंटे का रिकल्पन है ठीक है डेढ़ घंटा और बचा है तो एक बस एक मोटिवेशन का स्टार्ट करेंगे कि संघर्ष से डरने भाग भागना नहीं है तुम्हें ठीक है बहुत प्यारी बात है कि संघर्ष से डर कर भागना नहीं है तुम्हें डर से भाग कर जीना नहीं है तुम्हें ठीक है संघर्ष से डर कर भागना नहीं है तुम्हें और डर से भाग कर जीना नहीं है तुम्हें लड़ोगे तो शायद जीत जाओगे लड़ोगे तो शायद जीत जाओगे मगर जीत से पहले रुकना नहीं है तुम्हें ठीक है so, सो आज रुकना नहीं है अभी डेढ़ घंटे और पढ़ेंगे और आई खत्म करेंगे ठीक है चलिए कमॉन हाउस एक बार कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए हाई सर ठीक है कमॉन गाइस मेरे में इतनी एनर्जी यार अभी तो मैं तो खड़ा हूं आप लोग तो बैठे बैठे देख रहे हो गे कमॉन सो हाउस सो संघर्ष से डरना नहीं है किसी को खाना भी खा लिया वेरी गुड मीशा क्या बात है चलिए ओके तो स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत कुछ पढ़ना मैं है मैं चाहता नहीं कि मैं क्लास को <coughs> बिना कंप्लीट बिकॉज जितनी पीपीटी में लेके आया हूं पूरा पढ़ाना चाहता हूं मैं ठीक है चलिए चलिए वंडरफुल और एक बार जल्दी शेयर भी कर दीजिए इसी बात पे जो कुछ बेचारे यहां वहां चले गए हैं उनको एक बार बुला लो कि आ जाओ यार थोड़ा सा और ठीक है जस्ट क्विकली इन्वाइट योर फ्रेंड्स ऑल्सो ठीक है एक बार बोलो कि जल्दी से आ जाओ यार ठीक है डेढ़ घंटे की बात और है क्यों किसी का नुकसान हो ठीक है जो बिकॉज थोड़ा सा कभी कभी ना सब पीछे से धक्का मारना पड़ता है हमको सबको जेआरएफ निकालना है ठीक है तो जो चले गए हैं आप यहां वहां आपको किसी को दोस्त याद आ रहा है कि आपका नहीं दिख रहा है उसको जरा आवाज लगा दो कि आजा भाई थोड़ा और पढ़ लेते हैं ठीक है चलो कम ऑन ओके सो अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज ओके सबसे पहले बात करते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल सो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज सो सबसे पहले जेनेवा का प्रोटोकॉल क्या है नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में क्विकली हम फटाफट पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन के द ट्रीटी प्रोहिबिटेड द फर्स्ट यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन ओके तो जेनेवा प्रोटोकॉल से क्या हुआ रासायनिक और जैविक हथियारों का उपयोग करना प्रतिबंध कर दिया गया ठीक है बस इतनी सी बात रखनी है है ठीक जेनेवा प्रोटोकॉल तीन चीजें जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन यूज ओके यूज प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन कैन बी डन ठीक है मजाक देखिए आप कि बनाओगे तो उपयोग तो करोगे ना सीधी बात है ठीक है फाइन सो

ये एंटार्टिका ट्रीटी हुई कि वी नीड टू मेंटेन एक प्रकार से असैनिक okay? मतलब सेन, सेना से अलग वहां पे जाके युद्ध नहीं करना है, मतलब उसको बर्बाद नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट ओके okay, एक क्वेश्चन आता है इन विच ईयर पार्शियल अटैचमेंट ट्रीटी वॉज साइंड चलिए बता दीजिए सबको पता आंसर पार्शियल अटैचमेंट ट्रीटी कब हुई है जेआरएफ और ग्लूकोज डेफिनेटली फाइन सो नाइनटीन सिक्सटी थ्री ओके आंसर वेरी गुड एवरी वन सो पार्सल टेस्बेंट ट्रीटी नाइन सिक्सटी थ्री चलिए जान लेते थोड़ा थोड़ा सबसे पहले पीटीपीटी पार्शल टेस्बें ट्रीटी नाइनटीन सिक्सटी थ्री ओके इट बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन एटमोस्फियर आउटर स्पेस एंडर वॉटर एक्सेप्ट फॉर द कंडक्टेड अंडरग्राउंड ओके तो यह क्या कहती है कि आप जमीन के अंदर फोड़ लीजिए हवा में मत फोड़िए पानी के अंदर मत फोड़िए और आकाश में मत फोड़िए ठीक है सीधी बात है एक्सप्लोर वेपन explode, explode okay? आप परमाणु बम का टेस्ट जो है वो स्पेस में नहीं कर सकते अंतरिक्ष में नहीं कर सकते हवा में नहीं कर सकते पानी के अंदर नहीं कर सकते जमीन के अंदर कर सकते हो ठीक है देर वॉज अ ट्रीटी देन देर वॉज अ आउटर स्पेस ट्रीटो अगेन सिमिलर टू द एंटार्टिका ट्रीटी ओके जैसे कि एंटार्टिका ट्रीटी वैसे ही आउटर स्पेस ट्रीटी अगेन प्रोहिबिशन ऑफ द वेपन ऑफ मासन ऑन दहा अंतरिक्ष संधि क्या है कि स्पेस में हम लोग वेपन नहीं लगाएंगे सीधी बात है ठीक है दुनिया ने बोला कि भाई स्पेस किसी एक का नहीं है ठीक okay? uh, like, uh, like, okay? है स्पेस इज फॉर एवरी वन ओके इट्स कॉमन रिसोर्स कॉमन लाइक इट्स ग्लोबल कॉमन ओके एक वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल कॉमन सबका है वो सो so, जो कि पूरे दुनिया के लिए है तो इसलिए वहां पे हम कोई वहां पे मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे वहां पे कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है इंस्टॉल नहीं करेंगे बिकॉज देर वॉज अ टाइम पीरियड वेन द यूएस एज वेल एस यूएसएसआर दे वर थिंकिंग अबाउट इंस्टॉलिंग सम सैटेलाइट और वी कैन से सम वेपन ऑन द स्पेस सो दैट दे कैन डायरेक्टली अटैक ऑन अ ऑनर कंट्री ओके तो वो ट्राई चल रहा था बट उस पर फिर फाइनली ये ट्रीटी हुई कि ऐसा नहीं किया जाएगा चलिए फाइन सो आउटर स्पेस प्रोहिबिशन ट्रीटी है Uh, उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट नॉन प्रोफेसिटी एनपीटी एट ओके सो परमाणु अप्रसार संधि ओके वेरी फेमस सबको पता है चलिए सो लिमिट न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव क्या था कि परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना है सीमित करने का उद्देश्य था द फाइव न्यूक्लियर वेपन स्टेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट एग्री अपॉन नॉट ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी स्टेट ओके इन पांच देशों ने ओके ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस सॉरी सॉरी ब्रिटेन अमेरिका यूएसए चाइना रशिया फ्रांस दे हैव डिसाइडेड ओके दीज फाइव कंट्रीज डिसाइडेड दी फाइव दे डिस वी विल नॉट शेयर न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी विद एनी अदर कंट्री ओके हम किसी और को नहीं देंगे ओके फाइन सो देट वॉज द एनपीडी ट्रीटी ओके चलिए स्टेट्रीड टू सीक द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक् वेपन टू सीक मतलब ये न्यूक्लियर वेपन का विकास नहीं करेंगे गैर परमाणु रहेंगे और जो परमाणु है वो परमाणु खत्म का ठीक है परमाणु वाले अपना हथियार खत्म नहीं करेंगे गैर परमाणु वाले हथियार बनाएंगे नहीं खत्मेंट इट्स स्टिल एग्रीमेंट ओके टू मेंटेन द स्टेटस क्योंकि स्टेटस क्यों बनाया जाए कि जो हो चुका है उतना ही उससे आगे परमाणु का विकास नहीं होना चाहिए ठीक है

इंडिया ऑलो सेट की स्टेट बट ये पांच जो कंट्रीज है वो बोल रहे हैं किन खत्म करके तुम्हारे पास एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट ज्वाइन करेंगे इंडिया ने कहा हमको नहीं ज्वाइन करना डिस्क्रमनेटिंग फाइन चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्ट वन ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन होम चलिए बहुत आसान से सवाल है सोल्ट वन ट्रीटी ट इज न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यस दिस इज द क्लास फॉर पेपर नंबर टू पोलिटिकल साइंस सस्ते ना जी पोलिटिकल साइंस पोलिटिकल साइंस की क्लास है यू जी सी नेट ठीक है चलिए आंसर क्या होगा चलिए बिल्कुल सही बात है सॉल्ट ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर नॉट रशिया ओके बिकॉज एट दैट एटलेट प्रिफर वॉज नो रशिया उस वक्त में रशिया नाम की कोई चीज नहीं थी मतलब सोवियत यूनियन था एक्चुअली ठीक है रशिया नाम के मतलब ठीक है सो द ट्रीटी वॉज सॉल्ट वन ठीक है सॉल्ट वन वॉजली बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन एग्रीमेंट 1972 ओके सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड आल्सो ओके ऑल्दो दे आर आर्च राइवल्स ओके यूएसए ओके तो कोल्ड वॉर के वक्त में अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने आप में विरोधी थे बट फिर भी दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड दे आर ट्राइंग टू साइन ट्रीटी फॉर बोथ ईच अदर सेफ्टी बिकॉज देर इज अ क्लॉज ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन ओके दोनों के पास एक दूसरे को बर्बाद करने के हथियार थे So that's why they thought ki, लड़ना बेहतर किसी के पास है ठीक है सो द्यूचुअल एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन के दोनों का नुकसान हो सकता है इसलिए दे स्टार्ट लिमिटाइजिंग देयर वेपन एंड एवरीथिंग की इसको हम लिमिटाइज करते हैं सो दैट्स वाय स्ट्रेटेजिकेशन ट्रीटिव साइड फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन सुपर पॉलर दैट लिमिट सो इट वॉज द फर्स्ट एग्रीमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम पीरियड कोल्ड वॉर के वक्त में जब शीत युद्ध चल रहा था तब पहला एग्रीमेंट हुआ स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी इट इंपोज लिमिटेशन ऑन द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ यूएस एंड ओके तो अमेरिका के और सोवियत यूनियन के परमाणु क्षमता पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई कि उसको लिमिटेड किया बिकॉज दिस आर स्ट्रेटेजिक आर्म्स ओके ना न्यूक्लियर वेपन क्या है इट चेंजेस द द सिनेरियो ऑफ योर पावर स्ट्रक्चर ओके दे आर स्ट्रेटेजिक वेपन ओके सो स्ट्रेटेजिक वेपन का जो यूज है उसको हम लिमिटाइज करेंगे एंड लिमिटेड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू

जो चांसेस है वो बढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? उसके लिए थोड़े से गर्माहट पैदा कर रहे हैं जब जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट होती है एक आक्रोश बढ़ता है कि हम हाँ, हम मार सकते हैं ठीक है थीके? जब जब इंडियन की गवर्नमेंट ओके okay, आपने कभी देखा होगा ये होता है सब जगह जब जब इंडियन गवर्नमेंट कोई नई मिसाइल लाती है फिर टेस्ट करती है सो इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ प्राउड दैट इज क्रिएटेड अमंग द पीपल दैट इज अ गुड थिंग देश के लोगों में जोश जागता है कि हमारे पास शक्ति आई है बट पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो पर कई लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते कुछ तो समझते हैं कि है है बट हो सकता है कि उसका कुछ दुरुपयोग कर लिया जाए कि कल के दिन ट्राई टू लिमिटाइज प्रोडक्शन एंड ओके सो समीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और उसके बाद इंटर अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बस पता है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स को लिमिटाइज करना ठीक है इन शॉर्ट ट्रीटी वॉज टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म्स, ओके कि जो आ, आप बोल सकते हैं सामरिक या फिर जो रणनीतिक हथियार हैं, उनका उप, उ, जो उत्पादन है वो कम कर दिया जाए दोनों ने डिसाइड किया वेपन so है, है, है ठीक है न्यूक्लियर वेपन तो क्या है जो वॉर है तो उसको पहना दिया जाता है ठीक है उसको लेके कौन जाएगा न्यूक्लियर वेपन अपने आप थोड़ी चल के चले आता उसको ले जाने के लिए चाहिए मिसाइल फाइन सो वेपन तो बना बना है उसको वहां तक भेजना भेजा कैसे जाएगा तो वो भेजा जाएगा मिसाइल से सो दैट्स वाई इन मिसाइल का डेवलपमेंट भी और इट्स इट्स स्ट्रेटिकल थिंग सो उसको कम किया जाएगा ठीक है इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या देवुजीत आप पहले ये बताइए क्लास में कब आए थे आप देवजीत वेन यू केम इन द क्लास रूम ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर करप्स वेरी गुड यस फाइन क्लास क्लास के बाद में मिल जाएगा टेंशन मत कीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन वेरी सिंपल सो जो पहले कन्वेंशन हुआ था उसी कन्वेंशन को आगे बढ़ाते हुए ओके इन अ सिमिलर मैनर नाउ दिस बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन डिस की डेवलपमेंट प्रोडक्शन एज वेल एस सो पहले देर वॉज ए जेनेवा प्रोटोकॉल जेनेवा प्रोटो कॉल वॉज देयर ओके देर वॉज अ जेनेवा प्रोटोकॉल तो जेनेवा प्रोटोकॉल था जिसमें द यूज ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन वॉज रिस्ट्रिक्टेडिकल वेपन बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है वो इससे आगे जाता है कुछ नहीं करेंगे ना बायोलॉजिकल वेपन बनाएंगे ना उसको इकट्ठा करेंगे

इंसान को ही खत्म कर दे रहा है ठीक है युद्ध बराबर में होना चाहिए तो इस प्रकार से ये सब चीजें बंद की गई हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप वाज फॉर्मड आफ्टर द न्यूक्लियर बेस्ट टेस्ट बाय इंडिया इन 1974 ओके जब फर्स्ट टेस्ट जब इंडिया ने किया फर्स्ट टेस्ट पोखरण वन पर्टिकुलर ग्रुप वॉज फॉर्मड ओके उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया <coughs> जनेवा बता तो दिया भाई पहले ही

न्यूक्लियर प्लोरिफिलेशन ओके सो दिस वॉज स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल तो जो न्यूक्लियर है जिससे न्यूक्लियर जो वेपन वगैरह बन सकते हैं जैसे यूरेनियम हुआ या फिर वेपन जो सब चीजें न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग में आने वाले जो uh, सामान है वो हम सप्लाई को उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे जिससे प्लोरिफेशन ना हो सके ओके okay?

एनर्जी के लिए ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या लगता है आपको यूरेनियम चाहिए ठीक है यूरेनियम चाहिए तो यूरेनियम क्या जो पूरा मार्केट है वो कंट्रोल करते हैं ये कंट्रीज ओके ओके एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप चलिए सो इट सीक्स टू प्रिवेंट द न्यूक्लियर प्रोफेशन बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ओके तो ये क्या करना चाहता है कि ये जो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन है उसके प्रसार को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकना चाहता है और उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है वो स, आ, जो सं, उस, उसमें बेसिकली जो उपकरण लगते हैं जो सामग्री है उपकरण है और जो प्रौद्योगिकी है इन तीज तीन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है वो दूसरे को शेयर नहीं करेंगे ठीक है फाइन चलिए वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल प्लोरिफ्रेशन ओके यूरेनियम प्लोटोनियम थोरियम वेरी गुड आलोमफुल ओके चलिए

ट इट वॉज नॉट रेक्टिफाइड बाई दियर गवर्नमेंट सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया स्पेशली यूएस की जो गवर्नमेंट थी देव एक्सेप्ट दिसंग ओके सो दट वॉज लॉन्ग रेंज जो इंटर है, उसका प्रोडक्शन लिमिटाइज करना okay? क्या था कि अंतर महाद्वीपीय बेलिस्टिक मिसाइल जो है उसके प्रोडक्शन को हम सीमित करेंगे यह उद्देश्य था सोल्ट uh, टू का बट uh, दोनों कंट्रीज ने साइन किया इट मीन की लीडर साइंड इट ओके बट उसको पर भी कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया ठीक है फाइन चलिए फाइन लेस मूव फॉरवर्ड ज एस्ट्रेलिया ग्रुप ऑल्सो जिसके बारे में आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप होके याद रखेगा यह क्या इनफॉर्मल अनौपचारिक समूह एंड हैज मेंंट्री आइडेंटीफाइ द एक्सपोर्ट विच कैन बी कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपर सो दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ओके देखिए एग्जाम में सवाल कैसे आएगा कि कंसिडर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप होके सवाल में आ जाएगा कि

दे विल भी रिस्पॉन्सिबल दे विल भी पनिश फॉर दट प्रोथिंग दे विल वो वी कैन से दे विल भी अकाउंटेबल ये नहीं कि आपका दोस्त देश कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे इट्स नॉट लाइक दट सो ऑल द मेबर्स हैज टू मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी डूइंग दैट थिंग ऑफ सप्लाई ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन दे विल भी अकाउंटेबल फॉर दट पोथिंग ओके Yes, India became a part of this thing also. Okay, so it has 43 member including the European Commission. Okay, so isme bharat bhi iska sadasya दे और European ayog bhi iska sadasya दे। 43 member states hai within this Australian group. Okay, it's an informal group. Okay, so informal group it means ki they doesn't have a specific secretariat Okay, informal group का मतलब क्या था कि कोई specific secretary नहीं है, कोई इनका एक organize वो उसने नहीं है, कभी-कभी मिल लेते हैं। Okay, so there's there's no regular meetings. Okay, fine. नहीं इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ओके इंडिया इज अ मेंबर दैट द्वार लेटर ऑन ओके ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है पूजा भारत ने बाद में ज्वाइन किया ठीक है फाइन इंडिया इन 2018 जैसे कि आ, आ, कि देखिए ने अभी बताया 2018 में भारत ने ज्वाइन किया है, तो इंडिया इज नॉट अ फाउंडर मेंबर ओके नाउ नेक्स्ट वन इज इंटर इंटरबेलिस्टमिक सॉरी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आई एन एफ दिस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन यूएस एज वेल सोवियत यूनियन ओके तो टली बी आई एन एफ ट्रीटीज इन गवर्नमेंट द यूएस गवर्नमेंट दैट इज डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ओके हैव रिजेक्टेड एन एज द रशियन गवर्नमेंट ऑल्सो इट वॉज अ ट्रीटी विच गोइंग ऑन फॉर ओके इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट मेज मिसाइल्स को एलिमिनेशन के लिए ओके okay, सो so एक ट्रीटी साइन होती है किसके बीच में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में अगेन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अगेन इट्स ट्रीटी रिलेटेड टू कोल्ड ओके इवन यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन ध्यान सुनिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है एवरी वन प्लीज लिसन केयरफुली एग्जाम में एक सवाल आ सकता है दे विल राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ट्रीटीज वो लोग अलग अलग ट्रीटीज का नाम लेंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सी ट्रीटी जो है वो कोल्ड वॉर पीरियड से बिलोंग करती है या नहीं करती है कैन बी वंडरफुल क्वेश्चन ओके सवाल आ जाएगा कि विच फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोल्ड वाइमियड एंड रिलेटेड सो यू हैल्ड वॉर ओके सो जो कोल्ड वॉर से संबंधित है कोल्ड वॉर के वक्त से बिलोंग है यू नीड टू नो अबाउट सो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है और वहां पर दिक्कत हो जाएगी ठीक है सो आई एन एफ टी टी जो है पोस्ट कोल्ड वॉर अगेन जो लास्ट गवर्नमेंट है उसको कैंसिल कर दिया कि वी डॉन्ट टू कंटिन्यू बिकॉज शिया वॉज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग इट ओके सो मेन ऑब्जेक्टिव लिमिटाइजिंग द इंटरमीडिएट रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल को एलिमिनेट करना की हम जो बेसिकली <coughs> बोल सकते हैं मध्यम दूरी और कम दूरी वाली जो हैं उनका उनको, उनको खत्म कर देंगे इसके लिए संधि हुई थी बट वो संधि अब कैंसिल हो गई ठीक है इंडिया एनएसजी का मेंबर कब बना इंडिया अभी तक बना ही नहीं अब ठीक है इंडिया एनएसजी का मेंबर अभी तक नहीं बना है आ, इंडिया ने

नहीं नहीं है ठीक है तो भारत जो है परमाणु आपूर्तिगर समूह का सदस्य नहीं है बाकी इन तीनों का सदस्य है ठीक है याद रहेगा बहुत की सीधी बात है अभी 2020 की बीस की बात है ठीक है मतलब जो पिछले प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति थे ना डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं के वक्त में 2019-20 में कैंसिल हुआ है ठीक है 19-20 के आसपास कैंसिल कर देगा स्पेशन बीस थी उस समय की सो दिस आईएनएफ ट्रीटी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी वॉज बेसिकली बीन रिजेक्टेड बाय द यूएस एंड रशिया ओके नाउ एन रशियानाज ऑल्सो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्रिएटेड इन एट्टी ओके तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था जो है 1987 में बनाया गया एंड इट वाज फाउंडेड बाय जी सेवन कंट्रीज ओके अगेन अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ओके सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दिस इज ऑल्सो समथिंग क्रिएटेड बाय जी सेवन अभी मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो भी जी सेवन ने बनाया है ठीक है याद रहेगा और साथ साथ दिस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इज ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ जी सेवन कंट्रीज ओके जो जी सेवन कंट्रीज है जो दुनिया की सबसे सात पावरफुल कंट्रीज जो है उनके द्वारा बनाया गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जी सेवन में आपका बेसिकली रशिया नहीं आएगा ठीक है उसको जी एट था पहले, okay? G8, उसमें से रशिया को बाहर करके जी सेवन बना दिया गया ठीक है ये सबको पता है ना फाइन सो यस में में डेफिनेटली ओके चलिए के बारे बता दिया आपको ठीक है वो पहले बता चुका है मैंने किसी पिछली क्लास में नाउ सो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इंडिया एज ए एन इनफॉर्मल एंड वॉलेंट्री पार्टनरशिप बिटवी टेक्नोलॉजी एरियल व्हीकल ओके सो द्रोन और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो सबके पास न बटे मतलब उसका बंदर बांट ना हो जो टेक्नोलॉजी है वो उन्हीं प्लेयर्स के पास जाए दो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीजे ऐसे देशों को टेक्नोलॉजी ना दी जाए जो संभाल नहीं सकते ठीक है बिकॉज दे आर सिविल वॉर गोइंग इन द वर्ड ओके और उस हालत में अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजन के हाथ में लग जाता है ठीक है हथियार मिसाइल टेक्नोलॉजी और वहां पर सिविल वॉर गोइंग टेरिस्ट ऑर्गेनाइजन और टेरिस्ट ऑर्गेनाइजन के हाथ में लग जाता है तो फिर वो दुनिया को बर्बाद कर सकता है दैट्स वाई

सो सक्सेसर ऑफ सॉल्ट एग्रीमेंट ओके सॉल्ट एग्रीमेंट के बाद होती है सो नाइनटीन नाइनटी मतलब सीधी बात है आपका क्या आ गया रशिया ओके सो यहां पे आपका यूएसए एंड रशिया आ जाएगा यूएस और यूएसआर नहीं आएगा सोवियत यूनियन नहीं यूएसए एंड रशिया ओके स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रिटी स्टार्ट टू नाइनटीन फाइन सो वो दिस ट्रिटी दे आर रिलेटेड टू टाइम पीरियड ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर ये शीत युद्ध के बाद के वक्त की ट्रीटीज है अगेन बिटवीन यूएस एंड रशिया ओके ये यूएस एंड रशिया के बीच की होंगी ठीक है यस इसी पार्ट नहीं है वो इट इज अर स्ट्रक्चर ओके इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन ओके एक्चुअली ठीक है जोगेश्वरी अच्छा ओके इसकी अच्छा, आप अच्छा आंसर ही दे रहे हैं आपका अच्छा यूरोपियन कमीशन के बारे में अभी बता देंगे अभी यूरोपियन कमीशन आएगा जोगेश्वरी टेंशन मत कीजिए अभी आने वाले वक्त में वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन तो वहां पर समझ लेंगे आप टेंशन मत कीजिए ठीक है चलिए

सॉरी गाइस ओके ओके सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल वेपन कन्वेंशन ओके दस मिनट नहीं अभी कहा दस बजे तक भाई अभी दस मिनट नहीं है अभी एक घंटा बचा है <laughs> कोई नहीं जाना किसी को <coughs> मैंने चाबी की व्यवस्था कर ली ऑबियस की ठीक है टेन हाँ दस बजे तक चलेगी दस बजे तक चलेगी क्लास अब ब्रेक एक नहीं यार खत्म करते हैं एक घंटे में जो भी बचा है खत्म करते हैं कोई ब्रेक नहीं ठीक है चलिए सो केमिकल वेपन कन्वेंशन ओके सो इट आउटलाउट द प्रोडक्शन ऑफ अगेन स्टॉप आइंग द सिमिलर थिंग द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ओके जैसा कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था नाइनटीन सेवेंटी टू में सिमिलरली दिस केमिकल वेपन कन्वेंशन वॉज देर अगेन इसका प्रोडक्शन नहीं करना है इसका स्टॉक पाइलिंग नहीं करनी है ओके? किसको एकीकरण नहीं, एक एक नहीं करेंगे उपयोग नहीं करेंगे प्रोडक्शन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे बायोलॉजिकल वेपन केमिकल वेपन था ठीक है फाइन चलिए नाउ देन कम्स दरेंजमेंट और इसको अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं एज वेल एज एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं तो इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल ओके एंड इट इज फॉर स्पेशली फॉर द डुअल यूज गुड्स देखिए यहां से एक क्वेश्चन मुझे बहुत संभावित लग रहा है जिसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ठीक है इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन सो दे कैन गिव यू डिफरेंट एग्रीमेंट्स ठीक है वहां पे एग्रीमेंट्स के नाम दे देंगे एंड दे आर ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ओके वसन एग्रीमेंट ओके या फिर एम टीसीआर ओके मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ओके दे विल गर्प एंड क्वेश्चन में तैयारी कर लीजिएगा ठीक है? So, है? है कि कब बना यह सब चीजें वैसे नहीं पूछने वाले ठीक है बहुत रेयरली होगा कि वो उसके ईयर पूछेंगे बट मेजरली पूछ सकते कि एरिया किस एरिया में काम कर रहे थे इसका डुअल यूज है ठीक है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का क्या था ऑस्ट्रेलियन ग्रुप इज फॉर बायोलॉजिकल ओके ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो है वो बायोलॉजिकल के लिए था ठीक है एमटीसीआर किसके लिए था मिसाइल टेक्नोलॉजी नाम ही क्लियर है वसनार किसके लिए है डुअल यूज गुड्स टेक्नोलॉजी ओके मतलब ऐसे बिकॉज देखिए यूज गुड्स क्या होता है ओके okay? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं आई एम डूइंग इंडिया इज डूइंग वी कैन से ट्रेड विथ सम कंट्री लाइक इजराइल ओके लेस्यूम की भारत इसराइल के साथ हाँ कोई ट्रेड कर रहा है ठीक है आप या फिर मान लीजिए इराक के साथ कर रहा है ईरान के साथ कर रहा एक है एक्सपाइज और हमने उस ट्रेड में कुछ केमिकल उनको दिया ठीक है या फिर कोई ऐसा सामान दिया जो हथियार नहीं था ओके? Okay? वो हथियार नहीं था, बट कोई सामान था जिससे कुछ सामान बन रहा था बट हो सकता है जा सके। क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे केमिकल ट्रांसफर होते हैं ठीक है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करते बहुत सारे केमिकल ट्रांसफर होते हैं बट वो कभी कभी वो केमिकल्स जो है बाद में खतरनाक चीजें बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं डूबल यूज है ना उसका एक बार बेसिकली uh, आपका जो इंडस्ट्रियल फायदे के लिए यूज लेटर ऑन किसी और के काम लिए के लिए यूज कर लिया सो दैट इज डुअल यूज गुड्स ओके यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है बिकॉज हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं ओके वी आर ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी विद मल्टीपल कंट्रीज ओके एंड फॉर द गुड थिंग्स ओके कि कंप्यूटर है एप्लीकेशन है बहुत सारी चीजें बट कभी कभी उसी टेक्नोलॉजी से कुछ एक नेगेटिव टेक्नोलॉजी भी निकल सकती है सो दैट्स वाई दिस वैसन आर अरेंजमेंट इज बेसिकली वी हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ओके ये क्या बोल रहे कि इन सब देशों को आपने रिकॉर्ड रखना पड़ेगा किसके साथ क्या व्यापार किया दैट वी कैन सेट अकाउंटेबिलिटी किसने सामान दिया था उसको अगर इस कंट्री ने वेपन बनाया है और इट इज क्रिएटिंग फॉर द वर्ल्ड क्रिएट अकाउंटेबिलिटी क्या अच्छा इसकी जिम्मेदारी सो वाइल डूइंग ट्रेड एवरी कंट्री विल बी अकाउंटेबल एवरी कंट्री विल बी रेस्पॉन्सिबल बिकॉज व्यापार के नाम पर कभी कभी आप यह भूल जाते हैं कि उस व्यापार से हथियार भी बन सकता है ठीक है तो बस इसका उद्देश्य बस ये है कि व्यापार कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है एक देश दूसरे देश को सामान बेच रहा है कर रहा है कोई दिक्कत नहीं तेल हवा पानी जो भी बेचना बेचे। बट बेचते टाइम यह भी ध्यान रखिए कि, कि वो उस वस्तु का कुछ गलत उपयोग वहां ना हो जाए इतनी सी बात है ठीक है यस ऑब्वियसली हां जी अदर यूनिट्स में भी होगा मोना ठीक है अग, अगला जो मैराथन होगा वो नेक्स्ट uh, संडे को होगा बट कल भी क्लास है वैसे ही कल भी कल भी फाइव पीएम पर क्लास रहेगी आपकी ठीक है कल फाइव पी पे आई गेस हमको पढ़ना है गवर्नेंस uh, नहीं आई गेस पब्लिक एडमिशन की क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ठीक है के क्वेश्चंस करने कल फाइव पीएम पे कल भी क्लास है कल फाइव पीएम पे कल मंडे को क्लास रहेगी बाकी नेक्स्ट जो मैराथन है ये 5 आवर्स वाली वो संडे को होगी ठीक है नेक्स्ट संडे को क्लास रहेगी ठीक है ये मैराथन वाली बाकी डेली जो क्लासेस है वो चलते रहेंगे ठीक है बाकी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑन द माई टेलीग्राम पे आईडी ठीक है टेलीग्राम पेज पर सारी इन्फॉर्मेश मिल जाएगी ठीक है चलिए लेट्स कंटिन्यू नाउ मल्टी इलेक्ट्रल ट्रीटी दैट्लोजनियन एंड मिलिट्री पर्पज इन ऑल एनवायरमेंट लाइक स्पेस बिलो द ओशन फाइन सो ये बेसिकली सभी जगह कॉम्प्रेहेंसिव बिकॉज पार्शियल टेस्टी जमीन के अंदर फोर लो ओके पार्शियल टेस्ट ट्रीटी वॉज बेसिकली कैन

उसी रेशियो में यू कैन मेक अ स्मॉल अमाउंट एंड अकॉर्डिंगली इन अ अकॉर्डिंगलींप्यूटराइज डेटा यू कैन चेक कि अच्छा अगर ये सामान डालेंगे तो कैसा फूटेगा ठीक है सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ अ वेपन द वे इन वॉट मैनर यू आर मिक्सिंग द रिसोर्सेज जिसके पास वेपन है उसको टेक्नोलॉजी पता है सो दे कैन क्रिएट अ कंप्यूटर स्ट्रक्चर कंप्यूटर पे एक ऐप बना लीजिए ओके सो बेसिकली सेइंग कि आप इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेस्टिंग दो थिंग्स यू कैन जस्ट कंप्यूटर इन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टरी यू कैन आइडेंटिफाई द रिजल्ट कि आपका वेपन बना है कि नहीं बना अच्छा है तो वो रेशियो में जो सामान डाले उसका एक बना लीजिए या फिर इतना प्लूटोनियम डाला इतना यूरिनियम डाला और इसमें कितना फूटेगा ठीक है सो यू कैन जस्ट इन अ वर्चुअल मैनर यू कैन जस्ट जस्ट सो उसको फोल्ड के मत देखिए बस जो भी वेपन बनाया उसका वैल्यूज वहां डाल दीजिए अमाउंट में इतना किलो ये था इतना किलो ये था सो वो उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर लीजिए बाहर जाके फोड़ के मत देखिए बिकॉज वो पूरे दुनिया दुनिया के लिए बर्बाद होता है so सो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ दिस थिंग ओके सो बिकॉज देखिए एक चीज यहां समझने की बात है बहुत वैलिड चीज है ये सब जो ट्रीटीज है पार्शियल टेस्ट बैंक ट्रीटी है कॉम्प्रेन्सिव टेस्ट बैंक ट्रीटी ये सब ला कौन रहा है ये जो बड़े बड़े देश है ना यूएस यूके इनने पहले दुनिया को कर दिया बर्बाद ठीक है यूएस यूके रशिया इनने पहले दुनिया को किया बर्बाद खूब बम फोड़े ठीक है दे हैव इवन टेस्टेड द न्यूक्लियर वेपन ओपनली हमने तो बहुत रिस्पॉन्सिबली जमीन के अंदर फोड़ा था ओके okay? हमने पोखरण में जाके जमीन के अंदर वी हैव नीचे जाने के बाद हमने फोड़ के देखा यूएस और रशिया ने तो कैसे फोड़े थे ओपन ओपन खाली जगह करवा के फोड़ दिए ठीक है टेस्ट हो गया कदम का सो दे देर इनरेस्पॉसिबल एंड नाउ दे आर टीचिंग अस टू बी रेस्पॉन्सिबल ओके सो इन लोगों का मजाक देखिए पहले यूएसए हुआ ब्रिटेन हुआ फ्रांस इन सब ने क्या अपने वेपन खुले में फोड़ के देखे हैं

बोलते बोलते ना कि कि इसे पहले कचरा खुद ने फैलाया हमको सिखा रहे हैं कचरा नहीं फैलाना बताइए पहले दिमाग कहां था अच्छा नाउ देयर आर ट्रीटीज व्हिच आर रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्री जोन ओके सो अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है जो कि एग्जाम में अभी तक कम पूछी गई इसलिए जाना चांसेस है कि पूछा जाएगा ठीक है फाइन सो वो तो श्वेता वो टेस्ट नहीं था वो तो सीधा फोड़ा था टेस्ट करना अलग बात है कि आप जब वेपन बनाते थे यू अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक ठीक है 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 सो टेस्ट में भी उन्होंने ओपनली फोड़ के देखा फाइन अफ्रीकन नेशन कि वी वॉन्ट टू में अफ्रीका न्यूक्लियर फ्री जोन सो दीट संधि इज दैट इसका उद्देश्य यह जितने भी अफ्रीकी देश है उन्होंने डिसाइड किया कि हम अफ्रीका को बर्बाद नहीं होने देंगे अफ्रीका के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का साया नहीं चढ़ने देंगे कोई देश बिकॉज एक बनाएगा तो दूसरे को मजबूरियां बनाना पड़ेगा ठीक है सो दट वाई देव कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अफ्रीका फ्रॉम द दिस न्यूक्लियर द दिमाइस ऑफ न्यूक्लियर वेपन सो दैट्स वाई दे हैव क्रिएटेड अ न्यूक्लियर फ्री जोन कि इन अफ्रीका विल बी न्यूक्लियर फ्री जोन नॉट अ सिंगल कंट्री इन अफ्रीका विल ट्राई टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन कोई भी देश जो है ठीक है फाइन चलिए ओके फाइन वेरी गुड जगह जसप्रीत सो इसमें डिसाइड यह किया गया है पेनिंडावा ट्रीटी में कि कोई भी देश अफ्रीका के ठीक है अफ्रीका के सारे देशों ने डिसाइड किया कि हम लोग वी विल मेंटेन कि अफ्रीका जो है न्यूक्लियर फ्री जोन रहे ठीक है एंड सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटीज वर डन विद अदर कंट्रीज ओके अदर न्यूक्लियर फ्री जोन ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्री जोन पे ट्रीट का नाम आ सकता है ओके ट्रीटी ऑफ टेलीटोलोका ओके लैटिन अमेरिका ओके एंड करीबियन कंट्री ट्रीटी ऑफ रान ओके साउथ पैसिफिक ट्रीटी ऑफ बैंकॉक उथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑफ सेमी प्लेस्टिंग ओके सेंट्रल एशिया ओके सो डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया इन डिफरेंट रीजन डिफरेंट ट्रीटीज आर डन फॉर द फ्री न्यूक्लियर फ्री जोन तो हुआ यह है कि जो ऐसी कंट्रीज थी ठीक है सीधी बात है अब यहां पे आप प्रस्पेक्टिव देखिए आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं ठीक है थीके? तो इन देशों ने सोचा कि जिनको न्यूक्लियर कचरा फैलाना था जिनको न्यूक्लियर वेपन बनाना था वो बना चुके ठीक है

क्या यही मैच okay? यह नाम लिख देंगे और कंट्रीज के, okay? so, ना के नाम ऊपर मतलब में हम परमाणु बम नहीं बना रहे मतलब क्षेत्र मतलब अफ्रीका पूरे अफ्रीका परमाणु रहित रहेगा वहां पे कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा वी विल यूज न्यूक्लियर फॉर इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे किसके लिए क्या करने के लिए

थ्री स्टार्ट ओके स्टार्ट वन स्टार्ट टू एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी ओके अगे हमको हथियार कम करने, बोल बोल के कि कम, करने कर कम करने इतने सारे हथियार बना लिए तो बोलते कुछ है करते कुछ है कहनी कुछ करनी कुछ और ठीक है ही बात कीजिए इनके बारे में ठीक है बस पढ़ लेते हैं एग्जाम में कि भाई इनका नाम आ सकता है कि नई स्टार्ट संधि किसके बीच में हुई है?

नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उन्होंने संधि की एक प्रकार से एंड फर्स्ट मल्टीलेटरल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द न्यूक्लियर डिस्मेंट इन्होंने सबने किया है कि हम लोग न्यूक्लियर जो भी टेक्नोलॉजी है खत्म करेंगे अपने पास से दैट वॉज द आइडिया ओके फाइन नेट खत्म हो गया चलिए कोई बात नहीं जिसका नेट खत्म हो गया वो बाद में इस वीडियो को जो जो रिमेनिंग है देख लीजिएगा ठीक है फाइन चलिए सो इट द फुल रेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड एक्टिविटीज तो न्यूक्लियर से परमाणु हथियार संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को ये मना करता है संपूर्ण श्रृंखला को मना करता है ना ही स्टॉक पाइलिंग करना ना ही इकट्ठा करना प्रोडक्शन टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं सो न्यूक्लियर से संबंधित कोई भी काम आपको नहीं करना है न्यूक्लियर वेपन से ना ही उसको टेस्ट करना है ना ही प्रोड्यूस करना है ना ही उसको इकट्ठा करना है कुछ सबको बैन करता है ग्लोबल ट्रीटी बट न से इट्स ए टूथलेस टाइगर ठीक है इसके मजाक बताऊं क्या है इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया सबने हस्ताक्षर कर दिए बट बताओ किसने हस्ताक्षर किया? उन लोगों ने हस्ताक्षर किए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है हस, इस ट्रीडी को हम अच्छा तब मानते वेन न्यूक्लियर वेपन स्टेट लाइक पी फाइव एंड कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन करते बट हमने नहीं किया ठीक है बिकॉज इंडिया वॉज वेरी क्लियर कि भाई कुछ जगह रियलिस्टिक रहना पड़ेगा ये सब बातें अलग है ठीक है और अपने देश की सुरक्षा अलग है ठीक है सीधी बात है सो so, ये ट्रीटी हुई तो बहुत बड़े लेवल पे ओके एंड इट ओके बट देर इज नो यूटिलिटी जिनके पास सही में न्यूक्लियर वेपन है वो तैयार नहीं है के लिए ओके okay? सो so, अपने आप में वी कैन से इट्स मोकरी मॉकरी एंड रेनी बेसिकली ठीक है सो इनका उद्देश्य यह है कि न्यूक्लियर वेपन खत्म करना है और किन लोगों ने साइन किया है जिनके पास खुद का न्यूक्लियर वेपन नहीं है खत्म काम ठीक है जो पी फाइव है मतलब बेसिकली ब्रिटेन फ्रांस चाइना अमेरिका रशिया दे इग्नोर दैट ट्रिटी इन्होंने किसी ने साइन नहीं किया पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया सो ठीक है किसी काम करिए ठीक है ग्यारह का अलग यार यार तो अलग समस्या आ रही है <laughs> किसी का इंटरनेट खत्म हो गया देखो भाई जिसका बहुत ज्यादा खत्म हो गया ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है so, अगर मैनेज कर सकते हैं किसी दूसरे फोन में देखिए सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं इफ यू गाइज अर फीलिंग लाइक आपके फोन का डेटा खत्म हो गया है तो अपने घर वालों का डेटा यूज कर लीजिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना स्मार्ट अरे घर वालों में मम्मी पापा का फोन ले लो भाई का फोन ले लो उसका नहीं यूज हुआ होगा ठीक है एक दिन की बात है इतना बड़ा कोई इशू नहीं है आप वीडियो यहां देखो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं अपने फोन में देखो किसी और के फोन में देखो तो बहन का फोन छीन लो भाई का फोन छीन लो और वीडियो कंटिन्यू करते हैं ठीक है थीके? पचास मिनट और बचे ठीक है चलिए ओके आपको फाइव मिनट ब्रेक नहीं आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये सब ट्रेडिस खत्म हो गई और आगे बढ़ते हैं नाउ वी आर टो टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बस ये दो चीजें बची हैं ठीक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन इसके बारे में बात करेंगे भाई अच्छा भाई पहले यूज कर लेता है अच्छा नेबरिंग भाई भाई ओके दैट नाइड नाइडिया हॉटस्पॉट यूज कर लो हाँ सही बात है हाँ हा, घर वालों से हॉटस्पॉट ले लो क्या दिक्कत है यार कोई बड़ी बात नहीं ज्यादा पचास मिनट की बात है अरे हमने जहां चार घंटे कर लिए पचास मिनट क्या ही लगते हैं ठीक है मजाक वाली बात है पचास मिनट तो ठीक है हंसते खेलते निकल जाएंगे ठीक है चलिए सो यूनाइटेड नेशन के बारे में बेसिक डिटेल्स आई नो फोर्टी फाइव फिफ्टी गवर्नमेंट मेट एंड इट वॉज स्टैब्लिड इन नाइनटीन फोर्टी फोर यहां पर गलत लिखा है ठीक है फाइन सो बेसिकली एंड टूक एफर्ट सॉरी फोर्टी फाइव माई मिस्टेक ठीक है फोर्टी फाइव फाइन जून फोर्टी फाइव में बेसिली एडोप्टेडर ट्वेंटी चौबीस अक्टूबर को आए यू एन डे मानते हैं शब्द जो है ठीक है कुछ बेसिक बातें चौबीस अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव में यह प्रभावी हो गया ये यूएन चार्टर जो है मौसदा बन चुका था पच्चीस अप्रैल से uh, को बेसिले पचास सरकारों का सम्मेलन होता है सेंट फ्रांसिस्को में आप सभी को पता है वहां से संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ है संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है वो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रोजावेट ने दिया है या आपको याद है और संयुक्त राष्ट्र ओके द हेड क्वार्टर कहां पे है न्यूयॉर्क में सबको बेसिक चीजें ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक चाइनीज इंग्लैंड इंग्लिश फ्रेंच एंड स्पेनिश एंड रशियन ओके वन नाइनटी थ्री में लेटेस्ट मेंउ सुन ज्वाइन इन ट्वेंट ओके करंट सेक्रेटरी एंड एंटोनियो गस ओके ज्यादा कुछ बेसिक फैक्चुअल चीजें सबको आराम से पता होगा दीज आर द बेसिक थिंग्स ओके पी अच्छा ओके अच्छा ओके चलिए कोई बात नहीं चलिए उस पर बात कीजिए पढ़ाई पे बात करते ठीक है ठीके? जैसे ही मैंने जो है मैनेज कर लीजिए आप लोग बहुत मुझे पता है बहुत बहुत, बहुत स्मार्ट हो ठीक है यहां पे लिखते हो बट यू कैन कंटिन्यू ओके चलिए फाइन सो संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा स्ट्रक्चर की बात करें तो देर फाइव इंपॉर्टेंट ऑर्गन जनरल असेंबली इज देर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोलिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली एंड देन सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एस ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल सो दीज आर द सिक्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ओके स्ट्रक्चर ऐसा है बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑल्सो जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए सो हाजी सो ठीक है चलिए इन ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं वैसे दैट विल बी अवेलेबल इन द नोट्स आल्सो तो यूएन जनरल असेंबली क्या काम है ए वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो जनरल असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो जो भी डिस्कशन डिबेट है इट्स अ डिलीबरेटिंग बॉडी जहां पर चर्चा होती है विचार विमर्श होता है विश्व मुद्दों पर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा यहां की जाती है अडॉप्ट द बजट अलॉन्ग विद अप्रूवल ऑफ यूएनएससी ओके तो यूएनएससी और यू जीए जो है दोनों मिलकर यूनाइटेड नेशन का बजट अप्रूव करते हैं किस बजट पे हम खर्चा करें क्या करने वाले हैं ठीक है चलिए एंड डिसाइड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर ओके फॉलोइंग अ प्रपोजल बाय द यूएनएससी ओके तो जब यूएनएससी किसी को सजेस्ट करता है कि भाई इसको नया सदस्य बना लेना चाहिए बेसिकली यूनाइटेड नेशन का तो उसके प्रपोजल uh, के बाद उसके सजेशन पे प्रस्ताव के आधार पर किसी को नई सदस्यता भी देने का काम करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ओके ऑफ द यूएनएससी ज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके तो उसका काम क्या है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ठीक है ठीके? जो कि हर दो साल के लिए चुने जाते हैं ओके फॉर एवरी टू ईयर्स टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएस, टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी तो परमानेंट है जो टेन है वो नॉन परमेंट में यूनाइटेड नेशन जनरल दो साल के लिए रखना है जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करना विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ओके तो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है ठीक तो है, है, uh, Council, okay, तो है जो आपका जो सुरक्षा परिषद है वो ये बताता है कि किसको सेक्रेटरी जनरल बन, बन, बनाना है और उसके हिसाब से जनरल असेंबली उसको नियुक्त कर देता है ठीक है चलिए फाइन ओके नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी काउंसिल सो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता है इट इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड पीस ओके वर्ल्ड विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पीस भाई खत्म आज ही होगा ठीक है इसके बाद फिर से मैं अलग से क्लास नहीं ले जा रहा ठीक है हाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल खत्म हो गई उसके बारे में बात करेंगे मीशा धमन बट उसका नाम आपको पता होना चाहिए ना मीशा ठीक है फाइन जस्ट सेकंड अ लॉक ये एंड दिस वन फाइन थैंक यू ओके सो टू इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द डिस्प्यूट एंड सिचुएशन सो टू मेक अ में इकोनॉमिकल सेंशन ओके टू मेक मिलिट्री एक्शन कहीं कहीं पे आ, आर्थिक वो लगाना है आपको बेसिकली इकोनॉमिकल सैक्शन लगाने हैं ठीक है थीके? किसी कंट्री के ऊपर आर्थिक आ, क्या बोलते बोल सकते हैं एक प्रकार से आर्थिक लाइक रुकावट ला, लानी है ठीक है या फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाने हैं या फिर किसी के ऊपर अटैक करना कुछ भी सो ऑल दीज सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन पीस रिलेटेड डिसीजन आर टेकन बाय सी सबको पता है अगेन यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स है दीज आर समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आते हैं डिमांड्स फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म इसमें यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स एक तो ग्रुप नंबर जी फोर ग्रुप विच इज आस्किंग स्पेशली इंडिया जर्मनी ब्राजील एंड जापान तो भारत जर्मनी ब्राजील जापान जो है ये चार जो है दे दे आर आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स इन द एंड सेइंग कि वी आल्सो वांट अ परमानेंट मेंबरशिप ओके ये क्या मान रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पांच सदस्य है वहां पर चार और आने चाहिए ओके कलेक्टिव सिक्योरिटी जब अरे कलेक्टिव सिक्योरिटी इतना सब जो हमने पढ़ा ना बेसिकली ज्ञान वाणी

सिक्योरिटी uh, काउंसिल में सुरक्षा परिषद में सुधार का मना कर रहा है बट जी फोर जो है सुरक्षा परिषद में सुधार की बात कर रहा है उसको रिफॉर्म करने की बात कर रहा है कि सुरक्षा परिषद को क्या बनना चाहिए इट नीड टू बी मोर डेमोक्रेटिक इसको और लोकतांत्रिक किया जाए एंड इट नीड टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके कि वी नीड टू इंक्रीज नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर एज एज वेल इट नीड टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव वॉट वी मीन बाय मोर रिप्रेजेंटेटिव ओके तो इनका यह कहना है uh, कंट्रीज का कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ यूरोप के मेजरली एशिया का एक देश है यूर, यूरोप है वहां पर रशिया है बाकी वेस्ट है ठीक है सो देर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउथ अमेरिका एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया फाइन सो अगर हम देखा जाए तो अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है लैटिन अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेशन है वहां पर पांच जो बैठे ना पी फाइव जो है ओके okay? जो पी फाइव है उसमें ना कोई अफ्रीका से है ना कोई साउथ अमेरिका से है ना ही कोई साउथ ईस्ट एशिया से है सो दट वॉट देर से इफ इट इज अ रिस्पॉन्सिबल एजेंसी फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड अगर वो पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा की एजेंसी है तो उसमें पूरी दुनिया के सदस्य भी तो होने चाहिए कुछ महत्वपूर्ण हर क्षेत्र से होने चाहिए सो दट वॉडिया ओके फाइन चलिए ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड इसके बाद आता है अनदर ऑर्गन इकोसॉक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर इकोनॉमिकल एंड सामाजिक जो मैटर्स होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस इकोसॉक एंड 54 मेंबर्स आर अगेन दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली ओके सो इवन द मेंबर्स ऑफ इकोसॉक ओके दे आर सिलेक्टेड फॉर द थ्री ईयर टर्म्स ओके तीन साल के लिए दे आर इलेक्टेड फॉर थ्री ईयर टर्म्स बाय द जनरल असेंबली जनरल असेंबली जो है किस चैप्टर में इसी में यूएन के किसाइन अच्छा चलिए सो थ्री इयर्स के लिए दीज मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर द इकोस्ट ओके देटेट यूएन सेक्रेटरी सचिवालय विच इज रिस्पॉसिबल फॉर ऑल कांड ऑफ एक्शन सो इट्स ए वॉट वी कैन से एग्जीक्यूटिव एजेंसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ basically United Nation. Then comes the International Court of Justice. डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ओके अगेन विच आज एज रिकॉग्नाइज एंड इसका जो ऑफिस हेडक्वार्टर कहां पर हेग में है इट इज द ऑनली एजेंसी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड ओके ये इकलौती एजेंसी है जस्ट गिव मे सेकेंड आई गेस देर इज अ प्रॉब्लम नहीं मेंबर कंट्री आपको याद नहीं करना ऐसे ऐसे चलिए ओके फाइन देर वॉज सम काइंड ऑफ इश्यू फाइन ओके सिक्योरिटी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ दर्ल्ड अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं ठीक है P5 में कौन कौन है श्रद्धा पाटिल सिंपल सी बात है अमेरिका uh, है ब्रिटेन है फ्रांस है ठीक है उसके बाद आपका चाइना है रशिया है खत्म काम पांच कंट्री है फाइन चलिए पीस कीपिंग की बात करेंगे भाई रुक तो जा मेरे भाई क्या नाम है इसका एन वाई एजुकेशन पीस कीपिंग पे भी आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे सवर नाम की चीज रखिए जिंदगी में ठीक है आपको जल्दी भागना है हर चीज के लिए ठीक है फाइन चलिए पीस कीपिंग की भी बात करेंगे आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट चैप्टर ऑल्सो ओके अभी पीस कीपिंग पे ही आ रहे हैं इसके बाद ठीक है चले ओके फॉरवर्ड आगे बढ़ते ठीक है इसके बाद आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल विच वॉज क्रिएटेड फॉर ओके ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था कि इन द यूनाइटेड नेशन ओके वेन इट वॉज फॉर्मड देर आर सम कंट्रीज दो नॉट सोवराइन कंट्री वो संप्रभु नहीं थी देवर स्टिलोनियल कंट्रीज लाइक दैट ओके फाइन सो कोलोनियल कंट्री थी वह ठीक है सो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इसलिए बनाई गई टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस

फाइन, चलिए सो बस ये, ये इकलौता है विच इज इन द वी कैन सस्पेंडेड फेज राइट नाउ इन द यूनाइटेड नेशन ओके? इकलौता ऑर्गेनाइजेशन जो कि सस्पेंडेड फेज में चल रहा है ओके नाउ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएन पीस कीपिंग सिस्टम ओके जो कि आप बार बार बोल रहे थे यूएन पीस कीपिंग क्या है ठीक है चलिए सो अब आप जो वेन uh, बेसिकली uh, uh, जब सिक्योरिटी काउंसिल ने डिप्लॉयमेंट डिसाइड किया इन द यूएन बेसिली यूनाइटेड यू मिलिट्री ऑब्जर्वर टू द मिडिल ईस्ट इन नाइनटीन फोर्टी एट यूएन दू एस यूएन पीसकीपिंग फोर्सेज क्रिएटेड तो यूएन पीस कीपिंग क्रिएशन कब हुआ तब हुआ ठीक है एंड यूएन पीस कीपिंग फोर्स एड नेशन इन नेगोशिएटिंग ऑफ द So, uh, से, uh, सेनाएं आती है और वो एक यूएन पीस कीपिंग के थ्रू में जाके वहां पर शांति व्यवस्था और स्थिरता लाने की कोशिश करती है ठीक है ये उनका उद्देश्य है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो मिशन है दे आर बेसिली अप्रूव बायोरिटी काउंसिल ओके मिशन की कहा पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना है ठीक है uh, ये बेसिकली uh, कहा जाएगा वो सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र जो महासभा uh, सुरक्षा परिषद जो है वो डिसाइड हैं मेजरली सुरक्षा परिषद के पास पावर है बट कुछ स्थिति में uh, महासभा भी डिसाइड कर सकती है कि हां कहां, कहां पे हमको यूएन सिक्योरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस भेजनी है सैनिकों को भेजना है ठीक है इसके अलावा इसके बारे में एवरी मेंबर ओके चलिए यहां पर देख लीजिए एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लीगेटेड टू पे देर रिस्पेक्टिव शेयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन आर्टिकल सेवनटीन ऑफ द यू एन चार्टर ओके आर्टिकल सेवनटीन जो है यू एन चार्टर का प्रोविजन आर्टिकल सेवनटीन जो है वो कहता है क्या अरे बता दो तो दिए ना आर्टिकल सेवेंटीन लिखा तो यहां पर ठीक है सो आर्टिकल सेवनटीन क्या कहते हैं एवरी मेंबर है पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देर शेयर इन द पेमेंट करना पड़ेगा ओके सो एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लीगेटेड टू पे सबको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा टू मेंटेन द बिकॉज इट्स यूनाइटेड नेशन फोर्स ओके वो सबकी फोर्स है पूरी दुनिया की सो so, इसलिए सबको पैसा देना पड़ेगा बट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रुप इज वॉल्ट्री ओके ट्रुप का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वॉलेंट्री है एंड यू एन एज नो मिलिट्री फोर्स एंड दैट्स द ट्रुप इज बेसिकली बीन गिवन ऑन वॉल्ट्री बेसिस ओके जिस कंट्री को अपने सैनिक भेजने वो भेजेगी जिसको नहीं भेजने नहीं भेजेगी ओके सो फंड इज मैंडेटरी वेरी गुड ओके सो फंडिंग सबको करना है इक्वल नहीं

Uh, जो योगदान है पुलिसकर्मी या फिर सेना प्रदान करते हैं सबसे आगे अभी के वक्त में ओके okay? वर्तमान वक्त में इन द करेंट टाइम पीरियड करेंटली बांग्लादेश नेपाल एंड इंडिया दे आर द टॉप थ्री कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज ओके हां मनी देना कंपल्सरी है हाँ हां मनी देना कंपलसरी है बट फोर्सेस uh, भेजना मैंडेट वॉलेंट्री uh, uh, है वो आपकी इच्छा है ठीक है नहीं डिलीट क्यों होगी ध्रुव ओके इट विल बी अवेलेबल ध्रुवी सॉरी आपका ध्रुवी माई बी देखिए कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होती इट विल ऑलवेज भी अवेलेबल ऑन द दूट्यूब ओके यूट्यूब पे आप टेलीग्राम बेसिकली जो चैनल है टेलीग्राम बोल रहा हूं या फिर बोल सकते हैं आप जो यूरी टेस्ट चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए वहां पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको कभी भी वीडियो देख सकते हैं ठीक है या फिर लिंक अपने पास सेव कर लीजिएगा ठीक है नाउ अबाउट द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी देख लेते जल्दी जल्दी फटाफट चलिए सो आर्टिकल बेसिकली विद इन देर आर सिक्स इन दर्टिकलॉर्डिंग टू दू एन चार्टर ओकेज एजेंसी लाइक प्रोग्राम्स एंड फंड इन मल्टीपल थिंग्स बाय द यूनाइटेड नेशनइटेड नेशन की तरफ से कुछ प्रोग्रामेंगे फंड रहेंगे सो उसके लिए स्पेशल एजेंसी का प्रोविजन है जो है दे हैव काइंड ऑफ ऑटोनॉमी ओके तो अगर वो स्पेशल एजेंसी है तो उनके काम करने का तरीका अलग हुआ बट ये दे कम्स अंडर दमरेला ऑफ यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं वो बट दे विल बी काइंड ऑफ ए वीक सेम थिंग पीस मेकिंग पीस कीपिंग सेम थिंग ओके ज्ञान वाणी इट्सिंग ओके चलिए सो पीस मेकिंग मिशन बोल दीजिए फिर पीस कीपिंग मिशन बोल दिया बात बराबर है ठीक है फाइन ना सो देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट एजेंसी जिसके आपको नाम या रखें इन द एग्जामिनेशन यू कैन सिंपली गेट अ क्वेश्चन द नेम ऑफ स्पेशल एजेंसी नेम एंड देर हेडक्वार्टर ओके जैसा कि पिछली बार भी क्वेश्चन आया था यू सीन द लास्ट ईयर पेपर सो क्वेश्चन आया था एजेंसी के नाम और उनके हेडक्वार्ट ओके मैज द फॉलोइंग सिमिलर गिव यू क्वेश्चन लाइक एजेंसीज के नाम और उनके ईयर स्पेसिफिकली ओके सो कब फाउंडेशन होता है जैसे एफ एन फोर्टी फाइव रोम इज द्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एल ओ जेनेवा हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई एम एफ वाशिंगटन यूनेस्को फोर्टी फाइव अगेन पैरिस वर्ल्ड बैंक ग्रुप वॉशिंगटन अगेन देखिए पैसे की बात आएगी तो अमेरिका ठीक है जहां जहां पैसा आया आईएमएफ है वर्ल्ड बैंक है कहां पे यूएसए में ठीक है जहां अच्छे काम कर रहे हैं वहां पर जेनेवा आ जाएगा ठीक है जेनेवा जेनेवा लेबर का वेलफेयर करना है दवाई का ध्यान रखना है तो जेनेवा में पहुंचा दिया गया ठीक है जहां पे पॉजिटिव काम है वहां जेनेवा स्विट्जरलैंड ओके बिकॉज आप सभी को पता स्विजरलैंड इज अ प्लेस ऑफ लव और वी कैन से प्लेस ऑफ लाइस अगेन डेमोक्रेटिक बहुत अच्छे तरीके से सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर थिंग्स यूनेस्को पेरिस में बिकॉज अगेन वेरी सिंपल यूनेस्को इज इन पेरिस बिकॉज यूनेस्को इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द हेरिटेज हेरिटेज एंड कल्चर ओके यूनेस्को हेरिटेज साइड एंड मल्टीवल थिंग्स ओके पेरिस इज अ हेरिटेज सिटी क्लासिकल सिटी ठीक है पेरिस अपने आप में क्लासिकल सिटी बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं कि यूनेस्को जो है वो पेरिस में क्यों है उसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है हर चीज को रटने का भी एक तरीका होता है यूनेस्को इज फेमस फॉर हेरिटेज ओके सबको पता है हेरिटेज साइट वगैरह करती है तो आपको क्या करना है है सीधे बात पेरिस हेरिटेज पेरिस इज अरिटेज सिटी बहुत पुराना तो इसलिए पेरिस को आप लगा सकते हैं ठीक है ठीके? हाँ जी यूएस यूएस लालची वाला सीधी बात है ठीक है फाइन चलिए आप कोई ब्रेक नहीं आगे बढ़ते आप कोई ब्रेक नहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके नाउ डब्ल्यू टीओ डब्लू टीओ में से बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग पढ़ लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता देता हूं जो कि आर मल्टीपल एक्चुअली जो कि एग्जाम में आ सकते हैं सो में बन, गया था जो बेसिकली है जो ठीक है जनरल टेरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो था ठीक है थारिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो था सामान्य उसके बाद जो है जो कि 1944 में बन गया था जेनेवा में उसके बाद जो है नाइनटीन फाइव में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है एंड इंडिया इज वन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ओके आप सभी को बताया कि जो भारत है

सो अलोंग विथ दैट दर इज अल काउंसिल विच इज वर्किंग एज अंटिन्यूस बॉडी होके दो साल में एक बार ही मिलती है ठीक है मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है दो साल में एक बार मिलती है बट यह जो आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जनरल काउंसिल है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है यह रेगुलर रिवर्क करते हैं स्पेशली दिस जनरल काउंसिल इज ऑनली इट वर्क वेन इट इज सोल्विंग द डिस्प्यूट जब डिस्प्यूट्स रिजोल्व करना है तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह काम करती है जब ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना है तो वो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू पॉलिसी अगेन सो इज अ जनरल काउंसिल विच ऑल द कंट्रीज जितने भी डब्ल्यू मेंबर्स हैं सबके मेंबर्स जो है सबके रिप्रेजेंटेटिव जनरल काउंसिल में होते हैं परमानेंट ओके देर इज अ एम्बेडर एट व जैसे भारत ने अपना बैठा भै, रखा है व्यक्ति की भाई आप वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो जनरल काउंसिल में रहता है जब डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात होती है तो वो भारत की तरफ से पहुंच जाता है जब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू तो भारत की तरफ से पहुंच जाता है okay? उसके अंदर भी आता है मेन स्ट्रक्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हाइस्ट डिसीजन की क्या करना है भविष्य क्या है ट्रेड का दुनिया का व्यापार का व्यवस्था क्या रहेगी उसका डिसाइड करते हैं यहां पर उसके अलावा देर थ्री डिफरेंट बॉडीज मेजरली ठीक है फाइन ये स्ट्रक्चर याद रखेगा मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस एवरी टू ईयर ओके हर दो साल में ये मिलती है ठीक है उसके बाद जनरल काउंसिल रिस्पांसिबल एग्जीक्यूशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ओके जो भी मिनिस्ट्रल लेगी ओके व्हाट एवर डिसीजन टेकन बाय मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो भी निर्णय मिनिस्ट्रियल स्तरीय सम्मेलन में लिया गया है उसके क्रियान्वयन उसके इंप्लीमेंटेशन काम किसका है जनरल काउंसिल का है बट म द फंक्शन ऑफ ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट ओके तो यही जनरल काउंसिल जो है सामान्य परिषद जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट भी सुलझाती है और जब वो सुलझाती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी बोलते हैं और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी बोलते हैं है, इतनी सी बात है ठीक है फाइन चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट राउंड ऑफ डब्ल्यू टीओ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं दोहा राउंड जो एग्रीमेंट्स है दोहा राउंड uh, तो क्या था बाली राउंड बाली कॉन्फ्रेंस क्या थी इसमें स्पेशली ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ओके यू मस्ट नो अबाउट दिस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इन देश दिस बाली कॉन्फ्रेंस एज वेल एस दोहा राउंड इज समथिंग विच वॉज स्टार्टेड इन दोर्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ओकेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इ कैन गिव यू द नेम ऑफ डिफरेंट राउंड ओके एंड दे केन गिव यू द नेम ऑफ डिफरेंट डिसीजन दैट वेकन ड्यूरिंग दोस्त ओके? तो okay? कौन सा राउंड? या तो तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ओके? Uh, ओके? Okay? बहुत एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, से स्पेशली, okay? ये मैं आपको दे रहा हूं आपको उसको याद कैसे करना है, ये बता रहा हूं एक क्वेश्चन आ सकता है टू अरेंज द डिफरेंट मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैन से डिफरेंट डिसीजन क्रोनोलॉजिकल मैनर ओके एक कालक्रम में uh, डब्ल्यूटीओ के जो मेजर डिसीजन है उसको सीक्वेंस में है ठीक है तो दोहा राउंड बाली कॉन्फ्रेंस देन दोहा दौर हो गया बा, बाली सम्मेलन सम्मेल हो गया नायरोबी कॉन्फ्रेंस एज वेल एज टू तो ट्वेल्थ मिनिस्टर मीटिंग ओके सो तो सब जगह कुछ कुछ मेजर डिसीजन लिए गए जैसे फॉर एग्जाम्पल नायरोबी कॉन्फ्रेंस इज फेमस फॉर स्पेशल सेफ गार्ड ओके नायरोबी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है हाँ डेफिनेटली बाली कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन कर दें चलिए कर देंगे नहीं ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है जोगेश्वरी यूएन एन ऑर्गन के ज्यादा ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है फाइन अच्छा जी आपको किसी का दोहा राउंड का कंफ्यूजन था देखिए दोहा राउंड में क्या हुआ इट्स वाज़ द लेटेस्ट राउंड सो बेसिकली दोहा राउंड वाज़ स्टार्टेड इन 2001 ओके okay? तो 2001 में इसको स्टार्ट किया गया और द ऑब्जेक्टिव वाज़ ओके इसका उद्देश्य क्या था कि ये हम डिसाइड कर सके कि वर्ल्ड में जो ट्रेड बिकॉज डब्ल्यू तो बन गया है बट दे आर डूइंग डिस्कशन टू हाउ टू एनहास दिकॉज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन ओके तो डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है कि वैश्वीकरण को हमको बढ़ाना है और जब वैश्वीकरण को बढ़ाना है तो उसके लिए और किस तरीके से हम जो व्यापार है उसको और बराबर इक्वल चीपर बना सकते हैं ठीक है सो उसके लिए लगातार चर्चा परिचर्चा चलती है जो कि दो राउंड में स्टार्ट हुई एंड 2008 में वो ब्रेक डाउन कर गई बिकॉज करॉज नो एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज ओके विकसित और अविकसित देशों के बीच में ठीक है सॉरी विकसित एंड विकासशील देशों के बीच में बात नहीं बन पाई द कंट्रीज लाइक इंडिया वॉज डिमांडिंग समथिंग एल्स ओके भारत जैसे देश कुछ और मांग रहे थे और जो अमेरिका हुआ ब्रिटेन हुआ उनका अलग प्रस्पेक्टिव था तो बात नहीं नहीं। और दोहा जो ट्रेड okay? so 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 okay? में बैरियर्स होते व्यापार में टैक्स लग जाता है कस्टम ड्यूटी लग जाता है या फिर जो एक फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं हो पा रहा है ग्लोबलाइजेशन में उसको हटाने के लिए डिस्कशन था बट वो खत्म हो गया ठीक है बाली कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बाली कॉन्फ्रेंस वॉज बेसिकली रिलेटेड टू द इन द इन दर्ट वी कैन से अगेन फॉर द क्रिएशन ऑफ बेटर ट्रेड पॉलिसी बट इन द फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ओके जो गरीब देश है जो विकसित विकासशील देश है ठीक है उनके फेवर में था और वहां पर बाली पैकेज दिए गए वेर देर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड फेसिलिटेशन एज वेल एज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यहां पर दो चीजें की गई ठीक है इसको देखना पड़ेगा आपको यहां पर दो चीजें क्या होती है डेली हाँ क्लास होती है पांच बजे हाँ फाइन होती है चलिए फाइन सो so, यहाँ बाली सम्मेलन में क्या किया गया बाली सम्मेलन में दो हजार तेरह में यह डिसाइड किया गया कि एक तो पहली बात तो ट्रेड फैसिलिटेशन टी एफ ए की व्यापार सुविधा समझौता किया गया जिससे व्यापार को तेजी से आसान तरीके से किया जा सके कि दैट वॉज द एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज कि वी विल ट्राई टू तो बेटर ऑफ द ट्रेड रिलेशन ओके okay? तो हम व्यापार को और स्मूथ बनाएंगे ये डिसाइड बट उसके साथ साथ एक और बात बोला गया कि खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण करने का पब्लिक प्रीवियसली देखिए भंडारण क्या होता है देखिए सीधी बात है मार्केट का प्रिंसिपल क्या चलता है कि जैसा सामान आया वैसा बेचा मार्केट में ओके दैट इज मार्केट जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट वंस गवर्नमेंट स्टॉक ओके जैसे आप देखते ना कि भारत सरकार क्या करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एमएसपी पर गेहूं खरीदती है ओके यू मस्ट हैव सीन इन योर विलेजेस आल्सो ओके आपने अपने है शहरों में देखा होगा कि सरकार के वो वेयर हाउस होते हैं जहां पे जो किसान है वो बेचने आते हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे ठीक है सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ डब्लूटीओ के रूल के हिसाब से वो गलत है क्यों गलत है बिकॉज uh, उसने क्या हुआ कि एक प्राइस फिक्स करी तो मार्केट कॉम्पिटिशन नहीं हो पा रहा है okay? ट्रेड में क्या होता है कि मार्केट पे शुड नॉट बी एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट लिबरल पॉलिसी यही कहती है कि सरकार का मार्केट में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए बट सरकार जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कुछ खरीद रही तो इंटरफेयर कर रही ना और उससे फिर ग्लोबल जो प्राइस है गेहूं के या फिर चावल के या फिर जो भी है वो इंटरफेयर होते हैं सो दैट्स वाई उस पर डिबेट स्टार्ट हुआ कि विकसित विकासशील देशों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भारत जैसे देशों को अपना जो गेहूं का खजाना है भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए तो फिर वहां पे फाइनली डिसाइड हुआ कि यस अलाउड है बिकॉज इट इज अश्यू ऑफ वर्ट वी कैन से लाइक फूड सिक्योरिटी कि खाद्य आपूर्ति की बात है यहां पे कोई व्यापार नहीं हो रहा है ठीक है व्यापार बाद में आता है पहले पेट आता है ठीक है तो यहां पे क्लियर हुआ बाली समिट में कि यस कि जो अमीर देश बोलते हैं कि नहीं करेगा नहीं करेगा भारत तो भारत जैसे देशों ने मिलकर वहां पे दबाव बनाया कि यार

जिसके थ्रू दर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीस क्लॉस कि फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज जो विक, विकासशील देश है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है अविकसित देश है उनको लिए एक, आ, स, एक क्या है एक प्रकार के स्पेशल सेफ दिया गया कि ये देश जो है वो अपने जनता की सुरक्षा के लिए सब्सिडीज दे सकते हैं इनके किसान अभी कमजोर है तो वहां पे सब्सिडी वगैरह देने का ऑप्शन बेसिकली रखा गया ठीक है तो, तो, तो दैट वाज अ परस्पेक्टिव Huh. Yes. Shall we, let's continue? उसके बाद जी ट्वेंटी है भाई पढ़ लीजिएगा जी ट्वेंटी के बारे में मेंबर्स के नाम जी ट्वेंटी कब बना इस्टेब्लिश नाइनटीन नाइन नाइन में ओके एट्टी परसेंट ऑफ जी फाइन इसमें वैसे मेरा आपसे कुछ पढ़ाने वाला है नहीं जी ट्वेंटी में तो आप एक बार रीड मार लीजिएगा ओके नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद में सो जस्ट गिव गिविट रीड ऑनली ओके चलिए ओके फाइन लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे चलते हैं ये क्या इशू हो रहा है यहाँ पे हाँ? ठीक है फाइन चलिए ओके ओके फाइन डन है चलिए कुछ दिक्कत है यहाँ पे ना ओके चलिए फाइन फाइन वंडरफुल चलिए आगे बढ़ते हैं नींद आ गई है चलिए बस खत्म नहीं कर रहे दस मिनट और बस दस मिनट बीस मिनट और उसके बाद आप अगेन ब्रिस्क के बारे में कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स दे दी गई है इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा

ओके okay, सो so, को आप लोग एक बार रीडर हाँ यूरोपियन यूनियन ठीक है दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट ट्रीटीज ओके यूरोपियन यूनियन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है एंड दीज आर द टाइम लाइन देयर कैन बी ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजी एक कालक्रम का सवाल आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन के जो फॉर्मेशन हुआ है ठीक है हा जी कंप्लीट ही हो रहा है भाई प, पंडित जी स्टार्टिंग से पांच बजे से लगे हुए हम लोग ठीक है अभी आपको लग रहा है ना जी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं ठीक है हाँ हाँ जी ट्वेंटी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से ही आएगा ठीक है फाइन सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन में यू हैव यू दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन टू अरेंज द इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर ओके तो जैसे स्पेशली देर आर सम ट्रीटीज लाइक ट्रीटी ऑफ पेरिस रोम देन मैक्स ट्रीटी विच क्रिएटेड दूरपियन यूनियन नाइन नाइनटी टू ओके देन ट्रीटी ऑफ एमस्टर्डम ओके सोशल प्रोटोकॉल को प्रस्पेक्टिव ट्रीटी ऑफ नाइस लिस्बन ट्रीटी विच विच इज वेरी फेमस ओके लिस्बन ट्रीटी थोड़ी सी फेमस है क्यों बिकॉज़ इसी के चलते जो है एक कंट्री जो है यूरोपियन इनको छोड़ सकती है वो क्लॉज आया जिसके चलते ब्री एग्जिट हुआ ठीक है फाइन अब पांच घंटे का क्लास पीयूष अब नेक्स्ट संडे होगा ठीक है पांच घंटे वाला क्लास नेक्स्ट संडे होगा आईएफपी का ठीक है आप इसको भी देख सकते हैं पीयूष पांडे बस तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होगी पीूष यार दो तीन दिन से मैं चिल्ला रहा हूं सबको बता रहा हूं कि पांच घंटे क्लास होनी है फिर भी आप लोगों को याद नहीं है ठीक है नेक्स्ट संडे को होगी क्लास अब, ठीक है? की। आज आई आर का था तो एक बार एक, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा ठीक है कि कौन कौन से समिट इंपॉर्टेंट है यूरोपियन एक, कमीशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट ओके? जिसमें सवाल अक्सर आते हैं क्वेश्चन इन द प्रीवियस इके पिछले साल सवाल आया था कि बेसिकली uh, क्वेश्चन uh, था कि इनमें से कौन सा जो है वो एक एग्जीक्यूटिव आर्म है एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन की कार्यकारी कौन सी है तो उसका आंसर था यूरोपियन कमीशन विच इज एन एक्जीक्यूटिव आर्म ओके ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट्स होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट ओके सो यह कुछ कुछ ऑर्गेनाइज काम है देख लीजिएगा में इंपॉर्टेंट चीज है सात सौ पांच मेंबर्स जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में एग्जामिनेशन ओके okay? इसके बाद मॉनिटरी यूनियन है हाँ, यह ठीक है अच्छा हाँ यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है दिस ट्रू थिंग ओके की इंपॉर्टेंट डिटेल्स यूएम क्या है कि यह क्या है मॉनिटरी यूनियन इट मीन की दे आर यूजिंग अ सिंगल करेंसी यूरोज सिंगल करेंसी दे आर यूजिंग और कितने देश करें ऑल नहीं कर रहे सब नहीं कर रहे यूरोज दे आर करेंसी फॉर नाइनटीन कंट्रीज ओके समीज यूजिंग सो जस्ट रिमेंबर ओके सारी कंट्री के नाम इंपॉर्टेंट नहीं जस है जस्ट याद रखिएगा कि उन्नीस देश जो है यूरो को एक करेंसी के रूप में यूज करते हैं ठीक है थीके? एक कंबाइंड करेंसी जो कि पूरे वहां पर चलेगी इसके अलावा एक और एग्रीमेंट है शेंगर एग्रीमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट

बॉर्डर सिस्टम अमंग द यूरोपियन कंट्रीज ओके यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में सो पांच कंट्रीज को छोड़ के बाइस कंट्रीज के मेंबर्स टोटल ट्वेंटी सेवन मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन ईयू में सत्ताईस सदस्य सत्ताईस में से बाईस इसको फॉलो करते फाइव इसको फॉलो नहीं करते सो एक्सेप्ट फाइव कंट्री ऑल दीज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज देव अ ओपन बॉर्डर ओके एनी वन कैन ट्रेवल फ्रॉम कंट्री टू अनदर कंट्री ओके सो बाइस देश जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर ये फॉलो करते हैं कि कोई भी कहीं से भी कहीं भी जा सकता है तो देर इज नो बॉर्डर पे कोई लिमिटेशन नहीं है बट पांच कंट्रीज बुल्गारिया, क्रोशिया साइप्रस रोमानिया एज वेल एज आयरलैंड ओके दीज फोर दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस शेंगन एग्रीमेंट ओके शेंगन एग्रीमेंट को तो फॉर विदाउट पासपोर्ट कंट्रोल ओके ओपन बॉर्डर ओके मतलब ये क्या क्रिएट कर रहा है बिना पासपोर्ट नियंत्रण के खुली हुई रूप से सीमाएं यहां पे क्रिएट की गई है शेंगन एग्रीमेंट के थ्रू ठीक है सो इट इज पार्ट ऑफ ओके दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि uh, शेंगन एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सो यूरोपियन यूनियन खत्म का इससे ज्यादा कुछ नहीं यही पूछ सकते हैं कि शेंगन एग्रीमेंट किससे संबंधित है तो यूरोपियन यूनियन से संबंधित है ठीक है चलिए अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है ट्रीटी ऑफ अबुजा एफ्रिकन इकोनॉमिकल कम्युनिटी बनी थी ओके okay, उसके बाद आ, ये अफ्रीकन यूनियन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी सो ओ बेसिकली क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी एंड अफ्रीकन इकोनॉमिकल कम्युनिटी ओके दे कंबाइंड टूगेदर इन टू थाउजेंड वन ओके इन एंड दे बेसिकली क्रिएटेड इन दे लॉन्च द अफ्रीकन यूनियन ओके सो अफ्रीकन यूनियन बेसिकली बना लिया गया दो चीजों को मिला के ठीक तो मतलब है फाइन ऑप्ट आउट बाहर रहना ठीक है अंकिता को साइन नहीं कर रहे आप उससे इग्नोर कर दे रहे हैं ठीक है हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं बट हम उस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे ओवरऑल वी आर ए में पर्टिकुलर एग्रीमेंट बट वी विल नॉट एक्सेप्ट दो ऐसा नहीं कि आप सबको एग्री करेंगे ठीक है तो आप ऑप्ट आउट मतलब कि आप उससे बाहर निकलिए ठीक है हमको उस एग्रीमेंट को नहीं माना बाकी हम यूरोपियन की बातें मानेंगे उसके रूल्स रेगुलेशन बट करेंसी के मामले में या फिर बॉर्डर के मामले में हम शेयर नहीं करेंगे ठीक है प्रियांश सर मेरा नाम प्रियांशु है ना कि पीयूष प्रियांशु लिखा है पी। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है चलिए यस फाइन वेरी गुड ओके हां इग्नोर करना ठीक है सो अफ्रीकन यूनियन के बारे में ये याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाथोपिया में में नाउ नेक्स्ट वन इसमें

Uh, yes, counter to, as yes, it's a counter to the NATO also. Very good, wonderful. Okay, so iske member countries ka map bana hua hai yaha pe. Iske alawa important information created ho gaya. Ye Beijing mein headquarter hai. 2002 mein ye charter bhi aa gaya tha iska. 2001 mein create hua hai charter and implemented in 2003. Okay, so charter jo hai 2002 mein aaya. और इसको लागू कर लिया गया 2003 में 2001 में बना है ये and highest जो है head of the state council, okay? हायर decision making body.

दो हजार तेईस में भारत को जो है अध्यक्षता मिल चुकी है एससीू की आप सभी को पता चल गया होगा तो अगला जो अध्यक्ष अध्यक्ष चले जाओगे एससीू की मीटिंग का वो भारत रहेगा ठीक है समरकन डिक्लेरेशन लेटेस्ट डिक्लेरेशन है बस इतनी सी बात याद रखिएगा और कुछ नहीं देन कम्स आशियान अगेन आशियान इज ऑल्सो सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्पेशली ये कब फॉर्म हुआ अगेन ट्रीटी ओके बैंकॉक डिक्लेरेशन ओके द ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट आशियान के बारे में भी देर आर टेन मेंबर्स कंट्रीज टेन मेंबर्स है म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया सिंगापुर इंडोनेशिया वियतनाम लाओस फिलीपींस ब्रूने मलेशिया ओके सो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद क्या कौन कौन कैसे कैसे ज्वाइन ओके दिस कैन बी आस्कृत कैसे कैसे बेसिकली uh, ये बेसिकली आपका <laughs> आ सकता है सो so, किस किस तरीके सबसे पहले कौन थे uh, जो फाउंडिंग फाउडर कौन थे उसके बाद कौन कंट्रीज ने ज्वाइन किया ठीक है सो फाइव वर द इनिशियल देन म लाहौस म्यानमार फाइव ओके सो टोटल टेन में बिगनिंग शुरुआत में थे और पांच ने बाद में ज्वाइन किया ठीक है हाँ जी पीडीएफ मिल जाएगा टेंशन मत कीजिए पीडीएफ मिलेगा ढाई सौ बच्चे क्लास में अंत तक बैठे हैं तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है पीडीएफ कहां मिलेगा वो मैं बता देता हूं आपको चलिए ओके okay, अब मेरे हिसाब से इसको खत्म ही करते हैं काफी लंबा हो गया आशियान लेटफॉर्म वगैरह पढ़ लीजिएगा मैं मेरे हाथ से तो क्लास बाकी जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है बस खत्म ही है वैसे ऑलमोस्ट वैसे सब कुछ खत्म है तीन चार पेजी बचे थे सो द पीपीटी वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड जस्ट देर आर फ्यू थिंग्स जिसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा स्पेशली रिगार्डिंग द ये जो टेरिज्म है बस अफ्रीकन लेट फॉर्म ओके एशियन लेट फॉर्म ओके चलिए खत्म करते हैं बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी और बस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफिशियली फॉर बींग विथ मी बिकॉज आप लोगों के बिना यह संभव नहीं था Uh, आप सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया और साथ में हम लोगों ने मिलकर ये पांच लंग, घंटे लंबा सेशन और मेरी हिम्मत जाग गई ओके लिटरली सेइंग गाइस आज जिस तरीके से आप लोग साथ बैठे आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि बाकी के दस यूनिट्स के लिए मैं भी ऐसे करूंगा ठीक है वी हैव टेन यूनिट्स ओके सॉरी वी हैव टेन यूनिट्स इन अवर सिलेबस और एक यूनिट का बस हुआ है ऐसे ही बाकी यूनिट्स के लिए मैं करूंगा डेफिनेटली ओके दैट्स माय गारंटी सो बस आप लोगों को बस प्यार ऐसे ही देते रहना है सीरियसली पढ़ते रहना पीडीएफ आपको मिलेगी डेफिनेटली ओके आफ्टर दिस क्लास यू विल गेट पीडीएफ ऑन पीडीएफ कहां मिलेगी प्रद्युमन सर की पॉलिटिकल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप में ओके okay? या फिर ये टेलीग्राम ग्रुप ऊपर जो दिख रहा है ना ऊपर जो टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है वहां पे या फिर प्रद्युमन सर की पॉलिटिकल पाठशाला पे आपको इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा इस क्लास के तुरंत बाद ठीक है so सो पीडीएफ आपको दिया जाएगा आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में बैठे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू हम हम सबको बहुत बहुत बधाई सभी ने मिलकर पढ़ाई की है तो आप सभी को इसी पॉजिटिव uh, नोट पे मैं अलविदा कहूंगा रात के बज गए हैं दस और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा और जैसा भी लगा हो सेशन ओके जो भी आपके सजेशन हो जो भी आपको फीडबैक्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बिकॉज चैट तो हम पढ़ नहीं पाते हैं चैट तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सो बट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है सेशन और कितना मजा आया कितना मजा नहीं आया जो भी फील हुआ हो गया वट एवर योर सजेशन प्लीज डू टेल मी योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू आर न्यू कोई भी जो नया आया है जाने से पहले डू सब्सक्राइब टू द चैनल ओके सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इसी पे आपको बाकी दस यूनिट के ही मिलने वाले ठीक है तो कल मैं मिलूंगा आप लोगों को वापस पांच बजे ओके टुमारो अगेन एट फाइव पीएम विल मीट फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके कल फिर मिलेंगे पांच बजे और करेंगे पब्लिक एडमिशन की कुछ शानदार सवाल चलिए चलिए बज गएन क्लैर फॉर एवरी आप सभी के लिए तालिया ठीक है सिर्फ मेरे लिए नहीं अकेले मेरे बस पर नहीं था आप लोग देखते देखते मेरी भी ताकत बढ़ते रही ठीक है जिस तरीके से आप लोग क्लास में बने रहे लगातार उससे मेरी भी ताकत बनती रही तो बस आप सभी की जिम्मेदारी है सोने से पहले जाने से पहले पीडीएफ आपको मिल जाएगा

उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा उसी हिसाब से रिवाइज कीजिएगा ओके सो यू हैव टू रिवाइज ऑल थिंग्स एंड बाकी आ, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप मेरा जेआरएफ बूस्टर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे एक प्रॉपर बूस्टर कोर्स के थ्रू हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं यूनिट वाइज तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है सो so उसके लिए आप क्या करेंगे टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू एवरीवन गुड नाइट एवरीवन एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन ताली आप सभी के लिए और मेरे लिए भी चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन <laughs> good night, good night, good night, guys. Good night, everyone. <laughs> <laughs> chips तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि तैयारी कहां हो रही है यूसीनेट एग्जाम की तैयारी हो रही है प्रदिमन सर की पाठशाला में ठीक है ठीके? तो अपने दोस्तों को जितने भी दोस्त हैं आपके जो लोग यूसीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की उनको बता दीजिए कि अब और भी ऐसे सेशन होंगे ऐसे पांच पांच घंटे लगातार सेशन आपके एग्जाम से पहले मैं ध्यान रखूंगा कि सारी आपको वो टॉपिक्स पढ़ा दूं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसी पांच पांच घंटे के सेशन लेके यूनिट्स ऑल द टेन यूनिट्स विल बी कवर इन सिमिलर मैनर पांच पांच घंटे के सेशन लेके ले ठीक है आज पहली बार था टाइम मैनेजमेंट इशू हुआ कि स्टार्टिंग में हमने ज्यादा टाइम दिया आप मैं बोला था शुरू में अगर तेज चलता तो आखिरी में भागम भाग नहीं होती आपने देखा लास्ट का एक घंटा में थोड़ा सा भागा हूं तो वो अगर शुरू से अगर कंसिस्टेंसी रहती बट आप लोग थोड़ा स्लो 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 तो आप लोगों ने ब्रेक लगा दिए तो मैं थोड़ा स्लो हो गया नहीं तो और आराम से हम करते तो एक कंसिस्टेंसी चलती थी, बट ठीक है लास्ट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर sure की आ, थोड़ा सा और ओरिएंटेड रहे और आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्वल्स ओके थैंक यू एवरी चलिए ओके गुड नाइट फाइनली बाय बाय थैंक यू पैकअप